हेलो बच्चों क्या हाल है आप लोगों के बेटा तो बच्चों आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से जल्दी से बेटा चैट पर लिखकर बताओ कि अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है कोई दिक्कत नहीं हो रही है मजा आ रहा है सुनने में जल्दी से बताइए गुड इवनिंग प्रवीण कह रहे हैं हाय सर आशीष कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी जल्दी से चैट पे लिख के बताइए ऑल क्लियर गुड इवनिंग सर लव यू सर लव लव यू बेटा कुछ लोग पूछ रहे हैं सर मस्ट डू चैप्टर्स भी बताइए तो बेटा सारी बातें करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में साउंड इज क्लियर चलिए ग्रेट तो क्या हाल है भाई आप लोगों के कैसी चल रही है जेई की प्रिपरेशन काफी दिनों बाद हम लोग मंजिल लेजेंड में दोबारा से मिल रहे हैं बेटा एक चैप्टर अपना रह गया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑल्दो फर्स्ट जय ही में इनसे पहले करवाना था बट किसी कारण उस समय हो नहीं पाया तो हमने सोचा क्यों ना आपका यह चैप्टर भी करवा दिया जाए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर क्या सर बेसिक से होगा बिल्कुल बेटा मंजिल लेजेंड बैच में जो हम वन शॉट में करने वाले हैं बेसिक से लेके हम पूरा डिटेल में करेंगे एडवांस लेवल तक तो इसलिए सारी चीजें होने वाली हैं बिल्कुल होने वाली हैं एम एन डी क्या है MND क्या है यार मुझे पता नहीं है क्या लिख रहे हो आप यू यू आर ऑल्सो डिमांड अच्छा पता नहीं क्या लिख एमडी क्या है थोड़ा सा समझाओ मुझे कितने आवर्स का सेशन होगा तो बेटा सारी बातें करेंगे कितने आवर्स का सेशन होगा तो बेटा लगभग देखो चार से पांच घंटे तो लगेंगे ही अगर हम बेसिक्स से पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे एंड साथ में पी वाई भी करेंगे तो घंटे मत गिना करो यार जब भी कोई बच्चा ये पूछता है ना सर कितने घंटे होंगे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार क्योंकि मैथ्स में बेटा आपको या कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो एक कोई भी ये पूछते हो यार मूवी कितने घंटे की है देखने पहले जाते हो जब मजा आ रहा होता है ना तो चाहे तीन घंटे की हो चाहे चार घंटे की और अच्छी मूवी होगी तो चार घंटे की भी लगती रहे बट अगर खराब मूवी है तो दो घंटे भी नहीं झेला जाता तो वैसा ही मैथ्स है बेटा अगर आपको इंटरेस्ट है अगर आपको मजा आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आपको पता ही नहीं लगेंगे चार घंटे एंड स्पेशली इस चैप्टर में एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसके अंदर मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है बेटा सर मैथ्स में बहुत वीक हूं क्या करूं बेटा कुछ नहीं करो सिर्फ मेहनत करो कुछ चैप्टर्स लेके स्टार्ट करो और उन पे बेस्ट एफर्ट दो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे देखो मैथ्स में उतना बेनिफिट होगा और ज्यादा मत सोचो ये मत सोचो यार 25 30 चैप्टर हैं कैसे करूंगा पांच शुरू के गिनती के करो उन पांच में अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करो फिर नेक्स्ट पांच पकड़ो ऐसे करो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो सर प्रे सर आप गोट हो मैथ्स के गोट क्या होता है यार मुझे देखो यार ये टर्म्स वगैरह आती नहीं है ये क्या तुम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाते हो मैं इतना वेलवर्स नहीं हूं बट धीरे धीरे सीख जाऊंगा देखो इन ऑनलाइन टर्म से अच्छा मेट्रिस एंड डिटर्मिनेंट कह रहे थे आप ओके एम एंड डी का मतलब आप मैथ्स में मेट्रिस डिटर्मिनेंट कह रहे थे ओके गॉट इट चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई स्टार्ट किया जाए जल्दी से बताइए सब लोग बिल्कुल रेडी हैं अपनी नोटबुक लेकर बिल्कुल पेन लेकर बेटा रेडी बैठना है सिर्फ वीडियो देखना नहीं है साथ में लिखना भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कॉम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो बेटा पिछले कुछ सालों से इनफैक्ट तुम अगर दो हजार के पेपर देखोगे तो पच्चीस तीस पच्चीस सवाल आए हैं जेई मेन में इसके अंदर सारे से सब सारे मिला के मतलब बाकी मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर ये मेरे को लग रहा है अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन इन थ्री तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज से दस साल पहले पंद्रह साल पहले उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे पीएनसी से बस आजकल बेटा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जब मैं आपके लिए पीपीटी बना रहा था तो देख रहा था 22 में भी बहुत 2022 में भी बहुत क्वेश्चन 21 में भी बहुत क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे इसलिए हमें पढ़ना है अच्छी तरह से चलिए तो स्टार्ट करा जाए भाई सभी बच्चे लिख रहे हैं थम्सअप दिखा रहे हैं हाउ टू रीच एडवांस लेवल तो बेटा बिल्कुल एडवांस लेवल भी चलेंगे बस जितना हो रहा है हमसे ये मत सोचो अरे यार ये तो आधा ही हुआ हमसे हमारा शायद नहीं हो पाएगा नहीं बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही होता है आईआईटी जो क्लियर करते हैं उनका ऐसा थोड़ी होता है कि सारे चैप्टर बिल्कुल 100 परसेंट स्ट्रॉन्ग है बस वो गिव अप नहीं करते अगर आप भी अप नहीं करेंगे लगे रहेंगे तो लास्ट में जाके रिवीजन करके प्रैक्टिस करके कुछ नहीं पता किसके क्या रैंक आ जाए इसलिए बहुत क्रूशियल है अगले दो तीन महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें मेहनत करते रहो बस और लगे रहिए चलिए भाई तो स्टार्ट किया जाए हाउ मेनी आवर्स फिर से वही सवाल यार हाउ मेनी आवर्स तो देखो यार वन शॉट है तो कम से कम चार पांच पांच घंटे तो मान के ही चलो चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई तो प्रॉबेबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें बेटा फॉर्मूलाज हैं बहुत कम देखो होता क्या है जनरली जो हम वन शॉट में लेक्चर्स कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी करवाए थे पैराबोला हो गया एलिप्स हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया फॉर्मूलाज बहुत सारे थे और मोर और लेस अगर आपने सिक्सटी सेवेंटी परसेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी लेक्चर देखा तो अप, आपको समझ आ गया होगा बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा ऐसा चैप्टर नहीं है इसमें हंड्रेड परसेंट की जरूरत है एक एक बच्चे को जो भी बेटा क्लास अटेंड कर रहा है अगर आप चाहते हैं इस क्लास का आपको बेनिफिट हो तो बेटा हंड्रेड परसेंट अटेंशन आपकी चाहिए क्योंकि वरना आपको समझ नहीं आएगा इसमें क्योंकि इसमें इसमें क्योंकि नहीं है इसमें है तो है लॉजिक लॉजिक तो बेस्ड चैप्टर इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे और साथ में क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या क्या करने वाले हैं सबसे पहले सब टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं सामने स्क्रीन में छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जो इसमें जो हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बिल्कुल पहला कॉम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ये समझ लीजिए एबीसीडी है ये कभी भी हम जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स हैं वो इस चैप्टर का है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एनसीआरटी में भी यहीं से शुरू हो रहा है ये चैप्टर और यहां पर भी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं बेटा जेई में इसमें बहुत सवाल आते हैं मोस्ट मतलब ये समझ लो 50 क्वेश्चन तो इन शुरू के दो तीन टॉपिक से ही आते हैं जो एनसीआरटी के हैं बाकी 50, सब फिफ्टी परसेंट वेटेज है बाकी शुरू के तीन फिफ्टी परसेंट है कॉम्बिटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड अलाइक ऑब्जेक्ट्स ये भी आपने देखा होगा एनसीआरटी में टॉपिक दिया गया है कॉम्बिनेशन जहां एनसीआर वगैरह यूज होता है वो सब चीजें देखेंगे उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्स पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेगर्स मेथड सर ये क्या मेथड है बेगर्स मेथड तो देखेंगे अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेथड यूज करेंगे बहुत ही जबरदस्त मेथड है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया मेथड और इसके बाद बेटा हम डी अरेंजमेंट करेंगे साथ में पीवाई क्यूज अब देखो मैंने थोड़ा सा इस बार चेंज किया है पीवाई क्यूज मैं 2021 और 22 20 के आपको करवाऊंगा क्लास के बीच में जहां जहां पे आएंगे इलेट्रेशन करेंगे हम बट 2023 हजार तेईस के जो यानी जनवरी वाले अटेम्प्ट के मैंने जान के अभी नहीं लिए हैं बिकॉज मैं चाहता था कि एक साल के आपको खुद प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए तो जनवरी वाले जब आप ये लेक्चर देख लें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए प्रैक्टिस आप थोड़ी बहुत कर लें जो होमवर्क मैं दू वो कंप्लीट कर ले उसके बाद जनवरी यही मेन के कुछ से अटेम्प्ट करना ट्राई करना और देखना उसमें से कितने हो रहे हैं जो बीस पच्चीस सवाल आए अगर उसमें से बारह तेरह आपसे हो पा रहे हैं दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक देखो ये मत कभी टारगेट करना 25 में से 25 हो जाएंगे स्कूल का नहीं है बो, बोर्ड का नहीं है पढ़ाई यही में फिफ्टी सिक्सटी परसेंट अगर हमसे सॉल्व हो रहे हैं तो हमारा प्रिपरेशन बहुत बढ़िया लेवल पर है इवन फॉर एडवांस्ड राइट चलिए स्टार्ट किया जाए तो फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो देखो जो भी परम्यूटेशन के बिल्कुल बेसिक फंडे हैं वो स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है कि अगर एक इवेंट अकर कर सकता है वेज 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 में इवेंट इवेंट ए अकर्स अकर्स इन इन बी तो साथ में अकर होना है अगर एम फर्स्ट इवेंट भी होना है सेकेंड भी होना है तो एम इन टू हैं दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही सिंपल सी बात अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं मान लो कि हमारे पास शर्ट्स हैं तीन तीन शर्ट्स हैं आपके पास और आपके पास जीन्स हैं दो दो अलग अलग जीन्स हैं दो तीन अलग अलग शर्ट्स हैं राइट अब आप बोलेंगे कि सर आपके पास तो एक ही शर्ट टी शर्ट है यही वाली फिजिक्स वाला वाली मतलब तुम एक एग्जाम्पल ले लो यार कि तीन टी शर्ट है मेरे पास और दो जीन्स हैं तो अब कितनी तरह से मैं जींस और शर्ट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकता हूं तो शर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एस एच वन एस एच टू एस एच थ्री ये तीन शर्ट्स हैं हो सकता है एस के साथ जे वन फॉस्ट जीन्स सेलेक्ट करियो या शर्ट वन के साथ आपने जे टू सेलेक्ट करियो हो जींस टू एस एच टू के साथ सिमिलरली जे वन एस एच टू के साथ जे टू एस एच थ्री के साथ जे वन एस एच थ्री के साथ जीन्स नंबर टू तो आपने देखा हम छे, छे पेयर्स बना सकते हैं शर्ट और जीन्स के तो बेसिकली यही बात हो गई कि शर्ट सेलेक्ट करने के तीन तरीके और जींस के दो तरीके सो टोटल वेज हमारे हो गए थ्री इंटू टू तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि भाई फर्स्ट इवेंट यहां पे फर्स्ट इवेंट क्या था शर्ट सेलेक्ट करना शर्ट सेलेक्ट करना वॉज फर्स्ट इवेंट उसके होने के तीन तरीके थे वहां पे एम एमवे थे जीन्स सेलेक्ट करने के दो तरीके थे तो टोटल तरीके साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करने के थ्री इंटू टू यानी एक शर्ट एंड एक जीन्स एंड आ रहा है ना बीच में तो एक शर्ट एंड एक जींस मतलब हम दोनों चीजें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो थ्री इंटू टू सिक्स तरीके हो गए तो यही चीज जनरलाइज करी हुई है एम वे से अगर फर्स्ट इवेंट हो रहा है एन वेस से सेकेंड इवेंट हो रहा है तो एम इंटू एन वेस से आपका साइमल्टेनियसली वो दोनों इवेंट हो जाएंगे अब ये तुमको बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है हमने तो सीधे तब पड़ेगी जब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे मान लो कि मेरे पास दस शर्ट है और पांच जीन्स हैं तो अब हमारे पास कितने पेयर बन जाएंगे भाई दस इंटू पांच हो जाएंगे बट वो अगर हम गिनने बैठते ओरली वैसे करते अगर मैनुअली गिनते बहुत लंबा हो जाता राइट इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की जरूरत है क्योंकि ये नंबर थ्री टू की जगह बड़े बड़े हो जाते तब भी हम ऐसे ही लगा सकते थे सिमिलरली देखो बेटा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो जरूरी नहीं है सिर्फ दो इवेंट्स के लिए लगे सबसे पहले क्या हुआ हमने यहां इवेंट है इवेंट भी दो इवेंट्स के लिए लगाया हो सकता है कि वो आपका तीन इवेंट चार इवेंट जितने मर्जी इवेंट हो मतलब सपोज आपको आपके पास मान लो शर्ट्स हैं पांच जीन्स हैं तीन। और मान लो बेल्ट्स भी ले लेते हैं बेल्ट्स है फिर से चार तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिस तरह से हम एक शर्ट एक जींस एक बेल्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो हो जाएगा फाइव इंटू थ्री इंटू फोर तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने मर्जी इवेंट्स के लिए लगा सकते हो पहले दो के लिए लगाया तीन के लिए लगाया चार के लिए दस के लिए जितने मर्जी के लिए लगा लीजिए सो दिस इज गोइंग टू गिव अस कितना हो गया भाई ये फाइव थ्री फिफ्टीन फोर सा सिक्सटी हो गया सो सिक्सटी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे एक शर्ट एक जीन्स और एक बेल्ट के हमारे पास राइट चलिए तो ये हो गया अपना सबसे पहले तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बिल्कुल बेसिक आई थिंक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज एनसीआरटी में भी दी गई है तो अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर भी बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रस्ट ट्रस्टमी तो करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे पहला सवाल देखिए एक 2021 का ले लिया है मैंने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन आया था इन द इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट डिजिट रिपीट नहीं कर सकते नंबर ऑफ नंबर जीरो टू फोर सिक्स एट ठीक है डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिजिट से बड़े तो टेन थाउजेंड तो पांच डिजिट नंबर है फाइव डिजिट नंबर है फाइव डिजिट नंबर अगर है तो भाई दस हजार से बड़ा तो होगा ही होगा फाइव डिजिट नंबर क्योंकि आपकी कोई भी डिजिट zero, two, four, six, है zero तो फर्स्ट डिजिट हो नहीं सकती अगर टू फोर सिक्स एट में से कुछ भी आई तो हज, दस हजार से तो पक्का बड़ा होने वाला है ये तो बात पक्की हो गई तो आप जल्दी से सोचते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते हैं देखो सबसे पहले ये सोचो फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज तो जैसे इवेंट था ना अभी शर्ट सेलेक्ट करने का अब है पहली डिजिट सेलेक्ट करने का तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट फर्स्ट डिजिट जीरो छोड़ के सर कुछ भी आ सकता है तो टू फोर सिक्स एट चार तरीके से ये डिजिट फिल की जा सकती है फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन फोर वेज राइट बिल्कुल सर सपोज अब यहां कुछ फिल कर दिया मान लीजिए आपने यहां पे एट डाल दिया सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल एट डाल दिया अब एट यहां तो आ नहीं सकता अब सेकेंड प्लेस पर एट नहीं आ सकता तो सेकेंड डिजिट कितनी तरह से फिल हो सकती है अब एट नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं थी बट जीरो तो आ सकता है ना सेकंड में जीरो आ सकता है क्योंकि भाई तो डिजिट तो तो कुछ फिल करके देख लिया करो मान लो यहां सिक्स कर दिया आपने अब ये आठ और छ नहीं आ सकते बची तीन डिजिट आ सकती है थ्री ऐसे ही टू वेज ऐसे ही वन वे नंबर ऑफ वेज टू फिल ई डिजिट मैंने लिख दिया है और नंबर बनाने के लिए मुझे साइमल्टेनियसली सारी डिजिट सेलेक्ट करनी है क्या करना है साइमल्टेनियसली सारी डिजिट सेलेक्ट करनी है मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है ये भी इवेंट करना है ये भी ये भी तो मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सो टोटल नंबर ऑफ वेज तो टोटल नंबर हो जाएंगे फोर इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्सटीन सिक्स नाइनटी सिक्स हो गए देखिए 96 96 वर्ड्स बनेंगे बनेंगे सॉरी नंबर्स तो आई थिंक काफी लोगों ने निकाल दिया है चैट पे देख रहा हूं मैं बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं 96 ग्रेट बेटा आप लोगों ने निकाल लिया है बहुत ही बेसिक सवाल था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर चलिए अगले पर आते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम तो एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इट इज नॉट अ पी बट इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्वेश्चन में लिखा है सर कि आपको पांच डिजिट नंबर्स बनाने हैं डिविजिबल बाय थ्री थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको आता है थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको आता है भाई सम ऑफ डिजिट्स थ्री से डिविजिबल होने चाहिए कोई भी नंबर थ्री से डिविजिबल कब होता है जैसे टू वन सिक्स थ्री से डिविजिबल है छह सात आठ नौ क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है थ्री से डिविजिबल है दैट्स कॉल्ड द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर थ्री तो हम चाहते हैं फाइव डिजिट नंबर बने यूजिंग दीज डिजिट अगेन रिपीट नहीं करना मतलब आपने कोई डिजिट यूज कर ली उसको दोबारा यूज नहीं करना उस नंबर के अंदर राइट right? चलिए ट्राई करिए एक बार तो देखो सबसे पहले हिंट दे देता हूं जिनको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक दो तीन चार पांच छह डिजिट्स हैं छह डिजिट्स हमारे पास कितनी दी गई है बेटा छह दी गई है और यूज कितनी करनी है पांच करनी है सर क्योंकि फाइव डिजिट नंबर बनाना है मतलब एक तो रिजेक्ट करनी है उल्टा सोच लो कि भाई अगर फाइव डिजिट नंबर बनाना है एक डिजिट यूज नहीं होगी अब कौन सी यूज नहीं होगी यही तो बस खेल है सारा कौन सी यूज नहीं होगी तो पहले आपको डिजिट्स वो लेनी पड़ेंगी जिनका सम ऑफ डिजिट्स थ्री से डिविजिबल है चलो पहले इन सबका सम देखता हूं क्या हो रहा है इन सबका सम हो रहा है सर एक दो तीन चार पांच नौ तो, दस पंद्रह हो रहा है सर इनका सम पंद्रह हो रहा है पंद्रह तो तीन से डिविजिबल है 15 तो तीन से डिविजिबल है इसका मतलब अब मैं इसमें से या तो जीरो हटा दू मतलब पहला केस ये ले रहा हूं कि वन टू थ्री फोर फाइव यूज हो रही हैं वो बिना जीरो के, जीरो के हटा दिया जीरो हटा दिया सम ऑफ डिजिट्स पंद्रह आ रहा है जीरो का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो था नहीं तो सम ऑफ डिजिट्स पंद्रह आ रहा है राइट तो एक तो केस ये हो गया केस वन जब डिजिट्स यूज्ड हैं वन टू थ्री फोर फाइव इससे कितने बनेंगे आप सोच के देखो इससे कितने बनेंगे सर इससे बन जाएंगे क्योंकि बात फर्स्ट डिजिट फाइव वेज, फिर वेज, फिर फोर थ्री फिर टू फिर वन तो टोटल डिजिट्स यहां से आ गई फाइव फैक्टोरियल यानी कि 120, सौ बीस फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन को फाइव फैक्टोरियल लिख लिया 120 तो सर ये बन गई जब आपने जीरो यूज नहीं किया अब अब आ जाता है बड़ा इंटरेस्टिंग केस कि मान लीजिए आपने अब जीरो यूज करा जीरो यूज करा तो अब एक तो कोई जाएगा ना सर क्योंकि हमें तो पांच ही यूज करनी है छह डिजिट्स हैं तो अगर जीरो ला रहे हो कौन सा जाएगा बस अब ये सोचना है तुमको अगर जीरो ला रहे हैं तो कौन सा जाएगा जाएगा बेटा थ्री बस और कोई नहीं जा सकता क्योंकि तुम एक बात सोचो इन सबका सम पंद्रह था जीरो के आने से सम में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्या जीरो की वैल्यू तो जीरो है तो आप चाहते हो कि भाई सम ऑफ डिजिट्स थ्री से डिविजिबल रहे बिकॉज द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री तो पंद्रह में से क्या माइनस करूं

ऑफ डिजिट्स हो रही है बारह राइट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी अब इनका फिर अरेंजमेंट कर लो वही अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाता हूं जल्दी से फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट डिजिट कैन बी फिल्ड ओनली इन वन टू थ्री फोर वेज या तो वन आ सकता है टू फोर या फाइव जीरो नहीं आ सकता सर तो फोर वेज से पहली डिजिट बिल्कुल पहले की तरह मान लो यहां टू आ गया है। अब सेकेंड प्लेस पे टू के अलावा सब कुछ आ सकता है अगेन फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन ये तो आई थिंक तुम सभी लोग पिछले क्वेश्चन में भी करा है टोटल यहां से हो गया फोर इंटू फोर फैक्टोरियल नाइनटी सिक्स तो आंसर हो गया एक सौ बीस प्लस नाइनटी सिक्स फाइनल आंसर हो गया एक सौ बीस प्लस नाइन्टी सिक्स दो सोलह हो गया भाई दो सोलह हो गया काफी सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया है मनोज ने तो प्रिया ने काफी सारे बच्चे निकाल चुके हैं इनफैक्ट और भी काफी लोगों के आंसर्स ऊपर निकल गए जो मुझे दिख नहीं रहे नकुल ने भी निकाल लिया है प्रवीण ने भी निकाल लिया है अनीता ने भी निकाल लिया ग्रेट बेटा प्रिया ने भी निकाल लिया अंजय कह रहे हैं गुड नाइट सर गुड नाइट बेटा तुम सो जाओ आई थिंक तुम यूएस में बैठ के देख रहे हो शायद तुम्हारे यहां रात हो गई होगी इंडिया में तो अभी रात हुई नहीं है तो मत यार पढ़ो थोड़ा मेहनत करो देखो स्टार्टिंग में भले ही अगर ये चैप्टर टफ लग सकता है बट गिव अप नहीं करना है एंड तक आते आते तुम देखना तुम्हें क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे राइट ग्रेट 216 हो गया आंसर अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये सेम क्वेश्चन कैसे 2022 का एक सवाल बना देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया दो में सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज करके बस अब क्या दे दिया उन्होंने मल्टीपल ऑफ सिक्स दे दिया मल्टीपल ऑफ सिक्स दे दिया अब कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ़ सिक्स कब होता है ये बताओ सर जब टू का भी हो और थ्री का भी हो मतलब इवन नंबर और थ्री का मल्टीपल होना चाहिए इवन नंबर जो थ्री का मल्टीपल है वो सिक्स का मल्टीपल हो जाएगा करो इस हिंट के साथ ट्राई करो बेटा जल्दी से ट्राई करो एक बार इस हिंट के साथ जल्दी से करते हैं सबसे पहले तो वही बात है देखो हमें बनाना है फाइव डिजिट नंबर और डिजिट कितनी दी है एक दो तीन चार पांच छह डिजिट दी है फिर से मुझे सर एक डिजिट उड़ानी है तो अब पहले तो मैं सम ऑफ डिजिट देख लेता हूं। क्या हो रहा है एक तीन तीन छ पांच सॉरी छे, छे पांच ग्या, ग्यारह और छह सत्रह और एक सेकेंड यार क्या कर दिया मैंने छह तीन नौ एक दस पंद्रह सत्रह और सात चौबीस हो रहा है सम ऑफ डिजिट्स चौबीस हो रहा है देख रहे हो ना तुम फिर से सम ऑफ डिजिट इन का क्या है? चौबीस दिया हुआ है छह दिए तो, तो या तो थ्री जाएगा या सिक्स जाएगा तो दो केस बना लीजिए केस वन थ्री इज मिसिंग थ्री गायब है थ्री के बिना नंबर बना है मतलब वन टू वन टू फाइव सिक्स सेवन से नंबर बना है वन टू फाइव सिक्स सेवन से नंबर बना है ऊपर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको वन टू फाइव सिक्स सेवन से नंबर बना है या फिर केस टू थ्री की जगह छह मिसिंग है क्योंकि चौबीस में से तीन हटाओगे या छह ही हटाओगे तभी थ्री का मल्टीपल रह जाएगा सिक्स इज मिसिंग दैट्स द सेकेंड केस मतलब डिजिट्स वन टू थ्री Five, seven, ऐसे कुछ यूज करनी अब एक बात का और ध्यान रखना बेटा थ्री से डिविजिबल तो हमने देख लिया भाई थ्री से डिविजल बनी जाएगा बट हमें से बनाना है, मतलब लास्ट डिजिट इवन भी रखनी है फिल हो सकती है या तो दो आएगा या फिर आएगा लास्ट डिजिट में राइट right? बिल्कुल सर फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं और बाकी तो फोर फैक्टोरियल है ये फोर फैक्टोरियल इंटू टू फोर्टी एट तो बन गए इसमें क्या होगा इसमें लास्ट डिजिट बस इवन नंबर क्या है सिर्फ टू ही है ओनली वन वे टू फिल दिस दैट आप यहां पे टू रख दीजिए और कुछ नहीं आ सकता क्योंकि छह तो वैसे ही मिसिंग है राइट तो इवन बनाने के लिए लास्ट में टू मतलब फोर फैक्टोरियल मतलब चौबिस यहां से चौबिस यहां से अड़तालीस यहां से फाइनल आंसर हो गया फोर्टी एट प्लस चौबिस सेवेंटी टू फाइनल आंसर सेवेंटी टू हो गया बेटा तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया ये अपना दो हजार बाईस का सेवेंटी <coughs> टू हो गया आंसर चलिए एक एडवांस्ड का भी चलो एडवांस वाला भी लेंगे अभी पहले एक और ले लेते हैं मेंस का तो देख रहे हो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ही इतने क्वेश्चन थे इतने क्वेश्चन है बेटा कि अगर आप इसके ऊपर भी करने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे ग्रेट बहुत सारे लोगों ने निकाल दिया है पूर्व ने अनुराग नकुल प्रवीण अनीता ग्रेट बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आज काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं कैट पे फॉर अ चेंज आज पढ़ाई की बातें ज्यादा चल रही हैं इधर उधर की बातें कम अच्छी बात है पढ़ाई की भी देखो इधर उधर की बातें तब अच्छी लगती है जब पढ़ाई सही चल रही हो अब जो लोग चैट पर इधर उधर की लिखते हैं वो पढ़ाई लड़ाई तो करते नहीं है या तो पहले आंसर ला के रख लो फिर जो मर्जी करो यार फिर तो मैं भी बोलूंगा बात करूंगा तुम्हारे साथ राइट अर्चित कह रहे हैं कि सर मैं जे अल्टीमेट से हूं पी एन यहां पढ़ लू बेटा देखो अल्टीमेट में मैं एक काइंड ऑफ रिविजन दूंगा तो एक ब्रशभअप दूंगा और उसमें हम दो के सवाल करेंगे तो आप अगर आज पढ़ रहे हैं तो पूरा चैप्टर आज पढ़ सकते हैं यहां पर मैं पूरा चैप्टर डिटेल में कराऊंगा ऑब्वियसली यहाँ चार पांच घंटे में कराएंगे वहां थोड़ा सा कम समय होगा बट वहां क्वेश्चन डिफरेंट होने वाले राइट तो आप कर सकते हैं यहाँ पे भी सेट ऑफ ऑल आर टू रेक्टर्स लॉन्ग ठीक है भाई पासवर्ड तो तुम सभी लोग आजकल लगाते हो अपने मोबाइल में और सब जगह ईच कैरेक्टर इज आइदर एल्फाबेट तो या तो पासवर्ड में एबीसीडी है या फिर नंबर एक से पांच तक है रिपीटिशन अलाउड है इस बार भाई अब अभी तक क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं था इसमें रिपीटिशन है ठीक है सर इफ द नंबर ऑफ पासवर्ड्स इन एस एस तो सेट है ठीक है एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज अ नंबर अच्छा तो मतलब वो कह रहे हैं कि यार ऐसे पासवर्ड बताओ सिंपल भाषा में अगर बोलूं ऐसे पासवर्ड बताओ जिसमें कम से कम एक नंबर तो पक्का आ जाए ऐसे पासवर्ड बताओ जिसमें कम से कम एक नंबर आ जाए एटलीस्ट वन तो देखो एटलीस्ट वन जब भी मुझे दिखता है ना मेरा दिमाग उल्टा चलता है कि यार एटलीस्ट वन कौन निकालेगा उल्ट, उल्टा निकाल लेता हूं कि टोटल मैसेज माइनस कर देता हूं जब आया ही नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं तो मुझे चाहिए ऐसे पासवर्ड्स में कम से कम एक नंबर आए सो टोटल माइनस वेन नंबर आर एबसेंट टोटल माइनस वेन ऑल नंबर आर एबसेंट क्योंकि अगर मैंने टोटल में से वो केसेज माइनस कर दिए जब सारे नंबर ही गायब है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सारे गायब है तो मेरे को वो मिल जाएंगे कि कम से कम एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन नंबर आ रहा है उसके अंदर कम से कम एक नंबर आना चाहिए राइट तो मेरा अप्रोच क्या है टोटल में से माइनस करना आप जल्दी से ट्राई करो बेटा जल्दी से करिए टोटल कितने होंगे अब देखो पासवर्ड कितने का है छ आठ छह से लेके आठ तक कितने भी हो सकते हैं तो अब अगर छे का है छह लेंथ का पासवर्ड है लेंथ हो गई और रिपीटिशन अलाउड है भाई तो क्या क्या हो सकता है पासवर्ड में या तो पांच नंबर या पांच अल्फाबेट तो टोटल वेज टू फिल ईच डिजिट इज दस 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 तो दस 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 मल्टीप्लाई होता जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से टेन टू द दावर तो पहले टोटल निकाल रहा हूं टेन की पावर सिक्स विल बी दो पासवर्ड जिसमें बेटा सिर्फ टेन डिजिट सॉरी सिक्स डिजिट का पासवर्ड बना होगा बट कह रहे हैं सिक्स डिजिट भी हो सकता है या सेवन या एट डिजिट भी हो सकता है तो प्लस सेवन डिजिट में तुम समझ गए टेन की पावर सेवन आएगा और एट डिजिट में टेन की पावर एट आएगा तो ये बात क्या हो गई टोटल हो गई बेटा टोटल पासवर्ड जिसमें कोई नंबर आया नहीं आया हमें कोई मतलब नहीं सारे पासवर्ड इतने होंगे उसमें से वो माइनस कर देता हूं जब नंबर्स गायब है सारे नंबर गायब है सारे नंबर गायब है तो भाई मान लो नंबर गायब है मतलब इन्हीं से बनाने अल्फाबेट से ही बनाना है एबीसीडी से ही बनाना है नंबर्स तो लेने नहीं है तो यानी हर एक डिजिट जो दस तरीके से फेल हो रही थी अब क्या हो जाएगी वो पांच तरीके से फिल हो जाएगी क्योंकि ए बी सी डी ई ही हम लिख सकते हैं तो ईच डिजिट कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज फाइव की पार्स या सात डिजिट हुआ तो फाइव की पार सेवन या आठ डिजिट हुआ तो फाइव की पावर एट ये है अपना आंसर अब इसको भाई लेके आना है इस फॉर्म में अल्फा इन टू फाइव की पावर सिक्स फॉर्म में लाना है और अल्फा फाइंड आउट करना है राइट थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी है यहां पहले तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है टेन टू द पावर सिक्स कॉमन आ रहा है सर फाइव की पावर सिक्स यहां से कॉमन बहुत बढ़िया टेन की पावर सिक्स और सौ एक सौ दस एक सौ ग्यारह ये हो गया माइनस फाइव की पावर सिक्स इंटू पच्चीस प्लस पांच तीस और एक इकतीस हो गया 5 फाइव की पावर सिक्स और कॉमन ले लो क्योंकि टेन की पावर सिक्स को क्या लिख सकते हो टू की पावर सिक्स इंटू फाइव की पावर सिक्स टेन की पावर सिक्स को ऐसे लिख, लिख लिया ताकि फाइव टू द पावर सिक्स भी कॉमन आ जाए राइट right? तो देख रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं टू की पावर सिक्स इंटू ट्रिपल वन माइनस थर्टी वन तो ये बेसिकली फाइव की पावर सिक्स कॉमन लेके अल्फा बच गया तो ये पूरी कहानी ये चीज अपनी अल्फा होनी चाहिए सो अल्फा हो गया टू की पावर सिक्स होता है सिक्सटी फोर इंटू ट्रिपल वन माइनस थर्टी वन कर लेना भाई अब इसको कैलकुलेट सेवन जीरो सेवन थ्री आना चाहिए बहुत ही बढ़िया काफी लोगों ने देखो आंसर निकाल दिया है ग्रेट सर इज जे पॉसिबल इन थ्री मंथ कुछ लोग पूछ रहे हैं बादशाह मिस्टर बादशाह पूछ रहे हैं बेटा बिल्कुल देखो अगर मेहनत करने के पे आप उतर आए तो तीन महीने भी बहुत हैं बट हां इसका मतलब यह है कि आपने इलेवन ट्वेल्थ पढ़ रखी है या फिर आपने इलेवन ट्वेल्थ का सिलेबस कर रखा है उसके बाद तीन महीने अगर आपने प्रैक्टिस के लिए जेई के लिए कर दिए बट मेहनत दिन रात एक करना होगा बेटा तो बिल्कुल पॉसिबल है किया जा सकता है सेवन जीरो सेवन थ्री ग्रेट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं एक कर लेते हैं अब एडवांस का सवाल 2022 में ही पूछा गया है देखो मैं तुमको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं हम लोग क्या करते हैं हम लोग ना बेसिक्स को बहुत इग्नोर करते हैं और जेई का काम यही है वो बेसिक्स देखो एडवांस में सवाल पूछा है दो में तो लास्ट एडवांस हुआ था अभी और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन है देखो क्या है फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट इन टीजर्स इन द क्लोज इंटरवेल इस इंटरवेल के अंदर है इंटरवेल तो तुम सब जानते हो टू से टेन का मतलब के भी नंबर और टू टेन दोनों इंक्लूडेड है विच कैन बी यूजिंग द फॉर्मिंग जीरो टू थ्री फोर सिक्स अब देखो अब उन्होंने ये लिखा ही नहीं कि कर सकते हो या नहीं बट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये नंबर क्या दिया है 2022 अब उसमें साफ दो रिपीटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो क्या लिखने की जरूरत है मतलब वो साफ बताना चाह रहे हैं कि भाई रिपीटिशन अलाउड है तुम यूज कर सकते हो एक नंबर में डिजिट मल्टीपल बार तो लिख के नहीं दे रहे बट कॉमन सेंस इज दैट ये रिपीटेशन ऑफ इज उजेंड ट्वेंटी टू देखा मैंने वहां टू रिपीटेड दिख रहा है मुझको चलो भाई तो स्टार्ट किया जाए जल्दी से करो ट्राई इस क्वेश्चन को डरना नहीं है एडवांस का क्वेश्चन देख के अपना बेस्ट देंगे वन टू थ्री फोर डिजिट नंबर्स बनाने हैं ना हाँ सबसे पहले तो ये बताओ पहली डिजिट क्या हो सकती है क्योंकि आप 2022 2022 से बड़ा अभी तो देख लेंगे दो तो, दो या दो से बड़ा तो फर्स्ट या 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 डिजिट को होने की क्योंकि सर जीरो तो वैसे ही नहीं हो सकता सर एक दो तीन चार पांच पांच वे से डिजिट फिल कर लेता हूं और सेकेंड डिजिट, तो कुछ मर्जी आए सर एक दो तीन चार पांच भी कुछ भी आए सर छे अच्छा अब एक गड़बड़ हो गई क्योंकि मुझे फोर फोर एट टू तक ही चाहिए मतलब मेरी फर्स्ट डिजिट क्या है बेटा टू थ्री या फोर ही हो सकती है अब मैं देखो दिमाग कैसे चलाना है मैं यह तुम्हें सिखा रहा हूं पहले मैंने सोचा यार सारी डिजिट फिल कर लेता हूं बट फिर देखा रहे यार फोर फोर एट टू तक रहना है मतलब अब मुझे समझ आ गया कि पहली डिजिट या तो टू होगी या पहली डिजिट डिजिटीन तीन, तीन होगी या पहली डिजिट चार होगी राइट इतना ही हो सकता है तो मैंने तीन केसेस में क्वेश्चन को तोड़ लिया तीन केसेस में क्वेश्चन को तोड़ लिया कि या तो फर्स्ट डिजिट टू या थ्री या फिर फोर अब कुछ लोग जी लिख रहे हैं भाई अरे भाई गड़बड़ नहीं है मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सोचते कैसे हैं थॉट प्रोसेस क्या है राइट टू थ्री फोर आपने डिजिट्स को ले लिया अब टू अगर हमने शुरू किया सर तो अब मुझे एक बात समझ आ रही है कि दो से छोटे हमें हटाने भी हैं बट पहले तो देख लेते हैं टू से टोटल कितने बनेंगे सर ये सिक्स वेज उड सिक्स 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 टू वन सिक्स वे से टू से सारे नंबर मिल गए जो टू से शुरू हो रहे होंगे बट मुझे पता है इनमें से कुछ माइनस होंगे कौन से माइनस होंगे जो दो हजार बाईस से कम है कर लूंगा अभी बट पहले मैंने टू से सारे लिख लिए राइट ठीक है सर थ्री से तो देखो सारे ही आएंगे वैसे ही सिक्स 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 फिर सिक्स का क्यूब हो गया यहां से भी दो सौ सोलह नंबर आएंगे चार वालों में अब थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि सर फोर फोर एट टू आगे आपको नहीं बढ़ना है फोर फोर एट टू के आगे नहीं बढ़ना है तो अब पहला नंबर अगर फोर है तो दूसरा जीरो टू या थ्री हो सकता है देखो दूसरा नंबर 4 नहीं हो 4, चलो 4, 4 वाले अलग कर लूंगा एक काम करता हूं फोर फोर वाले मैं अलग गिन लूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है यार कि डिजिट यारो टू थ्री वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पे जीरो टू या थ्री अगर आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बेटा फोर फोर से वो छोटा ही रहेगा बट फोर फोर आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैं केयरफुल रहूंगा नाउ कितनी डिजिट्स बन गई है थ्री वेज ये सिक्स और ये सिक्स तो है ही थ्री इंटू सिक्स इंटू सिक्स ये बन गया अगर अब फोर फोर ले लिया अगर अब फोर फोर ले लिया तो देखो मजे की बात क्या है फोर फोर के बाद अब नेक्स्ट डिजिट वो कह रहा है कि भाई आठ से कमी रखो क्योंकि फोर फोर एट टू के अंदर रहना है हमको अब आठ से तो कमी दी है ना सारी डिजिट आठ से तो कमी दी हुई है सारी डिजिट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो नंबर फोर फोर से शुरू होंगे वो सारे के सारे फोर फोर एट टू से कम ही होने वाले हैं इतनी बात समझ गए कि नहीं फोर फोर एट टू से तो कम ही होंगे क्योंकि यहां पे क्या जाएगा? जादा जादा आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा सात आ जाएगा भाई सात से बड़ी तो डिजिट ही नहीं है तो यानी ये भी सिक्स इंटू सिक्स हमारे पास ये क्या हो गया सिक्स इंटू सिक्स हो गया तो हमारे पास छत्तीस यहां से आ गए तो अब देखो कितने हो गए टोटल नंबर्स 216 प्लस 216 प्लस ये 36 इंटू फोर हो गया एक तरह से 36 इंटू फोर हो गया बट अब मुझे इसमें से माइनस भी करने हैं मुझे याद है अभी माइनस करने हैं ना कौन से माइनस करने हैं बेटा दो से जो शुरू हो रहे हैं जो 2022 से कम है वो माइनस करने हैं अब तुम बताओ 2022 से कम वाले कितने होंगे दो से कम कितने होंगे जो टू से शुरू हो रहे हैं तो देखो भाई दो हजार बाईस से कम सर वो होंगे जिसमें यहां तो जीरो पक्का आएगा टू जीरो और अब यहां पर क्या हो रहा होगा यहां पर भी जीरो आ रहा होगा एक पॉसिबिलिटी तो ये है तो यहां पे छह नंबर तो ऐसे हो जाएंगे जिसमें टू जीरो जीरो हो रहा होगा ठीक है सर उसके बाद जीरो वाले तो मैंने थर्ड प्लेस पे जीरो के सारे गिन लिए छे हो रहे हैं अब इसके बाद थर्ड प्लेस पे जीरो के से नेक्स्ट क्या है टू तो टू जीरो टू के साथ अब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो 2022 से कम होंगे 2020 ही एक नंबर हो सकता है यानी एक नंबर ये हो गया छह ये हो गए तो टोटल सात नंबर से माइनस कर देना चाहिए और मेरा बेटा आंसर आ जाना चाहिए समझे कैसे सात नंबर माइनस करे क्योंकि दो से छोटे नंबर जो दो से स्टार्ट हो रहे हैं मैंने यहां पे क्या ले लिया फर्स्ट केस में दो से स्टार्ट होने वाले सारे ले लिए तो आई नीड टू सब ट्रैक दो नंबर जो 2022 से छोटे हो रहे हैं तो मैंने कैसे देखा यार जीरो से, 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 से हो सकता है और कुछ तो होगा नहीं टू जीरो से छोटे टू जीरो अलाउड है टू जीरो अलाउड है क्योंकि, तो 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 क्योंकि क्लोज इंटरवल है राइट आंसर निकालिए जल्दी मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए आपका फाइनल आंसर जल्दी से देखिए तो मैं भी निकाल रहा हूं जल्दी से थर्टी सिक्स इंटू फोर प्लस दो सो सोलह प्लस दो सौ सोलह माइनस सेवन कर देते हैं फाइव सिक्सटी नाइन आ गया भाई बिल्कुल बढ़िया फाइव सिक्सटी नाइन आ गया तो मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया है बेटा टाइम बचाने के लिए बट नीडलेस टू से आपको नहीं करना एग्जाम में बिकॉज बेटा आपको अलाउड नहीं होगा तो देखिए क्या ये मुश्किल सवाल है एडवांस के पॉइंट अब तुम कहोगे कि सर वहां प्रेशर होता है देखो वो सारी बातें ठीक है बट अगर हम वैसे सोचें कि यार हम क्या कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे एग्जाम में आप खुद ही बताइए क्या ये एग्जाम में आप कर सकते थे कि नहीं कर सकते सर कैन यू रिपीट द फोर्थ केस बेटा बिल्कुल फोर्थ केस ये वाला आई थिंक इसकी बात कर रहे हो फोर फोर तो मैंने क्या देखा यार फोर फोर एट टू से कम ही रखना है नंबर राइट फोर फोर एट टू से कम रखना है तो अगर नंबर फोर फोर वाला मैंने क्या किया फोर जीरो फोर टू फोर थ्री वाले तो ऊपर कर लिए फोर वाले अलग कर लिए जस्ट टू सी कि भाई कोई गलती ना हो जाए फोर फोर वाले नंबर में अब मैं बोल रहा हूं कि अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा तुम सोचो सर इन्हीं छे में से कुछ आएगा अब भाई इन छे में से कुछ आएगा आठ से तो कम है ना ये, ये नंबर आठ से कम दिए हुए हैं तो जो भी नंबर आएगा अगर तुम यहां पे फोर फोर सेवन सेवन सबसे बड़ा भी लिख लो इनमें से फोर फोर सेवन सेवन भी लिख लो तब भी फोर फोर एट टू से तो छोटा ही है ना क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट डिजिट जो तुम्हें एट दे दी उससे बहुत फायदा हो गया क्योंकि वो डिजिट्स से छोटी है हमारी सारी डिजिट यानी जो भी नंबर फोर फोर से बनेगा जो हम बना पा रहे हैं नंबर्स को यूज करके वो सारे फोर फोर एट टू से छोटे हैं बेटा चलिए बढ़िया है ग्रेट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं तो आप देख रहे हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही इतनी चीजें पूछी गई हैं अब सिमिलर सा एक सवाल तुम्हें मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अब सेम सा ही है इसलिए बार बार नहीं करवा रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर ही है तो ये आप कर लीजिएगा घर पर आगे बढ़ते हैं अब हम थ्योरी में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने कर लिया है तो हजार और तीन हजार के बीच में चाहिए अब तो समझ गए अब तुम डिविजिबल बाय फोर अच्छा फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बता देता हूं कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है जल्दी बताओ सर फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि लास्ट की दो डिजिट्स लास्ट की जो दो डिजिट्स होती हैं वो फोर से डिविजिबल होनी चाहिए लास्ट की दो डिजिट अगर फोर से डिविजिबल है तो नंबर फोर से डिविजिबल आ जाएगा राइट दैट इज कॉल्ड द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर फोर तो आपको क्या करना है बस केसेस बनाने हैं कि इन डिजिट्स में लास्ट की दो डिजिट क्या क्या हो सकती है जैसे लास्ट की दो डिजिट बारह हो सकती है फिर एक केस हो सकता है लास्ट की दो डिजिट बारह के बाद सोलह हो सकती है लास्ट की दो डिजिट ट्वेंटी फोर हो सकती है लास्ट की दो डिजिट थर्टी टू हो सकती है देन थर्टी सिक्स हो सकती है इस तरह से तुम्हें केसेस बनाने हैं उसके बाद फोर्टी रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है फोर्टी के साथ कोई नहीं आ रहा फिफ्टी टू हो सकती है फिफ्टी सिक्स हो सकती है लास्ट की दो डिजिट और सिक्सटी फोर हो सकती है तो अब तुम कहोगे सर इतने केसेस अरे भाई केस के बाद बचा ही क्या है कि बस यहाँ दो डिजिट ही तो फिल करनी है तो उसके बाद उतना कोई टफ नहीं रह गया क्वेश्चन कर लीजिएगा और ये बात ध्यान रखना कि हजार से तीन हजार के बीच में भी एक कंडीशन है क्वेश्चन आपको करना है बेटा होमवर्क के लिए आप सब लोग कर सकते हो इट इज नॉट दैट टफ ये कोई उतना मुश्किल नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं करेंगे होमवर्क में सब लोग इसे ट्राई तो अब हम बेसिक बिल्कुल थ्योरम्स जो हमने अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सीखा है उससे बेसिक थ्योरम्स लिख लेते हैं परम्यूटेशन की टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल एट अ टाइम विद रिपीटिशन मतलब एन की एन चीजें लेनी है आप वर्ड से सोचो और हर एक डिजिट में रिपीटिशन हो सकता है एन की पावर एन हो जाएगा क्योंकि एन फोस्ट डिजिट भी एन वेज में सेकेंड भी एन मतलब जनरलाइज कर रहा हूं एन 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 मल्टीप्लाई होगा एन की पावर एन आ जाएगा राइट दैट इज वॉट यू कॉल रिपीटन के साथ अगर हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है एन डिजिट नंबर बनाना है विद रिपिटिशन तो ऐसे सोचो एन डिजिट नंबर बनाना है अगले में अगले में भी एन डिजिट नंबर बनाना है बट इस बार विदाउट रिपीटिशन है बेटा इस बार क्या है विदाउट रिपीटिशन है विदाउट रेपिटिशन है तो भाई पहला नंबर अगर एन होगा अब अगला एन नहीं हो सकता एन माइनस वन होगा क्योंकि रिपीटिशन नहीं करनी अगला एन माइनस टू होगा ऐसे करते करते वन तक चले जाएगा तो एन फैक्टोरियल आ जाएगा एन फैक्टोरियल आ जाएगा राइट बिल्कुल ऐसे ही अब अगर विदाउट विदाउट होना चाहिए एक सेकेंड हां विद रेपीटिशन सही है थर्ड थियोरम कह रही है कि अब अगर आपको एन में से एन नहीं लेने सिर्फ एट अ टाइम लेने हैं। पी एट अ टाइम लेनेट वर्ड बनाना, दस दस ले बनाना यूज करने तो रिपीटिशन तो क्योंकि अलाउड है एन एन एन, 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 एन मल्टीप्लाई होता जाएगा एन की पावर पी आ जाएगी अपने पास राइट और बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर एन में से आर ऑब्जेक्ट लेने विदाउट रिपीटेशन तो आर बन जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर का फॉर्मूला सबको पता होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल नहीं पता तो अब लिख लीजिए आर चलिए तो ये थ्योरम्स हैं बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए अब इस थ्योरम के ऊपर भी एक सवाल जल्दी से लगा लेते हैं नंबर ऑफ सिक्स लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवल्स वॉवल्स का जो वर्ड है तो यूज करके वर्ड्स बनाने हैं ठीक है सच दैट ऑल कॉन्सोनेंट नेवर कम टूगेदर तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने चाहिए नहीं आने चाहिए टोटल तो में से वो माइनस कर देते हैं जल्दी निकालो टोटल माइनस वेन ऑल कॉन्सोनेट आर टूगेदर कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं भाई सर कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वॉवल नहीं होते बेसिकली जैसे वॉवल के अंदर पी ओडब्ल्यूल एस -E इसमें क्या क्या कॉन्सोनेंट है जो तो वॉवल नहीं है वॉवल में जो वॉवल नहीं है ऐसे सोचो वी वी इज अ कॉन्सोनेंट डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट एल इज अंसोनेट एस इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट चलिए तो अब ये हम चाहते हैं कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे पहले तो अगर बिना किसी सोच के हम एक दो तीन चार पांच छह अल्फाबेट्स हैं छ के छ अलग हैं टोटल हो जाएंगे सिक्स फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल में से कौन से माइनस कर देंगे जब सारे वॉवल्स साथ में अब ये तुमने यार एनसीआरटी में जरूर किया होगा सब लोगों ने कि अगर सारे वॉवल्स साथ हैं तो सॉरी सारे कॉन्सोनेंट साथ हैं तो वी डब्ल्यू एल एस तो उनको एक डब्बे में बांध देते हैं इन चारों को एक डब्बे में बांध दो बॉक्स में बंद कर दो उसको अल्फा बोल दो अल्फा ओ ई इन तीन का अरेंजमेंट कर दो थ्री फैक्टोरियल तरह से और अल्फा का अपने अंदर भी अरेंजमेंट क्योंकि जरूरी नहीं है इस अल्फा में ऑर्डर भी तो बेटा चेंज हो सकता है वीडब्ल्यू एल एस की जगह एल डब्ल्यू वी एस कुछ भी हो सकता है तो थ्री फैक्टोरियल तरह से तो ये अरेंज हुए साथ में फोर फैक्टोरियल तरह से वॉवल्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी हो गया राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जब भी कोई चीज साथ करनी है तो ध्यान से सुनो बेटा काफी लोग सर प्लीज रिपीट कर दीजिए गायब हो जाते हैं बीच में एकदम कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो जाता है इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक है बट आना चाहिए आपको अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज हमेशा साथ आए हमेशा साथ आए उनको एक बॉक्स में बंद कर दो तो हम चाहते थे कॉन्सोनेंट साथ ना आए हमने टोटल में से वो निकाल दिए व्हेन कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर मतलब कॉन्सोनेंट साथ आने चाहिए

एक चीज और बोल रहा हूं थ्री फैक्टोरियल के साथ एक फोर फैक्टोरियल क्यों आया क्योंकि बेटा कॉन्सोनेंट आपस में इस डब्बे के अंदर तो अरेंज हो ही सकते हैं ना आपस में क्योंकि साथ लाओ, तो भाई आप उनको जैसे मर्जी साथ रखो अंदर अरेंजमेंट कर दिया तो फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये आंसर होना चाहिए माइनस थ्री फैक्टोरियल को लिख लो सिक्स इंटू फोर फैक्टोरियल कुछ कॉमन आ गया सिक्स इंटू फोर फैक्टोरियल कॉमन अंदर पांच माइनस एक ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर हो गया है फाइव सेवेंटी सिक्स बन गया मेरा आंसर फाइव सेवेंटी सिक्स ऐसे आपको करना है बेटा ये चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंग ऑब्जेक्ट प्लीज नोट अभी तक हमने ये जो भी चीजें करी ये डिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए करी मतलब सारी चीजें अलग अलग थी अभी तुमने देखा कोई repetition, मतलब रिपीटिशन तो हो रहा था बट कोई अल्फाबेट ऐसा नहीं हो रहा कि भाई सारे के सारे सेम आ रहे कोई दो सेम हो गए देखो सारे के सारे जो है इसमें सेम कोई भी सेम नहीं था सारे डिफरेंट थे वॉवल्स में राइट तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंट ऑब्जेक्ट अब हम करेंगे मान लो इसमें दो रिपीटेड आ जाते तीन रिपीटेड आ जाए तब क्या करेंगे एक जैसे अल्फाबेट दिखने लगे मतलब परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स अगेन इसकी थ्योरम बहुत ही सिंपल है बेटा बहुत इजी थ्योरम है देखो ध्यान से सुनना क्या है जिन लोगों को नहीं आती सर एक एग्जांपल जिसमें कॉन्सोनेट नॉट कम टुगेदर हाँ तो वही तो किया था हमने वही तो किया है बेटा अभी पिछले वाले में कॉन्सोनेंट नॉट कम टुगेदर टोटल में से माइनस कर दिया वैन कॉन्सोनेंट आर टुगेदर वो माइनस कर दिया सारे साथ नहीं होने चाहिए अच्छा तुम कह रहे हो एक वर्ड बना के दिखा दो देखो जैसे मान लो वी ओ मतलब ओवल ही देख लो सारे कॉन्सोनेंट साथ थोड़ी है इसमें मतलब दो साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है एल एस आ जाए डब्ल्यू ई e. इसमें क्या हो रहा है एल एस डब्ल्यू तीन तो साथ आ रहे हैं बट वी नहीं आ रहा तो सारे के सारे साथ नहीं आ रहे ये हम चाहते हैं हमारे वर्ड में ऐसा हो जाए तो हमने क्या किया हम चाहते हैं कि सारे साथ ना आए तो मैंने वो निकाल दिए टोटल में से जब सारे साथ आ रहे हैं क्या मिल जाएगा टोटल माइनस वेन ऑल आर टूगेदर मीन्स ऑल आर नॉट टूगेदर दो साथ आ जाए तीन साथ आ जाए वो अलाउड है चारों के चारों साथ नहीं आने चाहिए वो हमें चाहिए था राइट चलो भाई आगे बढ़ते हैं हाँ तो मैं आपको बता रहा था अगर अब ऑब्जेक्ट्स जो है आइडेंटिकल भी बन जाए मान लीजिए आपको ऐसा दे दें टू एक्स दे दिए तीन वाई दे दिए सी अभी तो पांचों अलग जब होते थे ए बी सी डी ई इनका अरेंजमेंट तुम जानते हो फाइव फैक्टोरियल होता है राइट पांच अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट फाइव फैक्टोरियल बहुत इजी बट अगर दो एक्स तीन वाई है तो फाइव फैक्टोरियल और दो एक्स जितने इक्वल हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो टू फैक्टोरियल तीन वाई अलाइक है तीन फैक्टोरियल से और डिवाइड तो बहुत सिंपल थियोरम है जितने अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया करो बस सिंपल तो मान लीजिए जैसे पांच थे दो एक्स तीन वाई मान लो मैंने आपको तीन ए चार बी और दो सी दे दिए तो अब इनके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे तीन चार सात आठ नौ टोटल नौ तो नौ फैक्टोरियल अपॉन तीन अलाइक तो थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड चार अलाइक तो चार फैक्टोरियल से डिवाइड दो फैक्टोरियल से भी डिवाइड इस तरह से अपने पास ये इसके अरेंजमेंट्स हो जाते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब बेटा ये है कि भाई एक जैसे दिख रहे हैं वो अभी तक देखो वॉवल्स में क्या था वी ओ डब्ल्यू ई एल एस सारे के सारे डिफरेंट हैं कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं है राइट छे के डिफरेंट दिख रहे हैं आपको बट मान लीजिए मैं आपको कोई ऐसा वर्ड दे दू इंटीग्रेशन uh, ही दे लो चलो इंटीग्रेशन अभी मैंने क्लास में लिया था मुझे याद है वो वर्ड इंटीग्रेशन में क्या है दो टी हैं राइट और आ, एन भी दो हो रहे हैं तो इसमें अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक जैसे आपके पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो ऐसे में हमें क्या करना है हमें ये फंडा लगाना है मान लो मैं तुम्हें तो बोलूं कि यार दो वन दो टू और एक पांच लेके फाइव डिजिट नंबर्स बनाओ राइट दो वन दो टू और फाइव लेके बहुत ईजी हो गया भाई फाइव फैक्टोरियल पांच है एक दो तीन चार पांच बट दो अलाइक दो अलाइक है तो दो फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो बस इतना है इतना करना है आपको इट right? तो जितने अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दियो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई है क्लियर हो गया है कि कैसे आप अलाइक ऑब्जेक्ट्स का कॉम्युटेशन करते हैं तो ये चीज मैंने यहां लैंग्वेज में समझाई हुई है आपके नोट्स के लिए बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बहुत सिंपल है जितने एक जैसे दिख रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया करो बस क्वेश्चन में अब इसके ऊपर भी जेई में बड़े सवाल आते हैं बेटा क्योंकि ये भी एक एनसीआरटी का कॉन्सेप्ट है और एनसीआरटी में क्या है पीएनसी में ना कॉन्सेप्ट तो दिए हुए हैं बट सवालों की डेप्थ नहीं है और जे यही चाहता है वो ऐसे पे ज्यादा फोकस करता है है स्पेशली इन एडवांस में भी ऐसा होता है कि भाई जिसका कॉन्सेप्ट तो है एनसीआरटी में बट प्रॉब्लम नहीं दे रहा हुए तो यही एप्लीकेशन पूछ लेता है उन चीजों के इसलिए हमें वो आने चाहिए चलो तो जल्दी से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ सेवन डिजिट इंटीजर्स सेवन डिजिट इंटीजर्स ऐसे बताने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स दस होना चाहिए और बस वन टू थ्री से ही फॉर्म हो समझे क्वेश्चन नंबर ऑफ सेवन डिजिट इंटीजर्स पहली बात तो सेवन डिजिट इंटीजर होना चाहिए ओके okay. जिनका सम ऑफ डिजिट दस है सम ऑफ डिजिट दस है अब तुम्हें तो बस ये दिमाग लगाना है कि यार सम ऑफ डिजिट दस कैसे कैसे हो सकता है सम ऑफ डिजिट दस और एक और बड़े मजे की बात है कि बस एक दो तीन ही यूज करना है ना जीरो ना चार पांच छे कुछ यूज नहीं करना सिर्फ एक दो तीन यूज करना है हमें नेचुरली केसेस बनाने पड़ेंगे यार कि ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे सात नंबर का सम जिनका सम बेटा दस हो जाए पर तो ऐसे कैसे ढूंढ लें हम बात तो सही है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप ये सोचिए पहले एक काम करते हैं सर बहुत सारे वन ले, ले लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह वन ले लिए तो अगला तो चार होना चाहिए तभी तो सम दस आएगा राइट तो पहले मैंने क्या सोचा मैक्सिमम वन लेके शुरू करता हूं यार मैक्सिमम वन लेके शुरू करता हूं तो मैंने देखा यार एक दो तीन चार पांच छे अब कुछ लोग कहेंगे सर जी डी, डी हो गई जी डी बी फोर तो ले नहीं सकते मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं यार कि सोचते कैसे हैं कि भाई मैक्सिमम वन ले नहीं सकता फिर इसका मतलब मुझे समझ आया कि नहीं यार इतने सारे वन नहीं ले सकता इसका मतलब ये दो हटाने पड़ेंगे पांच बार ही वन लिख सकता हूं ज्यादा से ज्यादा मैं छह बार मैं वन नहीं लिख सकता इस नंबर में क्योंकि छह वन लिख दिया तो मुझे एक चार चाहिएगा चार में है नहीं तो पांच तो मेरे पास वन हो गए अब पांच हो गया सम अब दो नंबर्स का सम पांच चाहिए तो दो और तीन हो गया समझे बात को कैसे सोच रहा हूं मैं तो मैं केसेस बना रहा हूं कि भाई ज्यादा ज्यादा से वन कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वन पांच हो सकते हैं और एक दो और एक तीन हो सकता है राइट एक पॉसिबिलिटी ये है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है अब जरा एक एक करके वन को करता हूं कम देखो इस थ्री की अगर एक वैल्यू इसे दे दू ध्यान से सुनना इस थ्री की अगर एक वैल्यू दे दू तो ये दो बन जाएगा ये दो और ये दो एक दो तीन, चार दो 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 एक पॉसिबिलिटी ये हो गई एक पॉसिबिलिटी ये हो गई और कुछ सोचो सर इसका इस टू का अगर दे दूंगा तो ये वन बन जाएगा ये टू इसी का अरेंजमेंट तो पहले इनके अरेंजमेंट भी लिख लो क्योंकि एक दो तीन चार पांच छह सात नंबर्स जिसमें से फाइव अलाइक क्योंकि पांच तो एक जैसे वन है अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगा सेवन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल क्योंकि फाइव लेटर्स आर आइडेंटिकल सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू हो गया इसका यहां तक वैल्यू फर्स्ट केस से फर्स्ट केस से जो आंसर आया है फोर्टी टू आया है लेट्स कम टू सेकेंड केस अब इसमें से चार अलाइक तीन अलाइक यानी सेवन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थर्टी फाइव और कोई केस तो बन ही नहीं रहा आप सोच के देखो और कोई केस सर नहीं बन रहा क्योंकि अब जैसे ही तुम वैल्यूगे वन तो बन जाएगा तो नंबर ऑफ वन तुम्हारे और नहीं बढ़ सकते तुम्हारे और नंबर ऑफ नहीं बढ़ सकते बेटा और ना ही इससे कम हो सकते क्योंकि अब तुम जैसे ही इस वन को कम करोगे ये वाली वैल्यू कुछ कम हो ही कह पा रही है इसको थ्री दोगे तो ये जीरो बन जाएगा जीरो अलाउड नहीं है जीरो यूज करना अलाउड नहीं है सो दो ही केसेस बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है पहले केस बनाने पड़ते हैं दिमाग लगा के फिर सॉल्व करना पड़ता है सो ओनली टू केसेस आर पॉसिबल केस जब आपके पास छह बार वन लेके शुरू किया नहीं हो पाया पांच बार लिया ये बना चार बार लिया केस टू बन गया और इससे ज्यादा कम मैं वन को कर ही नहीं पा रहा हूं देखो कैसे करोगे इसको वैल्यू दोगे टू वाली तो ये वन बन जाएगा वन तो नंबर ऑफ वन तो चार ही रहेंगे इससे कम तुम्हारे नहीं हो पाएंगे तो फाइनल आंसर हो गया फोर्टी टू प्लस थर्टी फाइव सेवेंटी सेवन ए ऑप्शन हो गया अपना आंसर ए ऑप्शन हो गया आंसर चलिए जल्दी से अगले पर आते हैं दो हजार बाईस का एक और सवाल सर आंसर्स क्यों शो हो रहे हैं बेटा आंसर्स तो सामने लिखे हुए थे इसलिए शो हो रहे हैं बट हां पीएनसी में इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कॉल तो करना ही पड़ेगा ना आपको आंसर तभी आएगा जब आप एक कैलकुलेशन सही करेंगे डोंट सी चैट हर्षित कह रहे अरे भाई चैट देख तो रहा हूं यार अब मैं जब बोल रहा हूं पीछे तो कैसे देखूंगा राइट बट बीच बीच में आई ट्राई कि आपको मैं चैट में आंसर कर पाऊं प्रत्युष कह रहे हैं सर पेलेंड्रोम क्वेश्चन पेलेंड्रोम वाले देखते हैं अगर आगे आ जाएंगे एक दो तो कर लेंगे पेलेंड्रोम बेसिकली क्या होता है जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े सेम होता है जैसे अरोरा देखो अरोरा जो वर्ड है इसको ए आर ओ आर ए इधर से पढ़ो या ए आर ओ आर ए इधर से पढ़ो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम लग रहा है वो ऐसे ही नंबर भी हो सकते हैं कि भाई मान लो वन टू थ्री कोई एक नंबर दे दिया वन टू थ्री टू वन ये एक पेलेंड्रोम हो गया तो पेलेंड्रोम में कुछ नहीं है बस आगे पीछे सिमेट्री है दैट्स इट मिडिल नंबर के अराउंड सिमेट्री आप यूज करके बेटा कर सकते हो उन क्वेश्चन को हाँ डिक्शनरी प्रॉब्लम्स आएंगे अभी करेंगे जल्दी से पहले इसको करो फिर करेंगे नंबर ऑफ फाइव डिजिट नेचुरल नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज छत्तीस बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जैसे पहले सम ऑफ डिजिट दस दिया था अब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दे दिया है बेटा तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट थर्टी सिक्स कैसे हो पाएगा फिर से वही बात फिर से वही बात कि सर हम एक काम करते हैं पहले वन वन पहले छत्तीस को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लेता हूं तो बाकी सब वन ले लूंगा तो सिक्स इंटू सिक्स एक पॉसिबिलिटी हो गई तीन वन दो छोटे तो पहले मैंने छत्तीस को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखने चाह रहा हूं छत्तीस को छ इंटू छ लिख सकता हूं और क्या लिख सकता हूं नाइन इंटू फोर लिख सकता हूं नाइन और फोर लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सर एटीन इंटू टू भी तो लिख सकते हैं अरे भाई एटीन कोई डिजिट नहीं हो सकती ना किसी नंबर की डिजिट एटीन कैसे हो सकती नौ से बड़ा तो हो नहीं सकता डिजिट हेंस एक तो केस दो केसेस तो ये हो गए राइट दो केस तो ये हो गए और बताओ अब जल्दी से और क्या केस हो सकता है छत्तीस को अब दो तरह दो का प्रोडक्ट तो यही हो सकता है मेरे ख्याल से तो तीन का करते हैं अब मतलब तीन नंबर में दो को ब्रेक कर दिया दो तीन एक. ये बन गया. और क्या बन सकता है तीन नंबर्स में तीन तीन चार एक ये बन गया देख लो और कुछ बन सकता है क्या वन वन टू टू नाइन ये भी बन सकता है दो तो नंबर्स का तीन नंबर्स के प्रोडक्ट में मैं लिख रहा हूं छत्तीस को तीन नंबर्स के प्रोडक्ट में सोचो देखो, देखो क्या क्या हो सकता है टू थ्री सिक्स थ्री थ्री फोर टू टू नाइन टू टू नाइन और कुछ पांच डिजिट ही बनाना है भाई कुछ लोग छह डिजिट लिख के भेज रहे हैं थ्री ट्वेल्व लिख रहे हैं कोई ये लिख रहा है कि सर वन 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 थ्री ट्वेल्व बेटा ट्वेल्व कोई डिजिट नहीं हो सकती ना किसी नंबर की डिजिट नौ से बड़ी नहीं हो सकती तो नौ से बड़ा तो आपको लेना ही नहीं है वैसे भी डिजिट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इसलिए ट्वेल्व वाला ऑप्शन नहीं होगा और थ्री टू सिक्स कह रहे हैं तो बेटा वो इसी का अरेंजमेंट हो जाएगा देखो थ्री टू सिक्स इसी में अभी अरेंजमेंट में आने वाला है मैं ऐसे सोचता हूं कि भाई कैसे मैं मैक्सिमम लाइन से चलता हूं पहले दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया दो का लिया फिर तीन में ब्रेक किया और तीन में कोई नजर तो आ नहीं रहा कि भाई तीन में और हो सकता साथ साथ अरेंजमेंट भी लिखते चलते हैं इसका हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इसका फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल क्योंकि तीन अलाइक इसका फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल क्योंकि दो अलाइक क्योंकि दो ही वन थे इसमें दो दो अलाइक फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इसमें भी दो दो अलाइक फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल और क्या बचा अब सोचो तीन का प्रोडक्ट लिखा मैंने अब चार का प्रोडक्ट लिखूंगा मतलब एक वन और कम कर देता हूं एक वन और कम करोगे तो सर इसको थ्री करना पड़ेगा नौ को तोड़ो आप थ्री थ्री टू टू और कोई और तो नहीं हो पाएगा चार में तो सर यही है सारे प्राइम नंबर आ गए फैक्टर्स बचे ही नहीं तो नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स हो रहा है यानी कि फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल यहां से भी आ गया तो मेरे हिसाब से तो यही छ केसेस बनने चाहिए अब जल्दी से बेटा जल्दी से अब आप कर दो इसको सॉल्व जल्दी से निकालिए आंसर इसका क्या हो जाएगा फाइव फैक्टू फाइव टेन हो जाएगा सर ये और ये हो जाएगा ट्वेंटी ये हो गया सिक्सटी ये हो गया एक सौ बीस अपॉइंट चार थर्टी हो गया ये भी एक सौ बीस अपॉइंट चार थर्टी हो गया एक सौ बीस अपॉइंट चार थर्टी हो गया वन एट्टी बन रहा है टोटल सम वन बन गया 180 एट्टी इज योर फाइनल आंसर टोटल नंबर ऑफ वर्ड विल बी वन एटी चलो भाई आंसर आ गया फाइनल 180 आई थिंक काफी लोगों का आ गया जल्दी से चैट पे लिख के बताइए चैट पे लिख के जल्दी से बताइए बेटा अगर क्लियर है तो आगे बढ़े जल्दी से बताइए गड़बड़ लिख रहे हैं कुछ लोग कहाँ गड़बड़ है बेटा सही लग रहा है मुझे तो सर कब पता लगेगा ये यूज करना है हाँ देखो बेटा जब आपको लगे कि यार अब जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 36 तो बहुत तरीके से हो सकता है ना मतलब वहां केस बनेगा ऐसे पिछले क्वेश्चन में क्या था सम ऑफ समिजिट 10 था सम ऑफ डिजिट 10 भी बहुत तरीके से हो सकता है तो साफ समझ आ रहा है ऐसे एक सिनेरियो में पहले केस बनाने फिर अरेंजमेंट करना है पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां आपको पता लगेगा अब कई जगह क्या होता है कोई सिलेक्शन करना ही नहीं आपको पहले से ही बता रखा है कि भाई ऐसा करना है आपको तो आपको उसमें जैसे अब यहां था इसमें आपको यहां भी केसेस बनाने पड़े थे क्योंकि थे क्योंकि डिविजिबल बाय लास्ट दो डिजिट्स क्या हो रही हैं केसेस तो आपको पीएनसी में मोर लेस बहुत सारे क्वेश्चन में बनाने ही पड़ेंगे चलो तो एक ऐसा होमवर्क में दे रहा हूं अगेन दो का क्वेश्चन है आप लोग करेंगे इसको खुद से वन डिजिट रिपीटेड एग्जैक्टली टू टाइम्स ऐसे नंबर जिनमें एक डिजिट दो बार आए बस मतलब जैसे मान लो थ्री डिजिट नंबर जिसमें एक डिजिट एग्जैक्टली दो बार आए बेटा तो टू टू थ्री हो गया जैसे टू टू, टू थ्री में क्या है एक डिजिट आ रही है दो बार फाइव फाइव एट फाइव एट 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 फाइव एट ऐसे तुम्हें तो सोचना है वैसे क्वेश्चन क्या होंगे ऐसे तो होगा हो जाएगा केसेस बनेंगे अगेन बस ये ध्यान रखना जीरो रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है बस जीरो है या नहीं इस चीज का अगर तुमने ध्यान रख लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा चलो भाई ठीक है भाई सर मेरे नाइनटी नाइन परसेंटेज आए बिल्कुल लेंगे बेटा क्लास तो ले ही रहे हैं हम आपकी बिल्कुल लेंगे क्लास साहिल कह रहे हैं सर आप वरुण बैच में लेंगे बिल्कुल लेंगे बेटा अभी थोड़ा सा मैं रिलेटिवली फ्री हो जाऊं उसके बाद वरुण बैच में भी आपकी क्लासेस लूंगा वाई नॉट वन थ्री थ्री टू टू गुड यूट्यूब वाला भाई पूछ रहे हैं वाई वन थ्री थ्री टू टू नहीं लिया सर आपने बेटा लिया ना ये तो लिया वन थ्री थ्री टू टू देखो ये लिया हुआ है लास्ट में वन टू टू थ्री थ्री क्यों नहीं अरे वो इसी की अरेंजमेंट है भाई देखो हमने डिजिट सेलेक्ट कर ली उसके बाद उन्हें ऑर्डर क्या है वन थ्री थ्री टू टू लिखूं या वन टू टू थ्री थ्री लिखू वो तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे ना ये जो अरेंज कर दिए इनके अंदर बेटा सारे आ जाएंगे चलो भाई आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क में दिया अब आ जाते हैं बेटा रैंक वाले क्वेश्चन में रैंक वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं जिसको काफी देर से कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सर रैंक वाले नहीं करे अभी तो परम्यूटेशन अब हमने लाइक का भी कर लिया डिस्टिंग का भी अब हम करेंगे रैंक वाले क्वेश्चन तो होते क्या है देखो जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है शांति से बैठ के जल्दी जल्दी आंसर निकाल लो जिनको नहीं आते उनको मैं इनका टेक्निक बता देता हूं देखो होता क्या है इन क्वेश्चन में मान लीजिए एक वर्ड दे दिया विनोद विनोद तुम्हारा फेवरेट वर्ड है मुझे पता है इसलिए मैंने विनोद ले लिया फाइव लेटर्स है इसमें तो विनोद के जब अल्फाबेट्स को अरेंज करोगे फाइव फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे 120 वर्ड्स बन जाएंगे अब बोल क्या रहे हैं कि अगर हमने विनोद के इन सारे 120 जो अरेंजमेंट्स आए उनको डिक्शनरी के हिसाब से लिस्ट किया डिक्शनरी के हिसाब से मतलब डिक्शनरी देखनी आई होप आप लोगों को आती है अब आजकल डिक्शनरी का फैशन नहीं रहा उतना तुम लोग तो गूगल यूज करते हो बट हमारे टाइम पे कभी भी इंग्लिश में कहीं फंसते थे तो बेटा डिक्शनरी होती थी उसमें पेज पलट पलट के वर्ड ढूंढना पड़ता था और उसका मीनिंग ढूंढते थे तो डिक्शनरी क्या कहती है कि अल्फाबेटिकली चलेगी वो मतलब जो वर्ड अगर मान लो ए ए बी ये अल्फाबेट्स है तो पहले वो ए ए बी लिखेगा फिर ए बी ए लिखेगा फिर बी ए ए लिखेगा ये इस तरह से चलेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर पहले डबल ए से होंगे फिर ए बी से से होंगे इस तरह वर्ड्स चलेंगे राइट तो दैट इज वॉट यू कॉल एल्फाबेटिकल ऑर्डर कि आप डिक्शनरी मतलब इज नथिंग बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है डिक्शनरी में कोई विनोद थोड़ी वर्ड मिल रहा है तुम्हें बट अगर मान लो इन विनोद के सारे 120 अरेंजमेंट्स को डिक्शनरी के हिसाब से मतलब अल्फाबेटिकली लिस्ट किया तो विनोद की रैंक क्या आएगी ये क्वेश्चन है समझे कि भाई ये जो 120 अरेंजमेंट है जब अगर अल्फाबेटिकली हम लिस्ट करते गए अल्फाबेटिकली लिस्ट करोगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो ए बी सी डी सबको आती है डी आई एन ओ वी ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने अल्फाबेट्स का पांच का लिख लिया तो सबसे पहला डिक्शनरी में होगा मतलब डिक्शनरी में क्या डिक्शनरी में तो खैर नहीं होगा बट हां हाइपोथेटिकली ये अल्फा ये जो वर्ड आएगा इसकी रैंक वन होगी क्योंकि ये सबसे पहले लिखा होगा दूसरे की रैंक क्या होगी ओवी में हटा के वी ओ बन जाएंगे तो डी आई एन पी ओ हो जाएंगे बेटा डी आई एन वी ओ हो जाएंगे राइट तो इस तरह से आपके वर्ड्स अरेंज होते हैं डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे करते गए करते गए विनोद की क्या रैंक बनेगी वर्ड तो विनोद है उसकी रैंक क्या बनेगी ठीक है भाई करो जल्दी से अब निकाल के जिनको आता है वो करें जिनको नहीं आता बेटा वो सुन ले अब देखो इसके अलग अलग तरीके हैं तुम आर्ग्यू मत करना कि सर आप ये मेथड बता रहे हो हमने वो सीखा था ये नहीं सब टीचर्स का डिफरेंट तरीका है कराने का मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ तो मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा घुमा भी दे क्वेश्चन तो आपको ज्यादा करना नहीं पड़ता उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता तो पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले ये सोचिए ध्यान से सुनना भाई सबसे पहले तो डी से स्टार्ट होंगे वर्ड डिक्शनरी में अभी देखा हमने सबसे पहला वर्ड डी से ही शुरू होगा मतलब सारे सारे डी के खत्म हो जाएंगे बट हमारा वर्ड डी से तो है ही नहीं हमारा तो वी से है बड़ा नीचे है तो मतलब पहले जितने भी वर्ड डी से शुरू होंगे वो सारे हमारे वर्ड के ऊपर आ जाएंगे तो सारे खत्म होने ही है राइट तो वी डी से कितने वर्ड शुरू होंगे सर फोर फैक्टोरियल क्योंकि डी तो फिक्स कर दिया बाकी चार डिजिट चार प्लेसेस चार अल्फाबेट्स मतलब फोर फैक्टोरियल तो डी से जो होंगे ये चौबीस वर्ड्स ये तो शुरू में आ गए होंगे इसके बाद क्या होगा सर इसके बाद अब आई से शुरू होंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली तो यही बोला जा रहा है कि भाई सबसे पहले डी है सारे डी के खत्म हो गए फिर आई के शुरू होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे आई से हमारा वर्ड तो नहीं है फिर से इसके भी फोर फैक्टोरियल चौबिस इसके भी गिन लिए बेटा फिर क्या होगा सर एन होगा एन से फिर फोर फैक्टोरियल मतलब चौबिस हो गए फिर सर ओ होगा सर ये कब तक करते रहेंगे अभी देखो समझ आ जाएगा इसका भी चौबिस होगा अब वी आ गया तो अब हमारे वर्ड शुरू होने शुरू हो गए क्योंकि हमारा वर्ड विनोद भी वी से शुरू हो रहा है यानी कि बेटा अब हमारा वर्ड अब हम गिन नहीं सकते तो सिंपल है उसको गिन लो जो नहीं चाहिए, 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 चाहिए। जल्दबाजी मत करो वी चाहिए तो अब अंदर घुसो मतलब सेकंड प्लेस पर जाइए फर्स्ट प्लेस पर तो वी हो गया अब डिक्शनरी के हिसाब से डिक्शनरी के हिसाब से क्या होगा मैंने बताया ना ए से तो होंगे पहले बट पहले होंगे डबल ए फिर ऐसे करके तो आपको यह देखना है VD होंगे सबसे पहले क्योंकि हमारे पास अल्फाबेटिकली देखा जाए तो डी सबसे छोटा अल्फाबेट है तो VD वाले पहले होंगे PD वाले पहले होंगे हमें तो चाहिए नहीं हम इन्हें गिन लेंगे क्योंकि हमारे वर्ड में VI है PD नहीं चाहिए तो थ्री फैक्टोरियल गिन लिए VD नहीं चाहिए सर VD नहीं चाहिए तो VI होगा अगला क्योंकि D के अगला VI होगा VI तो चाहिए सर अंदर घुसेंगे VI चाहिए तो VID से अब होगा फिर दो ही बचे वी आई डी नहीं चाहिए दो फैक्टोरियल पी आई रिपीट तो करना नहीं है डी आई वी आई एन हो जाएगा वी आई एन चाहिए वी आई एन डी ओ होगा आपके लिए क्योंकि पहले डी आएगा फिर ओ फिर वी आई एन ओ डी हमारा वर्ड आ गया तो एक ये एक ये रैंक निकल जाएगी बेटा इन सब को एड कर दीजिए इन सबको एड कर दीजिए काफी लोगों ने आंसर 106 कोई दे रहा है कोई 103 दे रहा है हर्षित ने काफी सारे दिल बना दिए लव यू सर लव यू बेटा थैंक यू सो मच आप लोग जब इस तरह का प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है बेटा और आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया मेहनत करने का अच्छा कंटेंट लाने का चलो जल्दी करो इसका आंसर निकालिए तो 24 24 24 24 96 फोर प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू 106 हो गया वन हंड्रेड सिक्स वर्ड जो होगा वो अपना हो जाएगा बेटा वो अपना हो जाएगा विनोद राइट वन हंड्रेड सिक्स अब बेटा कुछ लोग इसमें कुछ याद करने का तरीका कर लेते हैं कि यार वो चार बार आ रहा है पांच बार अल्फाबेटिकली के लिए वो गिन लो वो मैं मानता हूं वो सब बढ़िया है बट मेरे को बेटा तुम्हें पता है मेरी स्टाइल जो है वो फाउंडेशन वाली है कि ग्राउंड लेवल से हमें सही चीज सीखनी है सिर्फ ट्रिक्स लर्न नहीं करना हाँ समझ के सब करिए उसके बाद सही है तो अब थोड़ा भी अगर ट्विस्ट करा जाए क्वेश्चन आपको फंसना नहीं है चलो एक और लेते हैं मुस्तफा का रैंक निकालेंगे रैंक ऑफ द वर्ड मुस्तफा अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए कि क्योंकि रिपीटिशन आ रहा है अब क्या हो रहा है ए और ए रिपीट हो रहा है तो इसलिए आपको मुस्तफा का रैंक निकालना है जिसमें केयरफुल रहना है क्योंकि रिपीटेड अल्फाबेट है दो बार ए इसके अंदर आ रहा है तो वो थ्योरम लग जाएगी डिवाइडेड बाय उतने फैक्टोरियल केयरफुल रहना है अपने को राइट right? करो हाँ कोई पूछ रहा है कि सर विनोद का नंबर भी ऐड करना है उसमें बिल्कुल बेटा क्योंकि आप अपनी रैंक तो ऐड करते हो ना खुद कॉमन सेंस लगाओ अगर आप क्लास के टॉपर हो तो आपकी रैंक वन है जीरो थोड़ी है तो अपनी रैंक हमेशा ऐड होती है तो एक सौ वर्ड मैंने ये नहीं बोला कि एक वर्ड है एक के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा यानी वन वर्ड विनोद होगा तो अपनी रैंक हमेशा बिल्कुल ऐड होती है जो नंबर आपको बनाना है कि रैंक ऐड करनी जरूरी है चलिए मुस्तफा की रैंक निकालिए चलो देख तो देखो मैं पहले तो अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं दो ए है फिर क्या आएगा फिर एफ आएगा डिक्शनरी के हिसाब से डी एफ एम टी सॉरी एम के बाद एस टी यू चार तीन सात बिल्कुल सात हैं सबसे पहले तो ए से शुरू होने वाले गिन लो ए से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे सर अब ए तो हमें नहीं चाहिए पहला अल्फाबेट ए नहीं चाहिए हमारा तो मुस्तफा में एम है राइट तो ए से शुरू होने वाले ए तो फिक्स हो गया बचे कितने छे फैक्टोरियल तो ए से स्टार्ट होंगे छ फैक्टोरियल उसके बाद सर ए से तो खत्म हो गए अब ये मत कहना पहले ए से सर से फैक्टोरियल दूसरा ए पहला ए दूसरा ए कुछ नहीं होता ए तो ए होता है भाई तो ए से सारे खत्म हो चुके हैं पहला ए दूसरा ए मत करने लग जाना क्योंकि ये तो लाइक है तो ये ए दोनों सेम है तो अब एफ से शुरू होंगे

एफ नहीं चाहिए एम चाहिए सर अब खेल शुरू हो गया अब हो गया खेल शुरू खेल शुरू अब इसके बाद हुआ क्योंकि एम वर्ड हमारा है तो एम के बाद एम ए होगा एम ए तो नहीं चाहिए सर तो गिन लेता हूं ए फिक्स हो चुका बाकी पांचों डिफरेंट फाइव फैक्टोरियल एम एफ होगा फिर एम एफ भी नहीं चाहिए बट अब दोनों ए मूविंग हो गए तो फाइव फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल हो गया एम एफ से वर्ड जा चुके हैं एम MM एम तो हो नहीं सकता एम एस एम एस भी नहीं चाहिए सर फिर से फाइव फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल क्योंकि दोनों ए मूविंग हैं, एम टी एम टी भी नहीं चाहिए एमयू चाहिए सर हमें तो, तो ये भी गिनके बैठ जाओ फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल दोनों ए मूविंग है एम यू अब चाहिए एमयू चाहिए आगे बढ़ते हैं एम यू चाहिए तो जल्दी बताओ भाई चैट पे आंसर हिमांशु लिखे जा रहे हैं बार बार आई थिंक इन्होंने किया हुआ होगा क्वेश्चन यही टू 2024 ने भी निकाल लिया 1427 फोर टू ग्रेट वन सही है एक्चुअली एमयू अब एमयू चाहिए तो देखो सिंपल सा फंडा है यार जो चाहिए का मतलब उसके नेक्स्ट वर्ड पे मूव किया करो नहीं चाहिए गिन लो जो नहीं चाहिए देखो गिनते जा रहा हूं मैं जो चाहिए नेक्स्ट में आऊंगा एमयूए डिक्शनरी बोलेगा एमयूए एक दो तीन चार चार में से चारों डिस्टिंग फोर फैक्टोरियल एमयू ए तो हो गया एमयूएफ MUF नहीं चाहिए फिर से चार तो है बट दोनों ए मूविंग है क्योंकि एक भी ए नहीं है तो फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल हो गया फोर फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल हो गया बेटा बस अब आगे करते जाइए MUF के बाद एमयू एम तो होगा नहीं एमयूएस होगा MUS चाहिए सर MUS ए होगा डिक्शनरी में थ्री फैक्टोरियल MUS ए हो गया एम यू एस एफ होगा नहीं चाहिए फिर से सर दोनों ए मूविंग हो गए थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल एम यू एस टी हो गया एम यू एस के बाद एम यू एस एफ के बाद क्या होगा एम यू एस एफ के बाद एम आएगा नहीं एस आएगा नहीं आ चुका टी आएगा एम यू एस टी चाहिए ए आएगा चाहिए फिर ए एफ होगा अब ये दोनों में बस ए एफ होगा पहले और फिर एम यू एस टी ए एफ हो जाएगा पहले ये एक आया फिर ये एक आया अब गिन लीजिए रैंक फाइनल आंसर निकाल लीजिए जल्दी से सिक्स फैक्टोरियल होता है कितना होता है भाई सात सौ बीस होता है ये तीन सौ साठ होता है 120, ये एक सौ बीस ये सिक्सटी चौबीस 60, बारह 60, और वो थ्री फैक्टोरियल हो गया 6. ये थ्री ये वन ये वन जल्दी से ऐड कर लीजिए आई थिंक वन फोर टू सेवन हो गया होगा वन फोर टू सेवन हो जाएगा तो ये बेटा इसको करने का बेस्ट तरीका यही है क्योंकि जब भी रिपीटिशन दे देंगे तुम फंस जाओगे वो सब अगर ट्रिक्स ट्रिक्स लर्न कर लोगे एक दो क्वेश्चन तो हो जाएंगे बाकी फिर फंस सकते हो उल्टा भी पूछ सकते हैं जहां तुम फंस सकते हो कि भाई अभी तो तुम्हें क्या पूछा रैंक पूछा चलो उल्टा भी करवाऊंगा पहले तुम एक बार एक जेई का कर कर लो या वो चलो लेना तुम इसमें मैं क्या कह रहा हूं एक दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वर्ड क्या होगा कि भाई अब क्या बोला रैंक दे दी तुम्हें तुम्हें बोल रहे हैं हजारवीं रैंक दे दी राइट तुम वर्ड बताओ इसलिए बोल रहा हूं ये सब ट्रिक्स वगैरह बेटा एक दो सवालों में चल जाते हैं फिर तुम थोड़ा भी उन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन तो फर्स जाओगे इसलिए बोल रहा हूं बेसिक मेथड याद रखो और जेई ने घुमाया अभी सच दैट लिख देते ना आगे बस सच दैट के आगे कुछ चिपका दिया हमारे धरी की धरी रह जाती है ट्रिक्स इसलिए गो फॉर द रादर देन गोइंग फॉर ट्रिक्स जो ऐसी ट्रिक है जो सब जगह लग रही है देन इट्स अ ट्रिक ओके बट थोड़े भी क्वेश्चन चेंज होंगे दिक्कत हो जाएगी इसलिए आपको समझना है बेसिक फंडा रैंक निकालने का ये है चलिए तो ये हो गया इसको आप थाउजेंड वर्ड अब आप निकालेंगे मतलब आपको वही करना है करना वही चीज है गिनना है बस हजार क्योंकि देखो हजार इसके अंदर ही हो गया कहीं 720 प्लस 360 इसी के अंदर तो एफ से ही होगा वर्ड वो तुम्हें एक एक करके गिनना पड़ेगा ट्राई करिएगा थाउजेंथ वर्ड इसके अंदर निकालना बाकी अब देखो एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये आया था मैनकाइंड जैसे मैंने आपको क्या दिया था अभी मुस्तफा दिया था बिल्कुल ऐसा ही हो गया है मैनकाइंड और अगेन इसमें भी एन दो बार रिपीटेड है एन दो बार रिपीटेड है बेटा तो अब आप इसको करेंगे कर लोगे आई थिंक बिल्कुल सेम ही मेथड है आप इसको कर सकते हो मैनकाइंड वाले क्वेश्चन को कर सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं रैंक वाला भी हमने कर लिया अब देखो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है यू नेवर नो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है क्या है ये कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल से रिलेटेड है कि अगर आपने एक सीरीज बनाई कैसी सीरीज बनाई फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल ऐसे आपने करते करते x तक किया, राइट एक्स फैक्टोरियल तक ऐड किया तो मैं क्या बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि ये जो एन है ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं आ सकता कभी भी फोर से बड़े x के लिए ध्यान से सुनना जरा केयरफुली अभी सब समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मान लीजिए आपने सीरीज लिखी वन फैक्टोरियल सीरीज लिखी इसमें एक ही टर्म लिखी वन फैक्टोरियल फिर लिखी वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल फिर लिखी वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल फिर आपने लिख ली वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल ऐसे करके आप लिखते गए अगली पांच फैक्टोरियल तक लिख ली तो अगर आप इनका सम निकालें तो ये तो वन हो गया ये टू प्लस वन थ्री हो गया छे सात आठ नौ हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया है ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर वन समाइन आ गया विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अब आप इसके नीचे कहीं मर्जी चले जाओ फोर फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स नीचे कहीं भी चले जाओ जैसे इसको भी निकाल लो कितना हो गया ये नौ तो यही हुआ था नौ प्लस चौबीस थर्टी थ्री हो गया है, राइट इसके नीचे कहीं मर्जी चले जाओ अब तुम फाइव फैक्टोरियल छह फैक्टोरियल जो मर्जी फैक्टोरियल लेनाओ ले लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा कभी भी ये सम बड़ी अजीब बात लगती है सुन सुनकर बात क्या हुई सर बस एक इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बना और एक इसके लिए बना फोर के लिए बना नहीं हमने देख लिया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हंड्रेड टू थाउजेंड वन करोड़ जो मर्जी लिखना है लिख लो सम को वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बेटा नहीं बनेगा हाँ रीजन क्या है ओमकार पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द रीजन बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और एक बंदे ने पकड़ लिया मनोज ने शायद करा हुआ है ग्रेट अगर नहीं किया और आपने सोचा दैट्स ग्रेट तो बेटा देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्यों नहीं बनेगा ध्यान से सुनना फाइव फैक्टोरियल ऑनवर्ड अब क्या होगा देखो अगले वाले में एक बार देख लेते हैं फाइव फैक्टोरियल कितना होता है सर 120 होता है फाइव फैक्टोरियल या सिक्स फैक्टोरियल या सेवन फैक्टोरियल किसी में भी अगर आप ध्यान से सोचें लास्ट डिजिट जीरो आएगी क्यों क्योंकि एक फाइव फैक्टोरियल फाइव इंटू टू का पेयर बनने लगता है ना तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 आएगी फैक्टोरियल की सिक्स फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल हंड्रेड फैक्टोरियल कोई भी लिख लो लास्ट डिजिट तो जीरो आएगी और इन सब की वैल्यू सब मिला के क्या आई थी अभी आई थी थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री प्लस कोई भी फैक्टोरियल लिख लो यहां फाइव सिक्स जो भी लास्ट डिजिट क्या बनेगी लास्ट डिजिट थ्री बनेगी ये बात पक्की है लास्ट डिजिट जो होगी सम की हमेशा थ्री बनेगी लास्ट डिजिट बेटा थ्री बनेगी समझ गए क्योंकि देखो फाइव फैक्टोरियल छह फैक्टोरियल सात फैक्टोरियल सब में लास्ट डिजिट तो जीरो है और जीरो लास्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट इनकी थर्टी थ्री की थ्री है तो लास्ट डिजिट हमेशा तीन ही रहेगी ना क्योंकि लास्ट जीरो है उधर तो तो लास्ट डिजिट अगर थ्री है तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है सोच के देखो कि वन का स्क्वायर होता है लास्ट डिजिट वन आती है टू स्क्वायर में लास्ट डिजिट फोर थ्री स्क्वायर में लास्ट डिजिट नाइन फोर स्क्वायर सोलह होता है लास्ट डिजिट सिक्स आती है फाइव स्क्वायर में तो पांच आती है स्क्वायर में फिर छत्तीस आ जाती है छवें स्क्वायर में नाइन आ जाती है एट स्क्वायर में फोर आ जाती है नाइन्थ स्क्वायर में एट्टी वन वन आ जाता है और टेन स्क्वायर में तो वैसे ही जीरो आता है और इलेवे स्क्वायर में फिर यही कहानी रिपीट होने लग जाएगी राइट तो किसी भी होल स्क्वायर की लास्ट डिजिट थ्री है ही नहीं देखो तुम ट्राई कर लो कोई भी नेचुरल नंबर का कितना ही बड़ा ले लो लास्ट डिजिट उसकी थ्री नहीं बन सकती कंप्लीट स्क्वायर की लास्ट की लास्ट डिजिट उसकी थ्री बनी नहीं सकती परफेक्ट स्क्वायर की ये देखिए बट इसकी लास्ट डिजिट थ्री आ रही है तो अगर लास्ट डिजिट थ्री आ रही है तो भाई तुम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते ये बात पक्की हो गई क्योंकि किसी भी होल स्क्वायर की लास्ट डिजिट थ्री नहीं होती है बेटा ये था फंडा तो बहुत बेसिक सी चीज है बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट ग्रेट समझ आ गया सर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कहीं पे भी छोटी सी फंडा है कहीं यूज हो सकता है यू नेवर नो क्योंकि जेई की आदत होती है ना छोटी छोटी चीजें मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना दिया तो हमें ये बात पक्का है कि कुछ भी एक्स होता रहे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू वन या थ्री हो सकती है वन या थ्री तक के सम में ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा और कभी नहीं आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से तो ये बात हो गई कुछ फैक्टोरियल्स और कॉम्बिनेशन की परम्यूटेशन uh, की अब हम आएंगे बेटा कॉम्बिनेशन पर कॉम्बिनेशन पर, पर आते हैं तो अभी तक तो दिन देख रहे होगे

फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला होता है राइट right? एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला ये हो जाता है NC0, दोनों वन होते हैं एनसी वन वन होता है सबको आई थिंक पता है एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम होता है माइनोमियल में भी तुमने खूब पड़ा हुआ यह चीज फॉर एग्जाम्पल एन सी फोर और टेनसी सिक्स बराबर हो जाएंगे nc2 टू भी याद रख लो क्योंकि कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एनसी टू हमें बहुत इजीली काम आ जाता है तो एनसी टू अगर इस फॉर्मूले में डालें तो एन एन माइनस वन बाय टू हो जाता है ये याद रख लीजिए एनपीआर इज एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल ऑब्वियसली क्योंकि एक आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करूंगा तो एनपीआर का ही फॉर्मूला बन जाएगा एनपीआर का ही फॉर्मूला बन जाएगा कोई पूछ रहा है यूज ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेटा देखो वो तो एक मैंने आपको एक फंडा बता दिया कि ऐसा होता है तो ये तो यूज तो किसी भी क्वेश्चन में बन सकता है कहीं पे कुछ दे दिया और तुम्हें x की वैल्यू बेसिकली ये समझनी है कि बस x की दो ही वैल्यू मान लो बोल दिया कि यार क्वाड्रेटिक right निकालो जिसके रूट सच दैट हैन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल अप टू एक्स फैक्टोरियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर अब तुम्हें अगर ये पता ही नहीं है कि भाई सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होता है तो तुम नहीं कर पाओगे ना तो वैसे क्वेश्चन में कहीं पे भी घुसा सकते हैं उसको छोटी सी चीजों से कहीं पर भी घुसाया जा सकता है पता होना चाहिए सर हाउ यू डिड यू स्कोर गुड मार्क्स इन जेई एडवांस इन योर टर्न ब्रेनली पूछ रहे हैं तो बेटा सारी बातें डिस्कस करेंगे देखो आम, क्या होता है कि आपको यह समझना है कि जे -E की स्ट्रेटेजी क्या है वो सब भी डिस्कस करेंगे बट आज का पर्पज है बेटा हमने पहले पीएनसी खत्म कर लेते हैं फिर आपको मैं वो भी बताऊंगा जब एडवांस के लेक्चर्स चलेंगे वहां पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा चलिए अब जल्दी से कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल लगाते हैं अच्छा सॉरी एक दो प्रॉपर्टी रह गई अभी लास्ट वाली क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर तो देखो मैंने तो इस प्रॉपर्टी को कैसे याद किया हुआ है इस प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है ऊपर वाला सेम अगर ऊपर वाला सेम है नीचे एक का गैप है आर आर माइनस वन ऊपर वाला सेम नीचे एक का गैप ऊपर वाला एक बढ़ा दो N की जगह एन प्लस वन कर दो और नीचे बड़ा वाला इन दोनों में से वैल्यू यूज कर लो आर और आर माइनस वन में से बड़ा कौन सा है आर सो फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड सी फाइव प्लस हंड्रेड सी सिक्स कितना हो जाएगा हंड्रेड सी फाइव हंड्रेड सी सिक्स कितना हो जाएगा हंड्रेड सी फाइव प्लस हंड्रेड सी सिक्स कितना हो जाएगा ऊपर तो सेम है सर ऊपर एक बढ़ा दो हंड्रेड एंड वन और नीचे एक का गैप बड़ा वाला सिक्स यूज कर लो सो हंड्रेड एंड वन सी सिक्स यूज हो जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी मिस प्रिंट क्या हो गया भाई सेकेंड प्रॉपर्टी में ओ oh, सॉरी हाँ. की वैल्यू वन नहीं होती बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एनसी वन की वैल्यू बेटा एन होती है थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट एन सी वन होता है बेटा एस गेमिंग ने बताया है बेटा नाम तो यार तुम लोग अपने असली नाम रखा करो ना ये समझ ही नहीं आता कौन बोल रहा है एस गेमिंग बट चलो एनी वेज एन सी वन की वैल्यू बेटा एन है तो आई होप ये बात समझ आ गई कि आप कैसे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे मान लो 102 सी 50 प्लस 102 सी 49 अगर लिख दूं तो इसका क्या हो जाएगा ऊपर वाला सेम नीचे एक का गैप ऊपर एक बढ़ गया 103 और नीचे से बड़ा वाला 50 हो जाएगा अब यहां पर ऐसे आपको लगाना है राइट एक सौ सी फिफ्टी हो जाएगा तो इस तरह से लास्ट प्रॉपर्टी लगानी है बहुत काम की है ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं पी वाई क्यू दो हजार इक्कीस का कॉम्बिनेशन के ऊपर बेटा कॉम्बिनेशन के ऊपर करते हैं अ साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म यूजिंग सिक्स इंडियंस एट फॉरनर्स छह इंडियन लोग हैं और आठ फॉरनर हैं एक कमेटी बनानी है भाई ओके विच इंक्लूड्स एटलीस्ट टू इंडियंस कम से कम दो इंडियन एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरनर्स मतलब जितने इंडियन लोग हैं उनके डबल फॉरनर लेने हैं तुमने यार ये क्या बात हुई ये तो बड़ी गलत बात है रीजनलिज्म फैला रहे हैं बट चलो कोई बात नहीं हम इंडियंस किसी से पीछे हैं जो हमसे डबल लेंगे कोई नहीं अब जो कह रहे हैं क्वेश्चन में करने दो तो भाई क्या कह रहे हैं कि ऐसी कमेटी सेलेक्ट करो तो अब देखो क्वेश्चन से पढ़ के हमें कैसे पता सर ये सिलेक्शन का है या परम्यूटेशन का है क्योंकि कमेटी बनानी है जब कमेटी बनानी है टीम बनानी है ये सब क्या है सिलेक्शन के क्वेश्चन है सी एनसीआर के हैं नंबर बनाने हैं वर्ड बनाना है अरेंज करना है लाइन में बैठाना है जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वो परम्यूटेशन के क्वेश्चन है राइट तो जहां भी कमेटी बनानी है सिलेक्शन करना है इसका मतलब तो अब क्या होगा तो देखो भाई हमें दो इंडियन अगर ले रहे हैं तो चार फॉरनर लेने हैं पहला पॉसिबिलिटी हो गया टू इंडियन एंड फोर और हो सकता है दो एटलीस्ट टो लिखा है तो हम तीन इंडियन भी ले सकते हैं एंड सिक्स लेने पड़ जाएंगे क्योंकि फॉरनर हमेशा डबल रखने हैं और फोर इंडियंस एंड एट फॉरनर्स करने पड़ेंगे अब देखो इससे ज्यादा मैं इंडियन बढ़ा ही नहीं सकता इससे ज्यादा इंडियंस नहीं बढ़ा सकता क्यों क्योंकि बेटा मुझे पांच इंडियन करने को तो कर सकता हूं छह इंडियंस हैं पांच करा तो दस चाहिए फॉरनर तो है नहीं, तो आठ ही नहीं तो तो एक इंडियन तो एंड दो फॉर नहीं हो सकता बेटा क्योंकि हमें एटलीस्ट टू फॉरनर बोले हैं तो उल्टा भी सोच सकते थे कि अब टोटल में से माइनस ज्यादा करने पड़ते यहां पे कम केसेस बने सिर्फ तीन ही केसेस बने जल्दी से निकाल लेता हूं टू इंडियंस एंड फोर फॉर्नर कितनी तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं टू इंडियंस चाहिए सिक्स छ में से दो इंडियन सेलेक्ट करे सिक्स से एंड हमेशा याद रखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात पीएनसी में जब भी एंड आ रहा है तुम्हारा वहां तुम्हें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एंड मतलब साइमल्टेनियसली करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी हमने किया था मल्टीप्लाई एंड की वजह से मल्टीप्लाई चार फॉर्नर एट सी फोर और की वजह से एड ये लिख लो एंड जब भी आए आपको मल्टीप्लाई करना है और आए तो आपको प्लस करना है थ्री इंडियंस तो सिक्स सी थ्री इंटू एट सी फोर सिक्स सी फोर एट सी एट हो जाएगा बस अब तो कैलकुलेशंस करनी है कर लोगे अब तुम लिख रहे हैं सर बिकॉज वन इंडियन इज ग्रेटर देन टू फॉर्नर हेन्स वन इंडियन डबल फॉर्नर चाहिए बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे तुम्हारा ग्रेट ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग आपको जी डी क्यों लिख रहा है यार मैंने क्या जीडीबीडी कर दी सही तो किया है ओ हां बिल्कुल सही यार तुम लोग सही पकड़ लेते हो गुड सिक्स यहां पे होना चाहिए फोर ओ सॉरी थ्री का डबल होता है सिक्स यहां पे सिक्स फॉरनर लेने थे ना तो आठ सीट होना चाहिए ग्रेट आंसर निकाल लोगे ना भाई अब सिक्सटी टू इन सबकी वैल्यूज निकाल के मैच कर लेना ऑप्शन तुम्हारे पास है आगे बढ़ते हैं देर आर टेन बॉयज एंड फाइव गर्ल्स इन अ क्लास

तो अब देखो मुझे यहां से उल्टा क्वेश्चन करना ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि अगर टोटल टीम्स बना लू टोटल में से माइनस वेन बी वन एंड बी टू आर बोथ सेलेक्टेड राइट अगर मैं टोटल निकाल पहले तो टोटल निकाल लिया बिना कुछ सोचे समझे उसमें से वो केसेस माइनस कर दिए जब बी वन बी टू साथ आ गए तो आपको क्या बच जाएंगे जब वो बी वन बी टू साथ नहीं आ रहे होंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए करो जल्दी से ट्राई करो इसको जल्दी से ट्राई करिए उदित कह रहे हैं सर मैं ट्वेल्थ में हूं यही मेन इससे हो जाएगा ना सर जी बिल्कुल हो जाएगा बेटा क्यों नहीं होगा मेन्स और एडवांस दोनों होगा और तुम बिल्कुल यह मत सोच के चलो कि सिर्फ मेन्स मेरा टारगेट है ऐसे डरपोक लोग सोचते हैं बेटा ट्राई करो एडवांस के लिए भी ट्रस्ट मी लास्ट के में कुछ भी हो सकता है तुम अभी ट्वेल्थ में आए हो अभी तो बहुत समय है या अभी तो ट्वेल्थ दे रहे हो तब भी तुम्हारे पास तीन महीने हैं कोई दिक्कत नहीं है तुम अपनी बिल्कुल परेशान मत हो आप बस ये सोच के चलिए कि यार हम एडवांस भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है बता रहा हूं मैं एडवांस में से लोग क्लियर करने वाले हैं और डरो मत लास्ट के दो तीन महीने में कुछ भी हो सकता है राइट उस दिन आपको पांच सात सवाल एक्स्ट्रा ही तो करने हैं पांच सात आपकी किस्मत बेटर चल गई उस दिन एडवांस भी क्लियर हो सकता है मेहनत करते रहो चलो भाई जल्दी निकालो सब लोग कुछ लोगों ने निकाल लिया है आंसर टोटल वेज कितने होंगे तो सर दस में से कितने लड़के सेलेक्ट करने थ्री एन सी थ्री इन टू एंड एंड है ना क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स इसलिए मल्टीप्लाई अभी बताया था मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी एंड आए तो मल्टीप्लाई करना तुम्हें जो टीम बनानी है थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स एन सी थ्री इन टू फाइव सी थ्री टोटल वेज इसमें से क्या माइनस करोगे जब बी वन एंड बी टू आर बोथ सेलेक्टेड अब ये कैसे निकालेंगे सर बी वन बी टू तो सिलेक्टेड है मान लो कि भाई वो बी वन बी टू तो कह रहे हैं कि यार हम तो सेलेक्ट हो गए राइट तो अब आपको एक ही तो लड़का और चाहिए भाई आपने दस लड़के थे बी वन बी टू तो कह रहे हैं हम जाएंगे ही तीन चाहिए अपने को तो दो तो हो गए तो बचे हुए आठ में से कोई सा भी एक बॉय सेलेक्ट कर लिया तो हो क्या जाएगा तीन बॉयज हो गए क्योंकि बी वन बी टू तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है बी वन बी टू तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है बस एक ही लड़का और चाहिए तो बचे आठ में से एक एंड थ्री गर्ल्स गर्ल्स में तो कोई भी आ जाए फाइव सी थ्री ये अपना आंसर होना चाहिए फाइव सी थ्री कॉमन टेन सी थ्री माइनस एट सी वन फाइव सी थ्री होता है टेन टेन सी थ्री होता है टेन इंटू नाइन इंटू एट अपॉन थ्री इंटू टू माइनस एट ये हो गया थ्री 120 सौ बीस माइनस आठ टेन इन टू एक सौ बारह वन वन टू जीरो हो गया आंसर हो गया बेटा वन वन टू जीरो आंसर राइट ग्रेट मैच सर कैन वी रिमूव वन बॉय फ्रॉम टेन बॉयज मल्टीप्लाई बाय टू सीवन एंड कैलकुलेट काउंटिंग नाइन नहीं बेटा क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों अच्छा तुम ये कह रहे हो कि भाई सोचना तो सही सोच तो तुम्हारी सही लग रही है ओंकार मुझे कि भाई तुमने दस में से एक लड़का हटा दिया नौ लड़के बचे उसमें से तुम कह रहे हो नौ में से कितने सेलेक्ट करोगे अब नौ में से तीन करोगे नौ में से तीन करोगे तो अब वही है कि अब वो कौन सा वाला हटाया तुम्हें दो केस वो भी लेने पड़ जाएंगे उससे भी आई थिंक आ जाएगा ट्राई कर लेना बट सीधा सीधा मेथड तो देखो यही है जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेगा या जो करना चाहिए वो ये है बट हाँ उससे भी आप सोच सकते हो ओके जो आप कह रहे हो उससे भी हो सकता है हो जाए मैंने टोटल में से माइनस करके किया है ज्यादा इजी रहा चलिए अगले पर आते हैं जल्दी से देखते हैं 2021 का एक और सवाल डिफरेंट मेथड बट सेम आंसर शशांक कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है बेटा देखो आपको अपने मेथड लगाने एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं जेई में देर आर फिफ्टीन प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम आउट ऑफ विच सिक्स आर बॉलर्स बॉलर्स हैं सिक्स बॉलर्स सेवन बैट्समैन एंड टू विकेट कीपर्स हैं अच्छा पंद्रह लोग ऐसी टीम है द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ इलेवन क्रिकेट टीम है ग्यारह लोग खेलते हैं तो हमें ग्यारह चाहिए सच दैट इंक्लूड एट लीस्ट फोर बॉलर्स कम से कम चार बॉलर्स चाहिए पांच बैट्समैन एंड वन विकेट कीपर कम से कम पांच अब ये एटलीस्ट वर्ड ना सबके लिए है मतलब अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज जरूर है एटलीस्ट फोर बॉलर्स एटलीस्ट फोर बैट्समैन एंड एटलीस्ट वन विकेट कीपर ऐसे लिखना चाहिए ढंग से अगर क्लियर लैंग्वेज है सिर्फ एटलीस्ट जो है बॉलर्स के लिए नहीं है एटलीस्ट सबके लिए है क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए राइट right? चलिए देखते हैं एटलीस्ट फोर बॉलर्स फाइव बैट्समैन एंड वन विकेट कीपर तो देखो अब ये कितने हो गए चार बॉलर ले लू पांच बैट्समैन चार पांच नौ और एक विकेट कीपर तो लेना है तो दस तो पक्के हैं भाई सिर्फ एक एक बंदे की जगह है जिसके ऊपर सिलेक्शन में क्वेश्चन है कि भाई वो कौन खेलेगा हो सकता है वो एक्स्ट्रा बॉलर खेल ले हो सकता है एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा विकेट कीपर भी तो खेल सकता है ना भाई मैं तो पता है आजकल इंडिया में जो लोग मैच देखते हैं उन्हें पता है दो दो विकेट कीपर खिलाती है ना इंडिया कई बार तो इसलिए बेटा दो विकेट कीपर भी हो सकते हैं तो मुझे साफ समझ आ गया तीन केसेस बनेंगे कि सर जो पांच चार नौ और एक दस तो फिक्स है तो ग्यारहवा खिलाड़ी एक्स्ट्रा है या तो वो बॉलर एक्स्ट्रा है तो फर्स्ट केस हो गया फाइव बॉलर एंड फाइव बैट्समैन एंड वन विकेट कीपर और फोर बॉलर्स और बैट्समैन एक्स्ट्रा कर लो पांच की जगह छह बैट्समैन कर लो एंड वन विकेट कीपर और विकेट कीपर एक्स्ट्रा कर लो चार बॉलर रखो पांच बैट्समैन रखो टू विकेट कीपर कर लीजिए तो ग्यारह की टीम हो गई पूरी इन तीनों सिनेरियोज में अब इसको सॉल्व कर लो बेटा पांच बॉलर सेलेक्ट करने हैं बॉलर थे छे, तो सर सिक्स सी फाइव एंड की वजह से मल्टीप्लाई पांच बैट्समैन सेवन सी फाइव एक विकेट कीपर टू सी वन एंड के साथ मल्टीप्लाई और के साथ प्लस फोर बॉलर्स फोर बॉलर्स का मतलब सर सिक्स सी फोर बैट्समैन सेवन सी सिक्स एक विकेट कीपर टू सी वन प्लस फोर बॉलर सिक्स सी फोर पांच बैट्समैन सेवन सी फाइव टू विकेट कीपर टू सी टू ऐसा कुछ हो जाएगा करिए अब जल्दी से सॉल्व सिक्स सी फाइव होता है सिक्स वन सी फाइव होता है ट्वेंटी वन इंटू टू प्लस सिक्स सी फोर पंद्रह सेवन टू सिक्स सी फोर फिर से पंद्रह सेवन सी फाइव अभी निकाला था इक्कीस वन ऐसे करो देखो स्मार्टली करनी है कैलकुलेशन जान के करके दिखा रहा हूं मैं क्योंकि बेटा मैं कॉमन वगैरह लेके देखना सॉल्व कर दूंगा इक्कीस तो कॉमन आ रहा है यहां से भी यहां से भी और सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन यहां से भी इक्कीस कॉमन आ रहा है तो इक्कीस ओवरऑल कॉमन आ गया सर बारह यहां बचा, बचा कॉमन पंद्रह बचा तो हमारे पास हो गया ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन ट्वेंटी वन इंटू थर्टी सेवन देखो भाई आंसर अपना होना चाहिए ट्वेंटी वन इंटू थर्टी सेवन ट्रिपल सेवन हो गया आंसर ट्रिपल सेवन ही दिया हुआ है आंसर ऐसे कर दिया बेटा मैंने राइट right? इस तरह से सॉल्व हो गया ग्रेट मनोज ने निकाल लिया द रेन ने निकाल लिया देवराज ने भी भव्या लॉट ऑफ स्टूडेंट है तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बेटा उतने टफ नहीं होते मोस्टली आप इजीली कर सकते हैं चलो एक और करते हैं फिर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा एक और कर लेते हैं साइड ए बी बी सी सी ऑफ ए ट्राइंगल है ट्राइंगल दिया हुआ है और कह रहे हैं कि भाई एबीसी एक ट्राइंगल है साइड एबी पे थ्री पॉइंट्स है एक दो थ्री तीन और बीसी पर पांच है एक दो तीन चार पांच CA पर छे है एक दो तीन चार पांच छ इस तरह से कुछ इंटीरियर पॉइंट्स दिए हैं साइड्स पर ये आपको कुछ दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टाइसिस अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दीज पॉइंट्स अब होता क्या है जो लोग ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं कई बार ज्यादा पढ़ना भी हो जाता है खतरनाक क्योंकि उन्हें लगता है यार ये ये और वर्टेक्स वर्टेक्स भी तो यूज करने ही नहीं है उन्होंने क्या लिखा है points, सिर्फ इन्हीं पॉइंट को यूज करके ट्राइंगल बनाने हैं एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ए बी सी भी यूज कर सकते हो तुम राइट तो आपके पास पॉइंट कितने हैं छह पांच ग्यारह और तीन चौदह ए बी सी को एक्सक्लूड करना है सिर्फ ये हरे वाले पॉइंट्स लेने हैं आपने ए बी सी नहीं लेना क्योंकि बेटा साफ लिखा है ओनली यूजिंग दीज पॉइंट तो सोचो अब कैसे होगा कितने पॉइंट हैं अभी बताया मैंने सर छह पांच ग्यारह और तीन चौदह पॉइंट हैं तो पहले तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए तीन पॉइंट चाहिए होते हैं तो फोर्टीन सी थ्री तरह से फोर्टीन सी थ्री तरह से सर मैं तीन पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं तीन पॉइंट से सर एक ट्राइंगल बन जाता है तीन पॉइंट से एक ट्राइंगल बन जाता है क्योंकि तीन पॉइंट जैसे सेलेक्ट होंगे एक ट्राइंगल बनेगा बट तुम समझ रहे हो कुछ केसेज में नहीं भी बनेगा सर ट्राइंगल कुछ केसेज में ट्राइंगल नहीं भी बनेगा तो वो माइनस करने पड़ेंगे कौन से केसेस में ट्राइंगल नहीं बनेगा इन हरे पॉइंट को अगर यूज करके तुम सोचो अगर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे लिया ये ट्राइंगल बन रहा है गुड दो यहां ले लिए एक यहां ले लिया तब भी ट्राइंगल बन रहा है बट अगर तीनों आपने ये कोलिनियर वाले पॉइंट्स ले लिए तो तुम्हें पता है तीन कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाते तीन कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाते तो जब तीन कोलिनियर सेलेक्ट हो रहे होंगे वो केस में माइनस करने पड़ेंगे राइट right? वो केस माइनस करने पड़ेंगे जब तीन सेलेक्ट हो रहे होंगे कैसे हो सकते हैं सर एक पॉसिबिलिटी तो है ये तीन हो जाए ये तीन में से कोई से भी तीन कोलिनियर एक पॉसिबिलिटी है एक दो तीन चार पांच छ इन छह में से कोई से भी तीन सेलेक्ट हो रहे हो तो क्योंकि जब भी इन छ में से तीन होंगे कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा या फिर इन पांच में से कोई तीन सेलेक्ट हो रहे होंगे तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा तो मैंने टोटल में से वो केसेस माइनस कर दिए जब ट्राइंगल नहीं बनेगा मेरे को मिल जाएगा जब ट्राइंगल बन रहा होगा हो गया अब कुछ लोग हां अब कुछ लोग जो सीधा करने में ज्यादा वो, वो रखते हैं वो कहते हैं कि सर दो यहां से लो एक यहां से बहुत केसेस बन जाएंगे बेटा यहां से दो यहां से एक यहां से एक यहां से दो यहां से दो यहां से एक यहां से दो यहां से बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो ज्यादा लंबा हो जाएगा ये बेटर मेथड है कि टोटल में से वो केस माइनस कर दिए जब ट्राइंगल ही नहीं इट्स अ शॉर्टर वन राइट तो उनकार भी लिख रहे हैं सर दो पॉइंट फ्रॉम वन वन फ्रॉम अदर तो इट माइट कंफ्यूज, इट माइट मेक अ लॉट ऑफ केसेज इसलिए ये ज्यादा आसान है बेटा इसको कर लो आंसर आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं चलो एक और करा देता हूं कॉम्बिनेशन में फिर दो आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा 2022 का एक ले लेते हैं बढ़िया क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन देर आर फाइव एमसीक्यू हमारे लिए काफी रेलिवेंट फाइव एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन विथ थ्री चॉइसेस आउट ऑफ विच एग्जैक्टली वन इज करेक्ट सिंगल करेक्ट है और ए बी सी तीन ही ऑप्शन है हर क्वेश्चन के क्वेश्चन वन है जिसके तीन ही ऑप्शन है ए बी सी चार नहीं है जैसे अपने एग्जाम में आते हैं चार नहीं तीन ही ऑप्शन है राइट चलिए अगले पर आते हैं वो सॉरी आगे बढ़ते हैं ठीक है देर आर थ्री मार्क्स फॉर ईच करेक्ट तो प्लस थ्री और माइनस टू है अरे भाई बड़ा खतरनाक पेपर है प्लस थ्री है और नेगेटिव मार्क बेटा माइनस वन नहीं माइनस टू है अगर गलत कर दिया तो एंड जीरो फॉर नॉट अटेम्प्टिंग वो तो चलो है ही नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट अपियरिंग इन एग्जाम कैन गेट फाइव मार्क्स बहुत बढ़िया ज्यादा इच्छा नहीं है उसकी वो कह रहा है बस पांच ही नंबर आ जाए है कितने नंबर का पेपर फाइव क्वेश्चन है और हर एक के तीन पंद्रह में से चार यार पांच ही आ जाए बस मेरे बहुत है पांच नंबर लाने हैं सत्यम कह रहे हैं सर ब्रेक अरे भाई रुक जाओ अभी जल्दी क्या है तुम्हें ब्रेक थोड़ी देर बाद लेंगे थोड़ा सा और आम पार्ट कर ले बेटा कवर उसके बाद ब्रेक लेंगे हाँ तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि भाई पांच नंबर बनाने हैं ध्यान से सुनना जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक लगा रहा हूं कि पांच नंबर कैसे बन सकते हैं फिर से वही वाला क्वेश्चन है देखो केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि कितने सही कितने गलत कितने छोड़े ये मुझे अंदाजा लगाना है तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें या तो तीन मिल रहे हैं माइनस टू या जीरो यही हो रहा है तो अब एक बात सोचते हैं अगर उसको तीन मिले अब एक सही करके तो वो कभी पांच नंबर ला ही नहीं सकता ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है क्योंकि एक सही किया तो बस तीन ही नंबर है प्लस के तो बाकी तो माइनस ही होंगे या जीरो मिलेंगे उसको कम से कम दो सही तो करने ही पड़ेंगे कम से कम दो सही करने पड़ेंगे क्वेश्चन ताकि छह बन गए अब बड़ी केयरफुली सुनना देखो तीन प्लस तीन छ बन गए छ क्या है इवन नंबर अब इवन में से जो सब होगा वो क्या होगा या तो जीरो, जीरो तो क्या ही होगा? उसने छोड़ दिया मतलब कुछ भी या होगा तो जो थ्री प्लस थ्री एवन है इवन में से अगर दो सेलेक्ट होगा तो इवन ही तो आएगा इवन में से दो सेलेक्ट होगा तो इवन ही आएगा यानी उसके नंबर पांच इन दो सही के साथ नहीं बन सकते दो सही क्या इवन नंबर ऑफ मार्क्स जब भी उसके पास पड़े हैं उसके पास पांच नंबर नहीं बन सकते थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री करके कभी पांच नहीं आएंगे समझ गए कैसे क्योंकि 3 3 क्या है इवन और छे में माइनस टू करेंगे तो इवन ही तो आएगा पांच कैसे ऑड नंबर कैसे आ जाएगा इवन 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 क्या होता है? होता है है तो एक बात मुझे समझ आ गई उसको तीन तो सही करने ही पड़ेंगे तीन तो सही करने पड़ेंगे ताकि थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन हो गए अब नाइन क्या है एक ऑड नंबर ऑड में से अब इवन माइनस करेंगे तब जाके ऑड पे वो रुकेगा क्योंकि उसके मार्क्स कितने हैं ऑड मार्क्स है बेटा इसका मतलब थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन ऑड हो गए और दो बार उसके माइनस टू माइनस टू जो कि चार कम करने हैं हमने 5 पे जाके वो अटक जाएगा तो एक तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई ऑड ऑड नंबर में से इवन माइनस पे अटक गया और क्या हो सकता है अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर चार नंबर भी वो सही कर लेगा चार क्वेश्चन सही कर लेगा बहुत गलत फहमी है क्योंकि चार में फिर से वही प्रॉब्लम है फोर थ्री होता है ट्वेल्व इवन नंबर आ गया इवन में से अब तुम चाहे जितने भी माइनस करते जाओ क्योंकि इवन में से इवन ही माइनस होगा ऑड पे कभी रुकेगा नहीं इनफैक्ट ये मैं तुम्हें लॉजिक क्यों समझा रहा हूं तुम कह रहे हो गिर सर ऑब्वियस है तो आ गए माइनस कितने कर लेगा एक में नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा भी तो सकते थे नंबर ऑफ क्वेश्चन पांच की जगह दस देते दे दे अभी एडवांस में तो तुम्हें ये लॉजिक लगाना है कि भाई इवन नंबर में से इवन सब करके कभी ऑड नहीं आ सकता इसलिए मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं यानी और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है पांचों सही कर दिए फिर तो पंद्रह ही नंबर हो गए पांच कैसे मिलेंगे इसलिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि उसने तीन सही करे और दो गलत करे जीरो कहीं नहीं ले सकता थ्री करेक्ट टू रॉन्ग दैट्स दी ओनली पॉसिबिलिटी जिससे वो पांच नंबर पे अटकेगा आई बात समझ में जल्दी से बताइए अगर ये बात समझ आ गई तो या ओनली वन के इज पॉसिबल बिल्कुल ठीक जल्दी से चैट पे बताइए अगर समझ आ गई है आपको बात थ्री करेक्ट एंड टू रॉन्ग चलिए ग्रेट तो अब बेटा हमें पहले तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से तीन उसने सही करे पांच क्वेश्चन थे फाइव सी थ्री क्वेश्चन आपने वो सेलेक्ट करे जो बेटा सही करें अब सही करने का तरीका तो एक ही है भाई सही आंसर टिक कर दो सही करने में कुछ बट नहीं है कि तरीके अलग अलग सही का तो एक ही तरीका है कि भाई जस्ट उसका करेक्ट वाला ऑप्शन आप मार्क कर दीजिए बट जो बचे हुए दो गलत करने हैं अब पहली बात ये मत कर लेना फाइव सी थ्री तरह से सही और फाइव सी टू तरह से गलत नहीं जो फाइव सी थ्री तरह से अगर सेलेक्ट कर लिए सही वाले तो गलत ऑटोमेटिकली पता लग गए कौन से करने हैं क्योंकि जो तुमने सही करें उसके अलावा जो बचे वही गलत होने हैं तो वो जो गलत होने हैं अब, अब गलत क्वेश्चन तो बेटा मान लो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए तो तुम गलत कैसे कर सकते हो या तो बी या सी टिक कर दो मतलब दो तरीके हैं एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं आइदर यू मार्क बी और यू मार्क सी तो पहला क्वेश्चन गलत करने के दो तरीके दूसरा क्वेश्चन भी गलत करने के दो तरीके फाइव सी थ्री टेन इंटू टू इंटू टू फोर्टी होना चाहिए आंसर फोर जीरो इस तरह से आपको करना है फोर्टी इज द आंसर चलिए अब इस पे भी क्वेश्चन दो होमवर्क दे देता हूं आपको कॉम्बिनेशंस के ऊपर तो बेटा खुद से जो करने को दे रहा हूं वो कर जरूर लेना क्योंकि तभी जाके आपको पूरा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा क्योंकि अभी तो मैंने करवाए हैं क्वेश्चन हो सकता है आपने खुद से ना कर पाए हो टाइम नहीं मिला उतना बट जब खुद से करोगे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा राइट मुकुल कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट तो बेटा क्या देखो इसमें सिंपल सी बात है ये तो समझ आ गया कि एक ही केस पॉसिबल है कि प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस टू माइनस टू राइट अब मैंने क्या किया अब कौन से सही प्रस प्रस तीन सही करने हैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं भाई प्लस थ्री प्लस थ्री तीन सही करने हैं ना पांच सवाल थे तरह से मैंने वो सेलेक्ट कर लिए जो सही करने हैं अब सही करने का तो एक ही तरीका भाई जिसका जो ऑप्शन है चुपचाप मार्क कर दो तो मैं आता है वो मार्क कर दिया तो सही करने का कोई दो तीन तरीके नहीं हो सकते एक ही तरीका है जो ऑप्शन है मार्क करो तो इन टू वन क्यों क्योंकि जो, जो सही करने का तरीका है वो एक ही है बट अगर अब दो गलत करने हैं तीन तो सही हो गए अब बचे दो गलत भी करने हैं तो गलत जो करना है अगर एक क्वेश्चन है उसका आंसर सही है ए तो गलत करने के तरीके कितने है? दो ही तो तरीके हैं या तो बी टिक कर दो या सी टिक कर दो क्योंकि थ्री ऑप्शन थे हर क्वेश्चन में थ्री ऑप्शन थे इसका मतलब गलत अटेम्प्ट करना एक क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है यानी कि तो फर्स्ट को गलत टू तरीके से सेकंड भी गलत टू तरीके से टू इंटू टू मल्टीप्लाई हो गया फाइव सी थ्री टेन होता है फोर्टी हो गया आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं तो दो क्वेश्चन होमवर्क के दिखा दिए अच्छा अब कॉम्बिनेशन में एक ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार क्वेश्चन का पॉलीगन एक पॉलीगन in दे दिया तो में कितने डायगनल्स होंगे तो देखो एक पॉलीगन है मान लो हेक्सागन दे दिया कोई भी दे दिया इस तरह का उठा के कुछ भी तुम्हें दे दिया राइट दिस इज अ हेक्सागन तो इसमें कितने डायगनल होंगे सिंपल सी बात है छह वर्टेक्स है सर एक दो तीन चार पांच छू तरह से अगर हमने दो वर्टेक्स सेलेक्ट किए सिक्स से दो वर्टेक्स सेलेक्ट किए तो अब इसके अंदर क्या होगा या तो साइड आ रही होगी या डायगनल आ रहा होगा क्योंकि अगर ये दो सेलेक्ट हो गए तो साइड आ जाएगी बट एडजमेंट वाले ना होकर ये दो सेलेक्ट हो गए तो डायग्नल आ जाएगा ये दो सेलेक्ट हो गए डायग्नल आ जाएगा ये दो सेलेक्ट हो गए साइड आ जाएगी तो सिक्स सी टू शुड कंटेन नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगनल्स, राइट 6c2 के अंदर क्या क्या होना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगनल जनरलाइज करो एन सी टू के अंदर क्या होना चाहिए नंबर ऑफ साइड प्लस नंबर ऑफ डायगनल्स। और साइड कितनी होती है सर हेक्सागन में छे है तो एन साइडेड पॉलीगन में तो एन होती है एन को ले जाओ उधर तो नंबर ऑफ डायगनल हो गए नंबर ऑफ डायगनल कितने हो गए एनसी टू माइनस एन इज द नंबर ऑफ डायगनल याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि किसी भी पॉलीगन में एन सी टू माइनस एन डायगनल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट सिमिलरली ये सेट चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं एक ऐसा सेट जिसमें एन ऑब्जेक्ट है टू तो की पावर एन सबसेट्स होते हैं टू की पावर एन सबसेट्स होते हैं है, बात तुम्हें पता होगी एनसी से हो जाती है टू की पावर एन ठीक है भाई तो ये याद रखने की चीज है आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन हमने करा अब हम छोटा सा कॉन्सेप्ट एक एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम इन एन फैक्टोरियल करेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए अगेन बड़ी काम की चीज एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम इन एन फैक्टोरियल मतलब कि मान लीजिए आपको कोई दे देता है कि यार हंड्रेड फैक्टोरियल है अब हंड्रेड फैक्टोरियल की वैल्यू तो निकालना मतलब पॉसिबल तो है बट बहुत बड़ी आ जाएगी इट इज गोइंग टू बी वैल्यू तो हम क्या करेंगे हम इसमें आपसे पूछ ही नहीं रहे हंड्रेड फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ हम बोल रहे हैं कि यार इसमें एक प्राइम नंबर कोई भी उठा लो टू ले लो थ्री ले लो फाइव ले लो उसकी कितनी पावर आएंगी समझे क्वेश्चन क्या है एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल मान लो मैं आपसे पूछता हूं हंड्रेड फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं फैक्टराइज करके उसमें टू की कितनी पावर आएंगी या थ्री की कितनी पावर आएंगी या फाइव की कितनी पावर सेवन की पावर इलेवन की पावर कोई भी प्राइम नंबर की कितनी पावर्स आएंगी तो इसका बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है देखो मान लो इसमें मैं आपसे पूछ लू एक्सपोनेंट ऑफ फाइव या कोई भी प्राइम नंबर राइट तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंट जो होती है वो होती है एन बाय का ग्रेटेस्ट इंटीजर जी है भाई बाई पी स्क्स्ट इंटीजियर एन बाइ पी क्यूब का सर वो तुम्हें क्वेश्चन में समझ आ जाएगा बेटा डोंट वरी एग्जाम जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कितनी टर्म लिखनी है एग्जाम्पल में लगा के दिखाता हूं जैसे मान लो यही वाला एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि भाई हंड्रेड फैक्टोरियल में पांच की निकालनी है एल्फा तो मैं क्या कह रहा हूं एन की जगह डाल दो सो प्राइम नंबर जो है पांच है तो हंड्रेड बाय फाइव का बॉक्स ले लो हंड्रेड बाय फाइव स्क्वायर ले लो पच्चीस हंड्रेड बाय फाइव क्यूब ले लो अब कहां तक लिखते जाए सर ये इन सब का आई लेना है अब तुम देखो जब भी डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ गया फाइव क्यूब क्या है न्यूमरेटर से बड़ा हो गया सौ से बड़ा हो गया एक सौ पच्चीस तो इसका जी तो जीरो बन जाएगा इनफैक्ट आगे वाले सबका जी जीरो बनेगा समझ गए नीचे क्या आ जाएगा फिर 5 की पार 4, हंड्रेड अपॉन फाइव की पार 4 क्या होता है जीरो होता है फिर से इसका मतलब सिर्फ तुम्हें दो टर्म लिखनी है सो अल्फा की वैल्यू हो गई 5 20, इसका बॉक्स बीक्स है और 25, हंड्रेड बाय पच्चीस चार तो 24 हो गई 5 की पावर 24 हो गई 5 की पावर 24 हो गई राइट जीपी नहीं है ये क्योंकि बॉक्स भी तो है कुछ लोग कह रहे हैं सर जीपी है नहीं जीपी नहीं है क्योंकि इसमें जी फंक्शन भी लगा हुआ है राइट तो आपको इसे ऐसे लर्न करना है एक और ले लेते ले ले हैं मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं ऑफ टू इन हंड्रेड फैक्टोरियल फिर से बीटा ले लेते ले ले हैं उसको तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड अपॉन फोर का बॉक्स हंड्रेड अपॉन एट का बॉक्स हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन का बॉक्स हंड्रेड अपॉन थर्टी टू जब तक नीचे वाला बड़ा नहीं होता तब तो तक लिखता जाऊंगा हंड्रेड अपॉन सिक्सटी फोर अब मुझे पता है अगले वाले में हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी एट आ जाएगा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ये वहां पर रुक गया तो बीटा की वैल्यू अब सॉल्व करता हूं फिफ्टी हंड्रेड अपॉन फोर पच्चीस हंड्रेड अपॉन एट पच्चीस बाय दो और हो गया साढ़े बारह हो गया साढ़े बारह का बॉक्स बारह हो गया राइट हंड्रेड अपॉन एट का बॉक्स भी लेना है मतलब जी आई एफ लेना है बारह हो गया अगला वाला तुम्हारा छे हो जाएगा आधा होता जा रहा है पिछले वाले से ऐसे सोचो अगला वाला तुम्हारा छे का आधा तीन हो जाएगा तीन का वो बॉक्स तो uh, वन इतना हो गया बीटा नाइंटी सेवन हो गया बीटा मतलब ये है इस क्वेश्चन का या इस कॉन्सेप्ट का कि अगर सौ फैक्टोरियल को खोल के लिखूं उसमें टू की पावर नाइन्टी सेवन दिखेगी फाइव की पावर ट्वेंटी फोर दिखेगी राइट right? टू की पावर नाइनटी सेवन फाइव की पावर ट्वेंटी फोर दिखेगी दैट इज द कॉन्सेप्ट किसी भी नंबर में निकाल सकते हैं हंड्रेड फैक्टोरियल तो एक एग्जाम्पल दे दिया हो सकता है टू हंड्रेड फैक्टोरियल फाइव हंड्रेड फैक्टोरियल कोई भी दे दें तो आप उसको लगा सकते हैं इसी चीज को देखो क्वेश्चन में भी लगा सकता हूं नंबर ऑफ जीरो बताओ एट द एंड ऑफ हंड्रेड फैक्टोरियल क्या बोल रहे हैं कि अगर हंड्रेड फैक्टोरियल को खोले तो लास्ट में कितने जीरो लगे होंगे उसमें हंड्रेड फैक्टोरियल को लिखे अगर बड़ी सी वैल्यू कुछ हो लास्ट तो में कितने जीरो हमको दिख जाएंगे जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है एक सौ बीस लास्ट में बस एक जीरो दिखता है ऐसे ही तुम बड़ा फैक्टोरियल करते जाओ हंड्रेड फैक्टोरियल में जाके लास्ट में कितने जीरो 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 तुम्हें यहां दिखेंगे दैट्स द क्वेश्चन तो अब देखो अब इसमें कुछ लोग क्या कहते हैं सर टेन का लगा दो फिर फॉर्मुला हंड्रेड बाय टेन हंड्रेड बाय टेन स्क्वायर नहीं प्लीज नोट ये जो फॉर्मूला है दैट्स ओनली फॉर अ प्राइम नंबर प्राइम के लिए ही है वो आपको सीधे अगर कोई प्राइम नॉन प्राइम के पूछ रहा है मतलब 10 की पावर्स पूछ रहा है या कोई भी नॉन प्राइम की पूछ रहा है सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा गलत हो जाएगा फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्राइम पी शुड बी अ प्राइम नंबर इसीलिए पी लिखा है पी फॉर प्राइम तो अब क्या करेंगे सर देखो भाई टेन को तुम ब्रेक कर लो टू इंटू फाइव 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हो ना तो अब मुझे एक बात पता है कि भाई फैक्टोरियल में की 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 पावर तो 97, की पावर की पावर पावर तो तो आई 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 थी 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 और और अभी निकाली अब मतलब कितनी बार टेन बनेगा सोचो फाइव और टू के कितने पेयर बन जाएंगे चौबीस बन जाएंगे सर क्योंकि चौबीस बार पांच टेन बनेगा और तो कभी टेन बन नहीं सकता मतलब इस बार आपको जितनी फाइव की पावर्स थी टेन की पावर्स हो जाएंगी ट्वेंटी फोर हो जाएगा आंसर क्योंकि टू और फाइव के जो चौबीस पेयर बनेंगे राइट right? टू और फाइव के ट्वेंटी फोर पेयर बन जाएंगे जल्दी से बताइए क्या यह बात क्लियर हो गई है आपको ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ जीरो ऐसे इस बात को ध्यान रखेंगे किसी भी प्राइम में ही ये फॉर्मूला लगाना है प्राइम में ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है अगर नॉन प्राइम है उसे फैक्टराइज कर लो मान लो कोई आपको बोलता है 200 फैक्टोरियल में कितनी पावर होंगी 80 की तो आप पहले बीटा 80 को प्राइम फैक्टराइज करिए उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअली प्राइम नंबर्स की निकाल के फिर आप बताइए कि क्या होगी राइट सर प्लीज टेल हाउ टू तो अवॉइड सिली मिस्टेक बेटा सिली मिस्टेक तो ऐसी चीज है जो हमसे भी होती है बट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे रिफाइन होता जाएगा उतना उतनी आपसे कम होगी सिली मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स यार अवॉइड करने का एक ही तरीका क्या बोलूं सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस बढ़ानी है चलो भाई आगे बढ़ेंगे फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ऑफ ग्रुप्स 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 पर आते हैं जल्दी से ग्रुप्स पढ़ेंगे हम अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं तो ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है मान लो कि तुम्हारे पास 20 चीजें हैं ट्वेंटी थिंग्स राइट 20 थिंग्स है तुम चाहते हो यार इसको मैं दस या दस तो छोड़ो पंद्रह और पांच के ग्रुप में बांट दू पंद्रह और पांच के ग्रुप में डिवाइड कर दू पंद्रह और पांच के ग्रुप में डिवाइड कर दू मतलब कि तुम चाहते हो कि यार बीस चीजें लिखिए पंद्रह एक साथ हो जाए पांच एक साथ हो जाए दिस इज कॉल्ड डिवाइडिंग इन टू ग्रुप्स डिविजन ऑफ ग्रुप्स इसको बोलते हैं राइट कुछ भी हो सकता है दस दस के भी मैं बना सकता था बीस के दो ग्रुप बना सकता था दस दस के ठीक है या ये भी कर सकता था कि मैं बीस के तीन ग्रुप बना सकता था आठ आठ और चार का कि भाई बीस की और चीजें हैं उनको छ बीस की और चीजें हैं उनको छ आठ आठ सोलह और एक चार तीन ग्रुप में बांटो कि एक ग्रुप में आठ जाए दूसरे ग्रुप में भी आठ तीसरे ग्रुप में चार चीजें जाए तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इसको बोलते हैं अब तो ग्रुप्स में कैसे फॉर्म करते हैं देखो ध्यान से सुनो बहुत ईजी तरीका है सबसे पहले तो अगर आपने नोटिस किया हो इसमें जो नंबर है वो अनईक्वल है पंद्रह और पांच अन है तो आपको क्या करना होता है सीधे सीधे नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वो हो जाते हैं ट्वेंटी फैक्टोरियल अपॉन फिफ्टीन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल राइट सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे 15 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल जब अन-इक्वल नंबर हो सो जनरलाइज कर देता हूं अगर एम प्लस एन ऑब्जेक्ट है और उसको दो ग्रुप में बांटना है एम और एन के एम इज नॉट इक्वल टू एन तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएंगे एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल राइट दिस इज हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्मड ओके अगर 10 10 का है मान लो 20 है और 10 10 का है तब ध्यान से सुनना सेम लॉजिक वही वाला लग जाएगा बस एक चीज एक्स्ट्रा होगी एक टू फैक्टोरियल से बेटा डिवाइड भी हो जाएगा एक टू फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा क्योंकि दो इक्वल ग्रुप्स है बहुत इंपॉर्टेंट जितने इक्वल ग्रुप्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है यहां पे दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें बराबर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गए हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी फॉर्मड तो आएगा उसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना यहां कोई टू फैक्टोरियल नहीं आया था क्योंकि नंबर थे तो अब मैं यहां पर भी मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि M was not equal to N. मान लो टू एन हैं और उसको दो N, बनाने N दो ग्रुप्स, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल ग्रुप्स इक्वल है वो भी आ जाएगा राइट अब तुम समझ गए यही बात अगर मैं तीन ग्रुप्स के लिए कर दूं मान लो थ्री एन फैक्टोरियल थ्री एन ऑब्जेक्ट ले लिया और एन 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 तीन इक्वल ग्रुप्स में बांट दिया तो नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल तीन बार आएगा और क्योंकि थ्री इक्वल ग्रुप्स हैं इस बार कितने इक्वल ग्रुप्स हैं थ्री थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड होगा तो बस इतना सा याद रख लो यार कि जितने भी ग्रुप्स जितने भी इक्वल ग्रुप्स होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं क्यों करते हैं क्यों नहीं उसके लिए बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा तुम्हें अभी जरूरत नहीं है वन शॉट में हम कर रहे हैं क्योंकि उसमें चले गए तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना आपको बस ये याद रखना है जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उतने आपको फैक्टोरियल से डिवाइड तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है प्लीज नोट इसमें सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी आप ये फंडे लगा सकते हैं मतलब कोई भी अलाइक नहीं होने चाहिए ये बीस की बीस चीजें कैसी हैं अलग अलग चीजें हैं अब इसको करते हैं जरा बीस को आठ आठ चार में तो बीस फैक्टोरियल एक आठ फैक्टोरियल इसका एक आठ फैक्टोरियल इसका एक चार फैक्टोरियल और क्योंकि अब दो ग्रुप इक्वल है तो टू फैक्टोरियल से ही डिवाइड करोगे बस टू से ही डिवाइड करोगे राइट बस इतना सा याद रख लो यार ग्रुप्स में जितने इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं हम जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिए बीस ऑब्जेक्ट्स फिर से बीस का ही ले लेते हैं दो 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 और एक में पांच एक में और पांच हो गए ना बीस पांच पांच दस और दस बीस तो बीस ऑब्जेक्ट्स को अब मैंने दो तीन जगह नहीं बांटा एक दो तीन चार पांच छ सात ग्रुप्स में डिवाइड किया बीस चॉकलेट्स हैं मेरे पास अलग अलग मैंने उनको सात ग्रुप में डिवाइड किया एक जगह पांच एक जगह पांच एक दो दो के दो दो के बंडल बनाए तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल बेटा पहले की तरह टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो जाएंगे पहले तो 20 फैक्टोरियल लिखोगे ही ये सारे फैक्टोरियल तो आएंगे ही आएंगे 2 फैक्टोरियल की पावर 5 आएगी क्योंकि पांच बार है 5 फैक्टोरियल की पावर 2 आएगी क्योंकि दो बार था और एक और समस्या है कि सर यहां पांच आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो एक 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा क्योंकि पांच ग्रुप्स सेम है और यहां टू नंबर भी सेम है फाइव फाइव तो एक टू फैक्टोरियल और आएगा समझ गए भाई ऐसे आपको क्या करना है ग्रुप्स में डिवाइड करना है इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करना है मान लो कि आपके पास चौबीस ऑब्जेक्ट होते ट्वेल्व हो गए और थ्री 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 ऐसे कुछ राइट चौबीस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको फिर से चार दो छह ग्रुप्स में डिवाइड किया क्या आ जाएगा अब आंसर ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल का होल स्क्वायर थ्री फैक्टोरियल की होल पावर फोर क्योंकि चार बार है और डिवाइड अब किससे होगा सोचो क्योंकि सर ये दोनों इक्वल ग्रुप्स हैं तो एक टू फैक्टोरियल से और ये चार इक्वल है तो फोर फैक्टोरियल से दिस इज नंबर ऑफ ग्रुप्स इस तरह से आपके ग्रुप्स बनते हैं बेटा इस तरह से ग्रुप्स बनते हैं <coughs> इस तरह से ग्रुप्स बन जाते हैं अब रीजन में मत जाओ यार ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं और अगर अलग अलग होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास मान लो मान लो बारह ऑब्जेक्ट ले लेता हूं एक में पांच आ रहे हैं एक में तीन एक में चार ऐसा कुछ है राइट तो आप सीधे कर देंगे बारह फैक्टोरियल अपॉन पांच फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स में कोई भी सेम नहीं है इसलिए हमारा कोई भी फैक्टोरियल एक्स्ट्रा नहीं आया इस तरह से आपको ग्रुप्स करने हैं तो मैंने बेटा अब इसके ऊपर एक थ्योरम बना दिए देखो सीधे सीधे आपके नोट्स के लिए एम प्लस एन ऑब्जेक्ट एम इज नॉट इक्वल टू एन तो ये होगा डिवीजन इन टू ग्रुप्स प्लीज नोट डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग है एक है कि हमने डिवाइड कर दिया भाई हमारे पास चीजें हैं हमने एक जगह पंद्रह एक जगह पांच डिवाइड करके रख ली अब मेरे पास मान लो बीस बुक्स हैं एक जगह मैंने पंद्रह रख ली एक जगह पांच की गड्डी बना ली अब मैं किस बच्चे को कौन सी दे रहा हूं दो बच्चों में मैं बांटना भी चाहता हूं तो इंटू टू फैक्टोरियल हो जाएगा ना तो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक टू फैक्टोरियल और आ जाएगा क्योंकि हो सकता है आपने वो पंद्रह वाला बंडल एक्स स्टूडेंट को दिया हो या वो पांच वाला बंडल एक्स को दिया और वाई को आपने पंद्रह वाला दिया हो तो दो तरीके से अब आप ये समझ लो आपके दो बंडल्स बन गए बीस चीजें नहीं है एक पंद्रह का बंडल एक पांच का अब आपको उनको दो जनों को देना है तो टू फैक्टोरियल तरह से डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हो डिवाइड करना ग्रुप को और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफरेंट चीजें हैं डिवाइड मैंने अभी जो तुम्हें बताया वो सब क्या बताया डिवीजन के बारे में बताया अब बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई मान लीजिए जो दो पैकेट बन गए पंद्रह और पांच के इन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो यहां एक इंटू टू फैक्टोरियल और चिपका देना मान लीजिए ये बीस चीजें आठ आठ चार के पैकेट बन गए तो तीन लोगों में अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे नेचुरली इंटू थ्री फैक्टोरियल कर देंगे अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है राइट ये केयरफुल याद रखना अपने को कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में वो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवीजन में यहां पे फैक्टोरियल आया क्योंकि एन, एन के दो इक्वल ग्रुप्स थे इसलिए ऐसा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन में वापस एक टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होकर वो नीचे वाला कट जाएगा बेटा इसमें थ्योरम अब तीन ग्रुप्स में बांट रहे हैं एम एन पी तीनों में से कोई इक्वल नहीं है ऑब्वियसली ऐसा और अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्योंकि अब तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा राइट सर कुछ क्वेश्चन देख के ही डर लगता है हरी बोल रहे हैं देख के तो बेटा होता है बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कई बार क्वेश्चंस को देख के डर लग जाता है पढ़ने में बड़ा डर लग होता है कि यार पता नहीं क्या लैंग्वेज पूछ ली अजीब सी देखो मैं तो उसमें एक ही चीज सोचता हूं अगर तुम देखते ही डर जाओगे तो क्या होगा मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तब भी तुम वर्स्ट केस में यही होगा कि नहीं होगा बट अगर तुम देखते ही डर जाओगे तो, तो वैसे ही नहीं होगा ना क्वेश्चन तो अपने को लड़ना तो है ही ना ट्राई तो करना ही है डर किस बात का भाई अगर वर्स्ट केस में क्या होगा नहीं होगा और अगर तुम पहले से डर गए तब भी नहीं होगा तो भाई इसलिए इससे बेटर ये नहीं है कि हम क्वेश्चन ढंग से पढ़े ट्राई करें और फिर हार माने ना नहीं होगा तो वही बेटर है कि कम से कम ट्राई तो करके फिर हार माने मतलब पहले से ही हार मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए बेटा ट्राई तो पूरा करना है सर दस मिनट ब्रेक बस बेटा इसके बाद ब्रेक लेंगे सेवन थर्टी के अराउंड हम लोग ब्रेक करेंगे तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें पंद्रह मिनट का ब्रेक देंगे दस का नहीं पंद्रह का देंगे तो बहुत ज्यादा आप अपना बचा नहीं है मेन मेन चीजें हमने कर ली है हाँ चार पांच चीजें और मेन बची हैं बट हो जाएगा हमारा टाइम से हाँ, जो डर गया वो मर गया सही कह रहे हो तो थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में बस इतना है और क्योंकि अब एन 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 के ग्रुप थे तो एक डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल भी किया क्योंकि तीनों ग्रुप इस बार इक्वल बन गए थे चलो अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है क्वेश्चन ये बन सकता है अब हम जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो एनसीआरटी में कुछ नहीं दिए सब एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं ग्रुप्स वगैरह एनसीआरटी में नहीं है छे डिस्टिंक्ट बॉल्स को चार बॉक्सेस में बांटना है सिक्स डिस्टिंग बॉल्स को चार बॉक्सेस में बांटना है सच दैट नो बॉक्सिस एम कोई बॉक्स खाली ना रहे क्या चाहते हैं भाई छह अलग अलग बॉक्स बॉल्स को छह बॉल्स डिफरेंट चार बॉक्सेस में बांटो तो ग्रुप्स बनाएंगे देखो क्योंकि भाई किस में कितनी गई ये इंपॉर्टेंट है तो पहले हम छे का क्या क्या ग्रुप बना सकते हैं सर वन 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 और थ्री एक ग्रुप तो ये पॉसिबल है कि जो छह बॉल है उसको आपने चार ग्रुप में डिवाइड किया क्योंकि चार बॉक्स में उन्हें भेजना है अल्टीमेटली वन 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 थ्री कई बार ये पूछते हैं कि सर ग्रुप्स लगेगा हमें कैसे पता तो बेटा देखो जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स में लिख लेना डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अलग अलग चीजें बांटनी है कि भाई दस टॉयज हैं पांच बच्चों में बांटो कभी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बांटना है डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुप्स लग जाएगा वहां पर ग्रुप्स का बड़ा काम आएगा तो भाई छह चीजों को मैंने वन 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 थ्री के ग्रुप में कर दिया क्योंकि हमें चाहिए कि भाई कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए जीरो कहीं नहीं आएगा और क्या हो सकता है सर वही वाली चीज करेंगे हम कि इस थ्री का एक उठा के उसे दे देंगे तो वन वन और टू टू हो जाएगा वन वन टू टू का एक ग्रुप बन सकता है बताइए और कोई ग्रुप बन सकता है या इसका और कोई ग्रुप बन सकता है जल्दी बताइए तीन वन एक थ्री ले लिया और वन वन टू टू अब जैसे ही टू की कोई वैल्यू दोगे तो ये वन बन जाएगा ना अल्टीमेटली नंबर ऑफ वन तुम्हारे कम नहीं होंगे तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं ग्रुप्स फॉर्म करने की यही दो पॉसिबिलिटीज हैं ग्रुप्स फॉर्म करने की अब करते हैं इसको सॉल्व इसका आंसर क्या आएगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन वन 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 फैक्टोरियल तीन बार आएगा और थ्री फैक्टोरियल आएगा और एक थ्री फैक्टोरियल और आएगा बिकॉज तीन इक्वल ग्रुप्स हैं तो एक थ्री फैक्टोरियल और आ गया राइट ये क्या हो गया छह चीजों को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है हमने डिवाइड किया है राइट अब क्या करेंगे बट हमें तो भाई चार बॉक्सेस में बांटना है हो सकता अब डिवाइड के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना क्योंकि कौन सा किस बॉक्स में गया ये तीन वाले कहां गए बी में गए बी में गए बी में तो यानी इन चार चीजों को फोर फैक्टोरियल तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है क्योंकि चार पैकेट बन गए अब आपको चार अलग अलग जगह उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इन टू फोर फैक्टोरियल भी आ जाएगा और प्लस करेंगे सेकेंड केस सेकेंड केस अब तुम बताओ जल्दी से सेकेंड केस क्या होगा सर सिक्स फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल का तो होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल का भी होल स्क्वायर और दो इक्वल ग्रुप ये तो ये तो दो बार दो फैक्टोरियल और आ जाएगा और इन टू फोर फैक्टोरियल हो जाएगा आई बात समझ में जितने इक्वल ग्रुप्स उन्हें सर्कल में कर देता हूं यहां थ्री फैक्टोरियल आया क्योंकि तीन इक्वल ग्रुप्स दो फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल आए क्योंकि दो इक्वल ग्रुप्स दो बार आए क्लियर है भाई तो अब इनके आंसर्स निकाल के ऐड करने हैं थोड़ी सी मेहनत का काम है मतलब उतनी भी कैलकुलेशन नहीं है जल्दी से निकालो क्या आएगा ये आ जाएगा सर फोर थ्री फैक्टोरियल तो कटेगा 6, 5, 4, ये भी थ्री फैक्टोरियल कट गया और एक फोर और होगा नीचे वन हो गया थ्री फैक्टोरियल दोनों तो से काट दिया मैंने राइट इसमें से क्या होगा सर सिक्स फैक्टोरियल इन एक फोर कटा फोर थ्री टू अपॉन ये है फोर इंटू फोर ये फोर ये फोर कटा सिक्स फैक्टोरियल होता है सात सौ बीस इंटू थ्री इंटू टू अपॉन फोर थ्री सिक्सटी इंटू थ्री दिस प्लस दिस आंसर हो जाएगा जल्दी से निकाल लो दिस प्लस दिस क्या हो रहा है फाइनल आंसर दोनों को बेटा ऐड करके निकाल लीजिए चित्तरंजन बोल रहे हैं वन फाइव सिक्स जीरो सिमरन भी कह रहे हैं वन फाइव सिक्स जीरो अनाविल भी कह रहे हैं गर्वित बेटा गलत हो गया वन फाइव सिक्स जीरो आई थिंक इसका सही आता है वन फाइव सिक्स जीरो आ जाएगा चेक कर लीजिए एक बार राइट right? तो ये हो गया ग्रुप्स का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन चलो अब हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा फॉर जेई मेन्स एज वेल एज एडवांस ध्यान देगी अब सब लोग साथ में आ जाइए एक बार वन फाइव सिक्स जीरो बिल्कुल ठीक आया है बेटा पिछले वाले का ग्रेट सर लास्ट में फोर फैक्टोरियल क्यों किया आप कोई पूछ रहा है बेटा क्योंकि चार बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ये फर्क समझो कि डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है सर क्योंकि भाई अब ये तुमने बंडल तो बना दिया आप ये सोचो आपने पैकेट बना दिए छह बॉल्स के एक एक, एक एक और तीन का पैकेट अब वो कौन सा किसके पास गया ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि चार बॉक्सेस हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर कि भाई ये वाली वन जो बॉल है वो इस पे गई किस पे गई या थ्री वाली किस पे गई किसी पे भी जा सकते हैं सो डिवीजन के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटा करना पड़ेगा इसलिए आया चलो जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको करते हैं फिर हम आएंगे बेटा फिर ब्रेक लेंगे राइट दस पंद्रह मिनट का कॉन्सेप्ट है जल्दी से देख लीजिए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट अब होगा क्या बेटा इसमें नाम से समझ आ रहा है केयरफुली सुनना भाई दस पंद्रह मिनट दे दो बस केयरफुली सुनो और उसके बाद ब्रेक लेके आराम से डिनर वगैरह कर लेना फिर ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो बेटा एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है किसमें से एन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट में से मतलब एन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं एन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो एन ऑब्जेक्ट क्या क्या है मान लो टी वन टी टू थ्री टी फोर थिंग ले लिया एन अलग अलग थिंग्स हैं टी एन अल एन अलग अलग चीजें हैं मेरे पास और मुझे क्या करना है कम से कम एक सेलेक्ट करना है कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो सर क्या करेंगे भाई देखो सबसे पहले तो इस चीज को तो तुम दो तरह से कर सकते हो एक्चुअली कि आप क्या कर सकते हो पहले तो ये मान लो कि एक चीज सेलेक्ट करी एनसी वन तरह से एक चीज सेलेक्ट करी या फिर एन सी टू तरह से दो करी और एनसी थ्री तरह से तीन करी या फिर एन की एन कर ली क्योंकि हम चाहते हैं एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो जाए एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो जाए तो सर आप एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस थ्री अप टू एनसीएन कर लीजिए मनोज बेटा ब्रेक कर लेंगे अभी मैंने बताया ना आपको दस पंद्रह मिनट बस आप केयरफुली सुन लो उसके बाद हम ब्रेक करेंगे राइट तो एनसी वन प्लस एन टू प्लस एनसी थ्री अपू एन सी एन का सम हमें दे देगा सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट और इसका थ्योरम होता है में शायद तुमने पढ़ा हो टू की पावर एन माइनस वन होता है क्योंकि एन सी जीरो मिसिंग है टू की पावर एन माइनस वन तो ये हो गया एक तरीका एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कम से कम एक एटलीस्ट एक सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका मेथड टू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड टू देखो अब मैं डायरेक्ट इसके पास आ जाऊंगा टू की पार एन माइनस वन ध्यान से सुनना फर्स्ट थिंग जो है उसको या तो आप लोगे या नहीं लोगे दो ही चीजें हो सकती हैं आइदर यू आर गोइंग टू टेक दैट t1 क्योंकि आपको कम से कम एक चीज लेनी है एटलीस्ट वन या तो इसको लिया होगा या नहीं लिया होगा और तीसरा क्या करोगे ऐसा तो हो नहीं सकता आधा ले लिया आधा फेंक दिया या तो लिया या नहीं लिया टू पॉसिबिलिटी सिमिलरली टी टू के साथ भी टू पॉसिबिलिटीज आई तो यू विल टेक इट और यू विल डोंट टेक इट नॉट टेक सिमिलरली टी थ्री के साथ भी दो पॉसिबिलिटी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा देता हूं सिमिलरली टी एन के साथ भी दो पॉसिबिलिटी या तो टेक या फिर डोंट टेक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहेगा क्योंकि टू इंटू टू इंटू टू टू की पावर एन हो जाना चाहिए बट माइनस वन क्यों करना है क्योंकि एक सिनेरियो ऐसा होगा एक केस ऐसा होगा जब इसको भी डोंट टेक इसको भी डोंट टेक सभी को तुमने डोंट टेक डोंट टेक डोंट टेक कर दिया होगा तो एक ही सिनेरियो होगा ऐसा सभी को डोंट टेक अब सभी को डोंट टेक कर दिया तो कितनी सिलेक्ट हुई एक भी सिलेक्ट नहीं हुई ना सभी को तुमने कहा यार हम नहीं ले रहे हम नहीं ले रहे सभी को रिजेक्ट करे जा रहे हो एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ मतलब हमें तो एक चाहिए था कम से कम एक चाहिए था इसका मतलब वो एक केस माइनस कर दिया जब कोई सेलेक्ट नहीं हुआ तो टू की पावर एन माइनस वन इस तरह से भी पहुंच सकते थे अब मुझे पता है तुम्हें फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी लगा होगा समझना क्योंकि ये थ्योरम है है इजी लगता है बट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में यह लगेगा कि नंबर ऑफ वेज टू डील विद डिस्टिंग ऑब्जेक्ट टू की पावर एन टेक डोंट टेक टेक डोंट टेक और माइनस क्यों किया कि क्योंकि उसमें सभी को जब डोंट टेक कर दिया होगा तो एक भी चीज सेलेक्ट नहीं हुई बट हम तो चाहते हैं एक तो एक ना एक तो हो जाए कम से कम वो एक वन माइनस कर दिया राइट तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मेथड टू हमने कर लिया तो बेसिकली अगर अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंट ऑब्जेक्ट में से अगर आपको एक चीज सेलेक्ट करनी है तो टू की पावर एन माइनस होती है और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन 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 डिस्टिंग ऑब्जेक्ट टू की पावर एन टू की पावर एन और माइनस वन वो हमने किया क्योंकि हमें कम से कम से एक चाहिए था हम डील करना है तो की पावर एन तरीके हैं माइनस वन कर दिया अगर कम से कम एक चाहिए था राइट तो इस स्टेटमेंट को याद करिए कि अगर अलग अलग चीजें हैं तो उनको टू की पार एन तरीके से डील कर सकते हैं वही वाली बात हो गई ना सेट में सबसेट्स वाली चीज ही तो हो गई कि भाई हर एक सेट में एन एलिट एक सेट में एन एलिमेंट है तो कितने सब्जेक्ट सबसेट बनेंगे पहले एलिमेंट को या तो लिया होगा नहीं लिया होगा लिया होगा नहीं लिया होगा टू की पावर एन उसमें से माइनस वन नहीं किया था नंबर ऑफ सबसेट में माइनस वन नहीं किया क्यों नहीं किया सर क्योंकि अगर कोई नहीं लिया तब भी आपका सबसेट तो बनी जाएगा फाय क्योंकि फाये तो हर एक का सबसेट होता है सेट में तो वो चीज थी बट एलिमेंट अगर कम से कम एक चाहिए टू की पार एन माइनस वन लेंगे राइट ये बात आपको याद रखनी है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्लीज नोट पहला केस क्या था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सारी की सारी चीजें जो थी डिस्टिंक्ट है अलग अलग हैं अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं फिर हम आइडेंटिकल वाला केस भी पढ़ के फिर ब्रेक ले लेंगे राइट कोई कह रहा है सर कैन यू प्लीज रिपीट प्रिया कह रही है सेकेंड मेथड बेटा सेकेंड मेथड में कुछ नहीं है हर एक चीज के साथ डील करने के दो तरीके आइदर यू टेक डोंट टेक फर्स्ट चीज को लिया होगा या नहीं लिया होगा दूसरी को लिया नहीं लिया तो दो तरीके दो तरीके दो तरीके टू 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 मल्टीप्लाई होते गए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की वजह से टू की पावर एन आ जाएगा क्योंकि टू 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 मल्टीप्लाई होंगे और माइनस वन क्यों किया क्योंकि जब इसको भी डोंट टेक इसको भी डोंट टेक सभी को डोंट टेक कर दिया कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो एक केस ऐसा होगा जिसमें सबको डोंट टेक डोंट टेक करते गए हम वो एक केस माइनस कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं एक ना एक तो सेलेक्ट हो ही जाए कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए राइट <coughs> right? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इसके ऊपर एक और आपको क्लियर हो जाएगा इन अ लाइब्रेरी फोर डिफरेंट फिजिक्स बुक्स फाइव डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स तो तुम्हें तो तुम्हारे से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया है चार डिफरेंट फिजिक्स बुक्स हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी वन सी टू सी थ्री सी फाइव पांच डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स हैं डिफरेंट मैथ्स बुक हैं, डिफरेंट है भाई सारी ओहो डिफरेंट मैथ्स बुक है तो अब बताइए कितनी तरह से हम कम से कम एक बुक सेलेक्ट कर लें एटलीस्ट वन बुक तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला लग जाएगा कि कितनी डिफरेंट बुक्स हो गई तो ये, पांच ये और छह चार दस पंद्रह हो गई तो टू की पावर पंद्रह माइनस वन टू की पावर पंद्रह माइनस वन हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन बुक ठीक है तो मैंने इसका देखो तुम्हें प्रूफ बताया ग्रुप्स का नहीं बताया ग्रुप्स की जरूरत नहीं थी बट इसका प्रूफ की जरूरत पड़ेगी इसलिए बताया तुमको राइट अब जल्दी से सेकेंड पार्ट करो थोड़ा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि हमें कितनी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट की कम से कम एक किताब जरूर लेनी है अभी तक क्या था कि कम से कम एक किताब ले लो कम से कम एक ले लो मतलब तुमने चाहे फिजिक्स की भी ले लियो तुम्हें मैथ्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती फिजिक्स की लेके चले गए बट अब तुम्हें ये नहीं करना अब तुम्हें क्या करना है हर सब्जेक्ट की कम से कम एक एक किताब तो रखनी है तो अब इंडिविजुअली सोचते हैं कि भाई फिजिक्स के साथ डील करने के कितने तरीके हैं चार किताबें हैं फिजिक्स की तो टू की पावर फोर माइनस वन बट क्योंकि मुझे फिजिक्स तो एक चाहिए फिजिक्स तो कम से कम एक लेने का तरीका हो गया टू की पावर फोर माइनस वन इंडिविजुअली लगा दो मेथड फिजिक्स कम से कम एक लेनी है टू की पावर फोर माइनस वन टेक डोंट टेक टेक डोंट टेक बट सभी जब फिजिक्स डोंट टेक करी होंगी वो माइनस कर दिया एंड सबकी चाहिए एंड मल्टीप्लाई मैथ्स की टू की पावर केमिस्ट्री की हो गई की पावर वन तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट की किताब आ जाएगी अब इसमें इंश्योर हो जाएगा ना क्योंकि आपने अंदर ही माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर दिए <coughs> इसलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन बुक हो गया ऑफ ईच सब्जेक्ट अब आ जाओ एटलीस्ट टू बुक्स अब तुम चाहते हो कम से कम दो किताबें सेलेक्ट हो बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूं देखो अब तुम्हें अगर दो किताबें चाहिए इधर सुधू तो अब तुम्हारा ये वाला पार्ट चाहिए बेसिकली आंसर का तुम्हें ये वाला पार्ट चाहिए कम से कम दो कम से कम एक में एनसी वन से शुरू कर दिया कम से कम दो में एनसी टू से करोगे एन सी वन को भी उठा के उधर ले जाके माइनस कर देना तो एटलीस्ट टू का आंसर हो जाएगा तो देखो लॉजिक इसलिए इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट टू का आंसर हो जाता टू की पार एन माइनस वन और माइनस एन सी वन वो तो एन होता है ये हो जाता राइट एटलीस्ट दो किताबें सर इसलिए प्रूफ बताया था क्योंकि बेटा ये छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकते हैं यहां पे टू की पार एन माइनस वन में एन माइनस और हो जाएगा ताकि हम ये निकाल लें कम से कम दो कलेक्ट हो जाए ये वाली भी टर्म उधर ले गए तो अब सोचो एटलीस्ट टू बुक्स का हो जाएगा टू की पार फिफ्टीन माइनस वन इसमें से माइनस फिफ्टीन और कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टू की पार फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन टू की पावर फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन हो गया बेटा राइट right? अब तुम तो अगर समझ गए तो डी पार्ट जल्दी से बता दो जल्दी से डी पार्ट बता दो एटलीस्ट टू बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट की अब दो दो किताबें तो चाहिए चाहिए अब तो समझ गए हो गए आई थिंक टू की पावर फोर माइनस वन जो किया था उसमें से चार और माइनस कर दो ताकि एक वाला भी माइनस हो गया कम से कम दो आने लगेंगी ऐसा कुछ हो गया राइट हो जाएगा ये टू की पावर फोर माइनस फाइव टू की पावर फाइव माइनस सिक्स पार सिक्स माइनस सेवन का प्रोडक्ट मैं सबको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो तुम निकाल ही लोगे आंसर मैं तुम्हें सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं एग्जैक्टली exactly दो बुक्स एक्सैक्टली दो अब देखो यार सिर्फ दो ही किताबें चाहिए तो एनसीआर एनसी टू लगा देता हूं ना कितनी बुक्स है मेरे पास पंद्रह बुक्स है फिफ्टीन सी टू हो जाएगा एग्जैक्टली टू बुक्स के लिए फिफ्टीन सी टू हो जाएगा एग्जैक्टली टू बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स की भी दो फोर सी टू एंड केमिस्ट्री की भी दो एंड मैथ्स की भी दो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्टली exactly दो दो बुक हर सब्जेक्ट की मिल जाएंगे तो बहुत ईजी था खैर लास्ट के दो तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे इंपॉर्टेंट है शुरू के चार एग्जैक्टली exactly दो बुक्स चाहिए हर सब्जेक्ट की तो भाई भारीटू तरह से फिजिक्स की दो आ गई फाइव सीट तरह से केमिस्ट्री की दो आ गई और सिक्स सीटू तरह से मैथ्स की दो आ गई राइट चलिए अब ये तो उतना मुश्किल था नहीं तुम सोच रहे हो कि सर ये तो ज्यादा टफ नहीं है बिल्कुल ठीक बात है जो थोड़ा सा टफ ज्यादा है वो है बेटा आपका <coughs> जब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं अब ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें हो जाती है गड़बड़ इसमें हो जाती है गड़बड़ <coughs> केयरफुली सुनिए रिपीट डी पार्ट सर तो बेटा डी में क्या है दो बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट जो इसमें लगाया वही हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कर दिया भाई मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स में टू की पार फोर माइनस वन में फोर और माइनस कर दिया फोर सी वन बेसिकली फाइव सी वन और माइनस कर दिया सिक्स सी वन और माइनस कर दिया राइट चलिए जो रूट कह रहे हैं सर आपकी लगे रहने वाली लाइन ने मुझे छब्बीस परसेंटाइल से नाइनटी फोर परसेंट तक लेके आ गया बहुत अच्छी बात है बेटा देखो फैक्ट ये है लाइफ का अगर लाइफ में गिवअप करना तो बहुत ईजी है किसी भी चीज में अगर आप लगे रहेंगे जितना भी हो पा रहा है उतना करके तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा और सेकेंड अप्रैल अटेम्प्ट में बेटा तुम हंड्रेड परसेंट नाइनटी नाइन प्लस परसेंट आए लाओगे अगर तुम इसी तरह से लगे रहे तो चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से सेकेंड केस पर आते हैं जब बेटा एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे अब ध्यान से सुन लो देखो मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहे हो ब्रेक का टाइम आ रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पांच मिनट ध्यान से सुनिए अब क्या है ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है जो टी वन टी टू टी थ्री थे अब टी T... टी है सारे के सारे टी हैं तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई एक बात बताओ इनमें से एक बॉल कि... पहले तो क्या था एक बॉल सेलेक्ट करने का एनसी वन तरीके थे अब ध्यान से सुनना बहुत केयरफुली सुनना तुम्हारे पास एक जैसी एक जैसी दस बॉल पड़ी है घर में अब कलर भी सेम साइज भी बिल्कुल सेम है एक जैसी दस बॉल है तो मैं मैं बोलूंगा यार एक बॉल सेलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हो एक बॉल सेलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हो तो आंसर दस नहीं होगा टेनसी वन नहीं होगा एक ही तरीका होगा इत नंबर ऑफ वेज टू तो सेलेक्ट वन बॉल फ्रॉम टेन आइडेंटिकल बॉल इज जस्ट वन वे कोई सी भी उठा लो यार क्योंकि सारी आइडेंटिकल है एक जैसी दिख रही है आपको अगर एक सेलेक्ट करनी है तो इस बार पहले क्या आया था एनसी वन आया था क्योंकि सारी बॉल अलग थी अब एक ही तरीका आएगा एक बॉल सेलेक्ट करने का क्योंकि सारी एक जैसी है यार कोई सी भी उठा लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं तुम्हारे पास पीडब्ल्यू के जब मॉड्यूल लेते हो ऑफलाइन में चलो तो तुम्हारे पास सौ एक जैसे मॉड्यूल पड़े हैं तुम्हें एक चाहिए कोई सा भी कितनी तरह से ले सकते हो एक ही तरीका ना कोई सा भी उठा लो क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है तुम्हें कुछ अलग नहीं मिलने वाला दैट इज वॉट आई मीन वेन यू से दैट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एक सेलेक्ट करने का एक तरीका है अब दो सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं सोचो दस आइडेंटिकल मॉड्यूल पड़े हैं मैं तुमसे बोलता हूं दो सेलेक्ट करके बताओ तो एनसी नहीं होंगे एक ही तरीका होगा कोई से भी दो उठा लो यार क्योंकि सारे के सारे क्या है सेम है सर सा, सारे के सारे सेम है तो वन वे एक ही तरीका है दो सेलेक्ट करने के भी राइट एंड सिमिलरली तीन सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका कोई से भी तीन उठा लो सारे एक जैसे हैं हमारे घर में सौ एक जैसी बॉल्स पड़ी हैं तुम तीन सेलेक्ट करना चाहते हो एक ही तरीका है कोई से भी तीन उठा लो तो सा, सारी की सारी आइडेंटिकल है सिमिलरली चार का भी एक ही तरीका एन का भी एक तरीका तो वन 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 एन वेज हो जाएंगे तरीके हो जाएंगे तो जो पहले टू की पावर एन माइनस वन आया था अब वो एन आया है आइडेंटिकल के, के केस में क्या आया है वो एन आया है तो ऐसे सोचो अगर फाइव आइडेंटिकल बॉल्स है फाइव या तो तुम एक भी नहीं लेते हाँ मतलब मुझे पता है इसमें अलाउड नहीं है इसमें एक तो अलाउड है बट वैसे बोल रहा हूं या तो आप एक भी नहीं लेते या टेक वन, या या टेक थ्री या चारों ले लेते या पांचों ले लेते नंबर ऑफ़ वेज टू डील थ फाइव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज जस्ट सिक्स वेज कि आपने या तो एक नहीं लिया होता एक दो तीन चार पांच सिक्स वेज नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आप सोचो इसी बात को एन में कर देता हूं एन में तुमने क्या या तो जीरो लिया होगा या एक या दो या क्योंकि हरेक का तरीका तो एक ही है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज एन प्लस वन क्योंकि जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है एन प्लस वन वेज इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बट मुझे पता है क्योंकि जीरो नहीं लेना इस बार तो मैं क्या कहूंगा एन प्लस वन माइनस वन एन हो गया मेरा राइट right? बट अगर मुझे जीरो भी अलाउड होता मान लो क्योंकि क्वेश्चन में तो जीरो अलाउड हो सकता है ना क्वेश्चन में जीरो भी अलाउड हो सकता है तो आप क्या करेंगे एन प्लस वन वेज ऐसे याद रखो बस कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज एन प्लस वन जैसे नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन डिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या था टू की पावर एन वैसे ही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं एन प्लस वन चीजें कर सकता हूं या तो उसमें से जीरो लू या एक लू या दो लू या तीन लू या एन की एन ले लू एन प्लस वन वे बस इतनी सी चीज अगर समझ गए हो तो जल्दी से बता दो इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं फिर हम ब्रेक ले लेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज एन प्लस वन अगर मेरे पास पांच एक जैसी बॉल पड़ी है तो मैं छह तरह से उनसे डील कर सकता हूं या तो उनमें से एक भी ना उठाऊं पड़े रहने दो जैसे पड़ी हैं पांच बॉल्स या एक बॉल उठा लूं या दो बॉल उठा लूं या तीन या चार या पांच तो छह तरीके मेरे पास हो गए पांच आइडेंटिकल बॉल्स के साथ डील करने के राइट चलिए अब आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पर जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था वही लाइब्रेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारी लाइफ में यही चल रहा है सर आजकल वही चीजें हम देख रहे हैं अब बस फर्क क्या है फिजिक्स की बुक्स हो गई आइडेंटिकल मतलब चार पी जो लिखे पहले मैंने पी1 पी2 पी3 पी4 दिए थे अब कह रहा हूं चारों फिजिक्स आइडेंटिकल हैं पी है ठीक पांचों केमिस्ट्री आइडेंटिकल बुक्स है चारों फिजिक्स एचसी वर्मा पढ़ी हैं तुम्हारे पास ऐसे सोचो पांचों केमिस्ट्री पढ़ी हैं एक जैसी और छह की छह मैथ भी सपोज कोई भी ले लो यार सारी एक जैसी हैं जो भी है अब मुझे सेलेक्ट करनी है कम से कम एक बुक अब मुझे बताओ जल्दी से आंसर एटलीस्ट वन बुक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे अब जो लोग सिर्फ रटते हैं ना वो कह देते हैं एन और एन है सर पंद्रह क्योंकि पंद्रह किताबें हैं राइट चार ये हैं पांच ये हैं और छह ये हैं तो बेटा पंद्रह आंसर हो जाएगा गलत क्योंकि एन आंसर कब होना था जब सारी की सारी आइडेंटिकल क्या सारी आइडेंटिकल दिख रही है सारी आइडेंटिकल नहीं है चार आइडेंटिकल फिर पांच फिर छे तो अपने को केयरफुली करना है इसमें अपना आंसर पंद्रह नहीं है क्योंकि सारी आइडेंटिकल नहीं है वही फंडा लगेगा मैं तुम्हें क्या बार बार बोल रहा था कि एन आइडेंटिकल चीजों को डील करने के एन प्लस, वन तरीके हैं। एन प्लस वन तरीके हैं तो मतलब अगर आप फिजिक्स के साथ डील करना चाहते हैं तो पांच तरीके हैं चार बुक्स थी ना पांच तरीके हैं क्या पांच तरीके या तो फिजिक्स एक भी नहीं ली या एक ली या दो ली या तीन ली या चारों ले ली फाइव वेज टू डील फिजिक्स दैट यू टेक रो वन टू थ्री फोर सिमिलरली फाइव की जगह सिक्स वेज टू डील विद केमिस्ट्री सिक्स की जगह सेवन वेज टू डील विद मैथ और पूरे में से माइनस वन कर दिया समझे क्यों किया पूरे में से माइनस वन क्योंकि आपने एक सिनेरियो होगा जब फिजिक्स भी जीरो ली केमिस्ट्री भी जीरो मैथ भी जीरो तो उस केस में सेलेक्ट हुई नहीं होगी कोई भी बट हमें क्या चाहिए एटलीस्ट वन बुक चाहिए इसका मतलब अब हो जाएगा आंसर फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन माइनस वन 5 into 6 into 7 minus 1 हो जाएगा आंसर क्योंकि हमें कम से कम एक बुक चाहिए टोटल में से ओवरऑल में से सेकंड पार्ट एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में अब एक-एक किताब तो चाहिए पक्का मतलब अब फिजिक्स के साथ जो मैं पांच तरीके कह रहा था मैं फिजिक्स के साथ क्या कह रहा था या तो 0 1 2 थ्री या फोर ये पांच तरीके कह रहा था अब इसमें जीरो वाला नहीं चलेगा भाई क्योंकि हम चाहते ही नहीं जीरो बुक्स सेलेक्ट हो हम क्या चाहते हैं कम से कम एक बुक्स अब फिजिक्स के साथ डील करने के चार ही तरीके रह गए मतलब अब आप इंटरनली वन को माइनस कर दीजिए फाइव माइनस वन फोर वेज सिक्स माइनस वन सेवन माइनस वन ये हो जाएगा आंसर यानी कि फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स वेज हो जाएगा फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स वेज हो जाएगा राइट अब एटलीस्ट टू बुक्स ऐसी सोचो एटलीस्ट टू बुक्स और एटलीस्ट वन वाले आंसर में से वो माइनस करेंगे जब वन बुक सेलेक्ट करी पहले भी तो ऐसे किया था वन एनसी वन माइनस किया था क्योंकि एक बुक सेलेक्ट करने का एनसी वन था वो सब यहां फेल हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल में एनसीआर लगता नहीं है आइडेंटिकल में एनसीआर नहीं लगता तो अब एटलीस्ट दो बुक के लिए एटलीस्ट वन में से वो माइनस जब आपने वन बुक सेलेक्ट करी होगी एक बुक जब exactly एक्जैक्टली बुक सेलेक्ट होगी तो अब इस लाइब्रेरी में से एक बुक कितनी तरह से सेलेक्ट हो सकती है सोच के देखो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट वन बुक फ्रॉम दिस लाइब्रेरी आंसर इज ओनली वेज कि तुमने या तो फिजिक्स की उठाई होगी किताब या केमिस्ट्री की या मैथ की क्योंकि आपस में तो आइडेंटिकल है सारी सेलेक्टिंग वन बुक वुड मीन कि आपने ये थ्री वेज से किया होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा आंसर राइट right? अब अगर तुम समझ गए तो अगला पार्ट बताओ एटलीस्ट टू बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट अब हर सब्जेक्ट की तुम चाहते हो दो दो तो आए यार दो दो आए कम से कम अब फिजिक्स के साथ देखो जो पांच तरीके थे डील करने के अब वो क्या हो जाएंगे फिजिक्स के साथ अब सर सिर्फ तीन तरीके रह जाएंगे डील करने के क्योंकि या तो तुमने दो किताबें ली होंगी या तीन लिए होंगी या, या चार ली होंगी क्योंकि अब एटलीस्ट दो चाहिए तुम्हें तो फिजिक्स के साथ डील करने के पांच तरीके नहीं है ना चार है अब कितने तरीके हैं तीन तरीके हैं नंबर ऑफ वेज टू डील विथ फिजिक्स इज नाउ थ्री केमिस्ट्री के साथ कितने तरीके हो गए सोचो केमिस्ट्री के साथ सर पहले तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये तरीके थे बट अब जीरो भी हट गया वन भी हट गया कम से कम दो चाहिए तो चार तरीके हो गए सिमिलरली मैथ के साथ पांच तरीके हो जाएंगे थ्री इंटू फोर इंटू फाइव थ्री इंटू फोर इंटू फाइव हो जाएगा राइट right? अब दो पार्ट बचे हुए आपके लिए होमवर्क में है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं बेसिक फंडे के ऊपर है तो इसको अब आप कर लीजिएगा तो मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो चार मैंने करवा दिए दो आप घर पे रिवाइज करिएगा और चैट पे मुझे आंसर बताइएगा मैं आपको बता दूंगा और सही निकाला है आपने या नहीं <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी में मैंने एक क्वेश्चन मिक्स्ड का दे दिया है बिल्कुल यही चीज है होमवर्क में तुम्हें करना है मतलब मिक्स्ड मतलब चार डिफरेंट फिजिक्स बुक है फाइव डिफरेंट केमिस्ट्री बुक है बट मैथ की आइडेंटिकल हो गई मतलब पी वन पी टू मिक्स हो गया अब सब पी फोर पी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव और एम 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 जो है वो आइडेंटिकल है तो ये अब आप करेंगे सारे पार्ट्स इसके होमवर्क में करेंगे बेटा ठीक है भाई चलिए तो अब ये जो हमने सीखा है इसका एक तो हो गया ये क्वेश्चन इस पे की सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट अब इसका जो मेन एप्लीकेशन है ना बेटा वो आपका है नंबर ऑफ डिवाइजर्स का तो इसको हम करेंगे आराम से ब्रेक के बाद जल्दीबाजी नहीं आराम से आप लोग भी डिनर कर लीजिए ब्रेक ले लीजिए पंद्रह मिनट का खा पी लीजिए और उसके बाद हम बेटा इसको स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है तो मजा आएगा आपको राइट चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग ब्रेक के बाद बिफोर टेकिंग ब्रेक डिवाइडेड बाय फाइव का केस तो five से divisible तो बड़ा सिंपल है बेटा, डिविजल बाई फाइव के लिए ठीक है भाई अर्चित लास्ट डिजिट जीरो ब्रेक लेते हैं ब्रेक के लिए मैं आपका इसमें टाइमर लगा देता हूं सो so दैट आपको पता रहे क्लास पंद्रह मिनट बाद बेटा रिज्यूम होनी है राइट सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स पंद्रह मिनट बाद बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास राइट right? सब लोग ब्रेक लेके तुरंत पंद्रह मिनट बाद बेटा पहुंच जाएगा बिकॉज वी विल स्टार्ट द क्लास इन एजैक्ट फिफ्टीन मिनट्स <laughs> चलिए तो ब्रेक अपना हो गया है खत्म एंड आई होप आप लोगों ने डिनर कर लिया है दोबारा से बेटा रेडी है कॉम्पिटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अब ज्यादा नहीं रह गया है अपना ये समझ लीजिए सिक्सटी परसेंट से ज्यादा काम हो चुका है छोटी छोटी छोटे मोटे कॉन्सेट बचे हैं वो हम करेंगे जल्दी से बताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बिल्कुल क्लियर चैट पर लिखकर बताइए चलिए ग्रेट तो काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं चैट पे कि ये सर आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक आ रहा है तो दो मिनट और रुक जाते हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जो लोग ब्रेक लेके चले गए हैं उनको वापस आने के लिए तो अब ज्यादा लंबा नहीं है बेटा लेक्चर आई थिंक एक डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा आई थिंक वन एंड एंड हाफ आवर्स में अपना वाइंड ऑफ हो जाएगा जो टॉपिक्स आज के बचे हैं हमारे शिवा कह रहे हैं लव यू सर लव यू बेटा थैंक यू सो मच अगेन बहुत ही अच्छा लगता है आपके ऐसे बढ़िया बढ़िया मैसेजेस देखकर मुझे जी डी डी क्यों लिख रहे हो यार एलियन एलियन हो तुम इसलिए एलियन हो क्या अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया पहले जी लिख रहे हो एंजाइटी से कैसे डील करें भाई देखो मेरे हिसाब से तो आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन थोड़ा ब्रेक्स लेने चाहिए टाइम पे और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अगर सोचोगे देखो अगर आप आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे ना तो आपको स्ट्रेस होगा काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने किया आपने क्या किया मैं बहुत तो सारी चीजें करी बट तो उसमें से जो एक चीज थी वो ये कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं सोचा मतलब हमें प्रोसेस में मजा आता था पढ़ने में मजा आता था कि यार इंटरेस्टिंग लगता था फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली मैथ्स मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था केमिस्ट्री तो करने के लिए करते थे बट देन मजा आता था ये सब चैप्टर्स पढ़ने में तो ऑटोमेटिकली अगर आपको प्रोसेस अच्छे तरह से करोगे बेटा रिजल्ट की ना तो इतनी स्ट्रेस लोगे ना टेंशन लोगे ना एंग्जाइटी होगी और अगर हो गया तो भी सही है नहीं हो गया तो भी ठीक है ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए क्योंकि अगर अच्छी तरह मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा तो डेफिनेटली होगा तुम्हारा इस बात के बारे में तो आपको भी पता है तो फैक्ट है फ्रॉम प्रयास टू वेरी गुड बेटा सर आप किधर से हो मैं बेटा बेटे उत्तराखंड से हूं बट आई हैव बीन लिविंग इन फॉर आई थिंक लॉट ऑफ नाउ में जब से हूं दो हजार से तो मैं डेली में ही हूं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर फिक्सटी परसेंटाइल है हंड्रेड मार्क्स का इंक्रीमेंट पॉसिबल है अब बिल्कुल पॉसिबल है क्यों नहीं पॉसिबल है दो ढाई महीने में मैं बता रहा हूं तो मैं बिल्कुल कहानी उलट पुलट हो सकती है जिनके पहले 200 बने उनके अब सौ भी बन सकते हैं अगर उन्होंने रिवीजन ढंग से नहीं किया और जिनके पहले 100 नंबर या 50 नंबर बन रहे हैं टू तो 200 तक भी पहुंच सकते हैं 100 मार्क्स तो क्या तुम सौ डेढ़ सौ नंबर भी इंक्रीज कर सकते हो चलो भाई तो स्टार्ट किया जाए कोई कह रहा है नो वॉइस भाई तुम अपनी वॉइस ऑन करो तब तुम्हें आवाज आएगी बाकी सबको आवाज आ रही है चलो स्टार्ट करते हैं भाई तो देखो जितनी भी परसेंटाइल है आप में से काफी लोग लिख रहे हैं नाइनटी टू नाइनटी सिक्स कोई बात नहीं अब जो भी है उससे इंप्रूवमेंट करनी है आपको बस ये देखना है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना बेटा हम सीखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों को शायद पता हो अब नहीं पता तो देख लो मान लो एक नंबर दे दिया फाइव सिक्स डबल जीरो कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं 75600 एक नंबर दिया और इसके पूछे कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं इसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं जैसे इसका एक डिवाइजर हंड्रेड है टू है फाइव है टेन है सेवन फिफ्टी सिक्स भी है इसका डिवाइजर तो ऐसे कितने डिवाइजर्स आएंगे कितने डिवाइजर्स आएंगे अब इसको करने के लिए देखो क्या करना होता है सबसे पहले तो सेवन फाइव सिक्स डबल जीरो को प्राइम फैक्टराइज करके लिखो प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना सबको आता है बचपन में सिखाया होता है थोड़ा फास्ट करना है सेवन फिफ्टी सिक्स को सपोज फोर से डिवाइड किया फोर एट थर्टी टू एक सेकेंड पहले इसको सेवन फिफ्टी सिक्स किससे डिवाइड हो रहा है नाइन से हो रहा है ना तेरह सात छः, तेरह और पाँच। अठारह हाँ नाइन एट सेवनटी टू नाइन फोर सिक्स इससे हो गया और किससे हो रहा है फिर और थ्री से भी हो रहा है सर ट्वेंटी एट फोर से हो रहा है सेवन तो बेसिकली ये बन गया थ्री का क्यूब थ्री क्यूब इंटू टू का स्क्वायर फोर और एक सेवन और एक हंड्रेड भी है हंड्रेड को लिख लिया फोर इंटू ट्वेंटी फाइव राइट सो so, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई टू की पावर फोर थ्री की पावर थ्री 5 की पावर टू सेवन की पावर वन सेवन फाइव सिक्स डबल जीरो को ऐसे जल्दी से करके मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया राइट प्राइम फैक्टराइज कर लिया चलिए तो अब इसका क्या होगा इसके बाद अब ध्यान से सुनना जरा देखो किसी भी फैक्टर के अंदर किसी भी फैक्टर के अंदर जो अब मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है किसी भी डिवाइजर के अंदर क्या हो रहा होगा अगर मैं टू को देखूं टू की पावर्स वैसे तो मेरे पास टू की पावर फोर है बट मेरे डिवाइजर में या तो टू की पावर जीरो आई होगी या टू की पावर वन आई होगी या टू मतलब मेरे जो डिवाइजर है जिस डिवाइजर की मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ डिवाइजर जो गिन रहा हूं उसमें टू की पावर इन पांच तरीके से आ सकती है या तो टू की पावर जीरो या वन या टू या थ्री या फोर ज्यादा है नहीं पावर कुछ भी आ सकती हो सकता है टू नहीं आए तो टू की पावर जीरो आ जाएगी बेसिकली राइट तो टू के साथ डील करने के कितने तरीके हो गए तर पांच तरीके हो गए कि आपने टू की पावर या तो वन जीरो ली या वन या टू या, या थ्री या फोर फाइव वेज टू तो डील विद द पावर ऑफ तो, टू एक्सपोनेंट ऑफ टू तो। सिमिलरली थ्री की पावर जो थ्री है इसके साथ डील करने के हमारे प्राइम फैक्टर में या तो थ्री की पावर वन टू थ्री तक कुछ भी आ जाए तो फोर वेज फोर वेज टू तो डील विद सो तो बिल्कुल वही चीज हो गई पावर के ऊपर एक जोड़ा एन प्लस वन वेज नंबर ऑफ वेज टू तो डील विद एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज एन प्लस वन बिल्कुल वही चीज है कि आपने जीरो लिया आप वन ली टू ली थ्री ली फोर ली पावर तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे कि आप पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो बस फोर के अंदर एक जोड़ा फाइव थ्री के अंदर एक ऐड किया फोर टू के अंदर किया थ्री और वन के अंदर किया टू सो ये इतने डिवाइजर्स होंगे इतने डिवाइजर्स हमेशा आ जाएंगे सर ऐसा क्यों देखो तुम सोचो डिवाइजर है क्या डिवाइजर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पावर्स मान लो तुमने पॉवर्सू की पावर वन ली सेवन की पावर पारो ली फाइव की पावर पारन ली तो तुम्हारे पास फैक्टर डिवाइजर कौन सा बन गया तुम्हारे पास डिवाइजर बन गया तो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन तो हर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर से हर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर से एक डिवाइजर बन जाएगा ये है बात तो आपने जो भी ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स लिए तो यूनिक डिवाइजर बन जाएगा मान लो आपने सारे के सारे जीरो ले लिए सबको जीरो ले लिया पहले तो एच जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला था हम जीरो सारे नहीं लेते थे यहां पर सारे जीरो ले लो तो भी क्या प्रॉब्लम है क्योंकि अगर टू की पावर जीरो थ्री की पार जीरो फाइव की पार जीरो सेवन की पावर जीरो ले लिया तो भी एक डिवाइजर मिल जाएगा वन क्योंकि वन तो हर एक का डिवाइजर है राइट तो इसलिए कुछ भी पावर्स के कॉम्बिनेशन बना ले आपको मिल जाएगा एक ना एक डिवाइजर तो बेसिकली क्या है कि आपको कुछ नहीं करना नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ो मल्टीप्लाई कर दो हट से आंसर आएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स बन गए 120 सौ बीस फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू तो बहुत इजी तरीका है आपको यह याद रखना है नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का अब इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं हाउ मेनी डिवाइजर्स आर इवन ये जो डिवाइजर है इसी क्वेश्चन के हम कुछ पार्ट की बात कर लें ये जो आपने एक डिवाइजर्स निकाले हैं जो एक सौ डिवाइजर निकाले हैं इसमें से इवन कितने हैं हाउ मेनी डिवाइजर्स आर इवन उ मैनी डिजर्स आर ईवन ईवन डिवाइजर बताओ मतलब अब देखो सर ईवन कैसे निकालेंगे ईवन डिवाइजर मतलब जैसे टू हो गया फोर हो गया टेन हो गया फाइव नहीं मानेंगे क्योंकि फाइव तो इवन नहीं है राइट तो अब इवन डिवाइजर लाने के लिए ध्यान से सुनना भाई इवन कब आएगा जब टू की पावर तो पक्का आएगी टू की पावर जीरो नहीं होनी चाहिए टू की पावर जीरो हो गई तो नंबर इवन बनेगा ही नहीं मतलब अपने डिवाइजर में जो तो टू की पावर है वो इसके अलावा सारे केसेस हो सकते हैं मतलब टू की पावर आपकी क्या होंगी टू की पावर या तो टू की पावर वन होगी या टू की पावर टू या टू की पावर थ्री या टू की पावर फोर तो टू के साथ डील करने के जो पहले पांच तरीके थे ये जो पांच तरीके थे अब वो बस चार तरीके रह जाएंगे वन टू थ्री फोर तो फोर वेज टू डील विद पावर ऑफ टू बाकी थ्री के साथ सेम रहेंगे चार जो था ये चार तीन दो बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि इवन चाहिए तो टू की पार जीरो नहीं होनी चाहिए बस इसलिए अपने पास सॉरी फोर थ्री टू तो रहेगा ही तो नाइनटी सिक्स हो जाएगा अपने पास इवन डिवाइजर्स नाइनटी सिक्स हो जाएंगे बेटा इवन डिवाइजर्स राइट ऑड डिवाइजर्स कितने होंगे अब ऑड का मतलब टू की पावर बस जीरो ही आनी चाहिए यानी टू के पावर ओनली जीरो शुड बी देयर यानी एक तरीका टू के साथ डील करने का कितने बन गए फोर थ्री ट्वेल्व टूट ट्वेंटी फोर बन गए ट्वेंटी फोर बन गए राइट ट्वेंटी फोर डिवाइजर ऑड हो रहे होंगे तो वैसे भी कर सकते थे एक सौ बीस टोटल आए थे उसमें है तो बचे हुए ऑड ही होंगे ट्वेंटी फोर अपने ऑड हो जाएंगे प्रॉपर डिवाइजर्स प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं बचपन में सिखाया जाता है कई बार ही भूल जाते हैं हम प्रॉपर डिवाइजर बेसिकली किसी भी नंबर का इम प्रॉपर डिवाइजर देखो क्या होता है हंड्रेड का

120 में से बेटा 2 माइनस कर दो 118 बच जाएंगे 118 आपके क्या हो जाएंगे प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे तो पता होनी चाहिए डेफिनेशन आपको प्रॉपर डिवाइजर्स की चलिए परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स कितने होंगे अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स कितने होंगे सर परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे तो भाई परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो भी पावर्स आ रही हैं वो इवन आनी चाहिए समझे बात को

थ्री की पावर जीरो या थ्री की पावर टू ही आ सकती है क्योंकि मेरे पास थ्री की पावर तो बेटा थ्री थी थ्री की पावर थ्री थी फाइव की पावर टू में से फाइव की जीरो या फाइव स्क्वायर आ सकता है सेवन की तो वन ही थी तो सेवन की सिर्फ जीरो ही आ सकती है तो इवन पावर होनी चाहिए हर एक प्राइम नंबर की थ्री वेज टू वेज टू वेज फाइव के साथ और वन वेज के साथ ट्वेल्व

जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से करके दी है टू की पावर एक्स थ्री की पावर वाई फाइव की पावर जेड ठीक है वाई एंड जेड आर सच दैट वाई और जेड में देखो दो इक्वेशन दी है वाई और जेड में दो इक्वेशन दी है वाई प्लस जेड फाइव दिया है और ये वाई की पावर माइनस वन है मतलब वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड फाइव बाय सिक्स दिया है एलसीएम ले लो प्लस जेड को रख दो फाइव वाई प्लस जेड को रख दो फाइव फाइव अपॉन वाई जेड इक्वल टू फाइव z सॉल्व नहीं हो जाएंगे कुल हो जाएंगे सर एक जगह आ गया वाई प्लस जेड हम ऑफ रूट फाइव प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो स्क्वाइनस फाइव के प्लस सिक्स फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक तो के की वैल्यू टू या थ्री वाई और जेड की वैल्यू टू या थ्री हो गई कौन सा वाई है सर वाई बड़ा वाला है वाई हो गया थ्रीड हो गया टू थ्री और टू मैंने फास्ट तरीके से सॉल्व कर लिए अब जल्दी करो आगे थ्री और टू सॉल्व कर लिए सर अब मुझे आगे क्या बताना है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स तो ये जो था टू की पावर एक्स थ्री की पावर थ्री हो गया 5 की पावर टू हो गया ऑड डिवाइजर चाहिए ऑड आज करा था ना टू की पावर क्या आएगी सिर्फ जीरो ही आएगी तो टू की पावर जो एक्स है इसके साथ बस एक ही तरीका टू की पावर जीरो क्योंकि टू की नहीं आनी चाहिए तो वन वे थ्री की पावर तो जो मर्जी आए यार थ्री के तरह तीन पावर है तो एक जोड़ दिया चार दो है इसकी पावर एक जोड़ दिया तीन तो फोर थ्री ज्वेल्व शुड बी your नंबर ऑफ odd divisors शुड बी ट्वेल्व इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन हो गया राइट सी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन अपना हो गया चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल अब ये एक मेन टॉपिक रह गया है. इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं. तो बहुत ज्यादा कुछ अपना रह नहीं गया है केयरफुली सुनेंगे इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ध्यान से सुनना देखो पहले हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distinct ऑब्जेक्ट अलग अलग बांटे थे ना हमने छे टॉयज छह बॉल्स बांटी थी चार बॉक्सेस में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था ग्रुप्स को यूज करके क्या यूज किया था ग्रुप्स किया था हमने और अब हम कर रहे हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक है सर तो अब क्या करेंगे इसमें अब ध्यान रखना देखो नंबर ऑफ वेज जैसे क्वेश्चन समझते हैं बेगर तो मेथड भी बोलते हैं ऐसे कैजुअली बोल देते हैं ऐसा कोई है नहीं क्वेश्चन क्योंकि हम बेगर प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए क्या है एट आइडेंटिकल कॉइंस पांच बैगर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सच दैट किसी भी बैगर को कितने मर्जी कॉइन्स मिल जाए हमारे पास आठ आइडेंटिकल कॉइन्स हैं क्या है आइडेंटिकल कॉइन्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है पांच बैगर्स को तो देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होती है क्या स्ट्रेटेजी है सबसे पहले तो आपको क्या करना है ये जो आठ आइडेंटिकल कॉइन्स है ये बना लिए अब आप सिस्टम में लेके आएंगे फेक क्वाइंस इंट्रोड्यूस फेक आइडेंटिकल कॉइन एक जैसे फेक क्वाइंस लेके आओ फेक है तो नेचुरली असली वालों से तो अलग है बट वो आपस में आइडेंटिकल है आपको क्या करना है ध्यान से सुन लो भाई कि आपको फेक आइडेंटिकल क्वाइंस लेके आने हैं फेक आइडेंटिकल कॉइन्स लेकर आने हैं फेक आइडेंटिकल कॉइन कितने लाने हैं वन लेस देन नंबर ऑफ बैगर पांच बैगर हैं अगर तो आपको चार फेक आइडेंटिकल कॉइन्स लाने हैं मतलब आप चार फेक आइडेंटिकल कॉइन्स ले आइए हमेशा ऐसा ही करना है जितने भी बैगर हैं उससे एक कम दस बैगर होते तो नौ फेक आइडेंटिकल कॉइन ले आता पंद्रह बैगर होते तो चौदह ले आता फेक आइडेंटिकल कॉइंस राइट तो आपको फेक कॉइंस लेके आने हैं तो ये आ गए असली कॉइन्स असली या रियल बोल दो इनको और ये बोल दो फेक या नकली अब मैं क्या बोल रहा हूं इन आठ असली और चार नकली का जो अरेंजमेंट है वही आंसर है बहुत मजेदार मेथड है दो लाइन का मेथड है लॉजिक भी समझेंगे बट पहले आंसर तो दो लाइन में है कि भाई आपके टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेज इज जस्ट इन आठ असली और चार नकली यानी बारह फैक्टोरियल अपॉन आर्ट फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल आज किया था ना अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बारह है जिसमें से आठ एक जैसे चार एक जैसे तो ट्वेल्व फैक्टोरियल अपॉन एट फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल यानी ट्वेल्व सी फोर तरह से भी लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन बैगर को आठ क्वाइंस इज गोइंग टू बी ट्वेल्व सी फोर गोइंग टू बी ट्वेल्व सी फोर राइट अब कैसे आ गया सर ये ट्वेल्व सी फोर ध्यान से समझेंगे अब तर. तो ये फेक क्या है और इसका क्या रोल है अब ध्यान से एक बार समझ लीजिए जरा रोल ये है बेटा फेक क्वाइंस जो होते हैं मैंने यहां पे लॉजिक लिखा हुआ है देखो पहली बात लॉजिक नंबर वन इंट्रोड्यूस फेक आइडेंटिकल क्वाइंस वन लेस नंबर ऑफ बैगर और लॉजिक नंबर टू अरेंज दीज फेक कॉइन स्टेप टू है तो अरेज तो मैंने स्टेप्स लिखे हैं सॉरी ये तो स्टेप्स है लॉजिक भी बताऊंगा अभी तो दो स्टेप प्रोसेस है बेगर्स मेथड लगाने का स्टेप स्टेप इन फेक आइडेंटिकल कॉइन्स और रियल कॉइन्स को अरेंज कर दो आपको आंसर मिल जाएगा हमेशा अब लॉजिक पर आ जाते हैं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों होता है लॉजिक पढ़िए ईच अरेंजमेंट ऑफ दीज फेक प्लस रियल क्वाइंस करस्पॉन्स टू वन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मतलब जो भी लिखा हुआ है ध्यान से सुनो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैंने लिखा है जितने भी रियल सिक्के हैं और जितने नकली हैं नकली कितने लाने हैं एक कम जितने बैगर से उससे पांच थे तो चार ले आया आठ असली हैं आठ चार 12 का अरेंजमेंट आंसर है कैसे है? सुनो जो भी अरेंजमेंट लिख लो मान लो इनका एक अरेंजमेंट ये लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक फाइल लगा दिया तो अब जो फेक कॉइन है ना एक्चुअली अब ये एक अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे सर ये अरेंजमेंट कर रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है कि हमने किस बैगर को कितने दिए कैसे कर रहा है जो तो है ना फेक कॉइन दैट एक्सेस पार्टीशन मतलब वो एक पार्टीशन है बिटवीन नंबर ऑफ रिसीव्ड बाय ईच बैगर ध्यान से सुनो पहले तीन असली सिक्के आ रहे हैं फिर एक फाय आ गया मतलब पार्टीशन हो गया मतलब पहले बैगर को मिले तीन फिर एक पार्टीशन मतलब अब दूसरे बैगर के शुरू हो गए दूसरे को मिले दो फिर फाइव आ गया फिर तीसरे को मिले वन फिर दो और इस फाइव के बाद कुछ नहीं है तो वो जीरो मिले तो मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो क्या करस्पॉन्ड कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है पहले बैगर को तीन दूसरे को दो फिर एक फिर दो फिर जीरो तो आठ सिक्के हैं वो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे कि पहले को तीन फिर दो फिर एक फिर दो फिर जीरो मिले तो ऐसे ही बेटा हर एक हर एक जो है आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक ना एक अरेजमेंट को करस्पॉन्ड करेगा सात आठ एक फाइव और लगा दिया तो इसका क्या मतलब होगा पहले चार आए तो फोर फिर दो फाइव एक साथ आ इसके बीच में कोई रियल नहीं है तो जीरो फिर एक असली सिक्का आ गया वन तो फिर तीन असली सिक्के आ गए तीन और इस फाइव के बाद कुछ नहीं तो जीरो सो टू फोर जीरो वन थ्री जीरो ऐसे हर एक अरेंजमेंट कोई ना कोई तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दे देगा और Pi क्या एक्ट कर रहा है पार्टीशन की तरह पाई इज एक्टिंग लाइक अ पार्टीशन तो जैसे अब ये लिखे हैं इसका क्या मतलब हो गया ये भी एक अरेंजमेंट ही तो लिखा है कि सारे असली एक साथ फिर सारे फाई एक साथ मतलब सारे के सारे सिक्के आठ सिक्के पहले बैगर पे ही चले गए फिर सबको जीरो 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 मिले राइट सो दैट इज वॉट इज बैगर्स मेथड बहुत सिंपल मेथड है दो स्टेप प्रोसेस है या आपको फेक कॉइन लेके आने हैं वन लेस देन नंबर ऑफ बैगर्स और आपको और रियल कॉइन की अरेंजमेंट कर देनी है आंसर आ जाएगा उसका लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया दीज आर द लॉजिक्स दो स्टेप लॉजिक है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था इसमें चाहे जितने मर्जी मिले ईच कैन गेट एनी नंबर ऑफ किसी को जीरो भी मिल रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट नेचुरली एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बेगर को मान लीजिए जीरो मिल ही नहीं रहे बेगर को जीरो नहीं मिल रहे सपोज सेकेंड क्वेश्चन दे दिया मैंने इसी का छोटा सा एक तो जितने मर्जी जीरो मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें देखो ज्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है ज्यादा कुछ टेढ़ा काम नहीं है ऐसे ही हो जाएगा कैसे एक बार बताओ अज्यूम करो आपके पास टेन

ये बोलो कि एक एक कितनी तरह से दे सकते हो एक एक कॉइन एग्जैक्टली वन कॉइन कितनी तरह से दे सकते हो जल्दी से लिख के बताओ चैट पे इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट एक कॉइन सिंगल कॉइन एक एक कॉइन हर बैगर पर चले जाए कितनी तरह से दे सकते हो जल्दी बताइए वन वे बिल्कुल ठीक काफी सारे लोगों ने आंसर लिख के बताया वन वे क्योंकि बेटा आइडेंटिकल है ना एक जैसे सिक्के हैं तो आपने क्या किया उन बैगर्स को जो बैठे हैं कोई सा भी एक उठा के दे दे दो बिकॉज आर आइडेंटिकल साइडेंटिकल तो इट ड मैटर कि आपके पास कौन सा आपने किसको दिया क्या फर्क पड़ता है बिकॉज आइडेंटिकल कॉइन है तो एक एक देने का तरीका तो एक ही यार कोई सा भी एक दे दो अब ध्यान से सुनना तुम्हारे पास दस सिक्के थे पांच बैगर्स थे तुम उन बैगर्स को एक एक तो दे चुके तो अब तुम्हारे पास कितने रह गए अब तो पांच ही रह गए अब तो पांच ही रह गए यानी कि अब उन पांच को बचे हुए पांच को जैसे मर्जी बांटे किसी के पास कोई जाए या ना जाए हमें मतलब ही नहीं पड़ता क्योंकि हम एक एक तो दे ही चुके सबको अब हमारा इंश्योर हो गया कि एटलीस्ट एक सिक्का तो सबके पास जा रहा है मतलब अब आप पांच दस मत सोचो कि दस है एक एक तो तुम दे चुके हो अब तुम्हारे पास सिर्फ पांच सिक्के का खेल बचा है असली क्वाइंस बचे हैं पांच और नकली कितने लेके आओगे क्योंकि पांच बैगर है फिर से वन लेस देन नंबर ऑफ बैगर चार ले आए तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा फाइव और फोर नाइन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल नाइन सी फोर हो गया आंसर नाइन सी फोर हो गया बेटा आंसर राइट नाइन सी फोर हो जाएगा आंसर तो ये करना है अगर आपको

स वन लेकर आएंगे आप एक कम और अब इनका अरेंजमेंट एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन ही हो जाएगा तो फर्स्ट थ्योरम बन गई नंबर ऑफ वेज इन यू ऑब्जेक्ट टू आर बैगर सच दैट हर बैगर के पास कम से कम एक सिक्का जाए सॉरी कितने मर्जी जाए इस फर्स्ट केस में तो क्या है सब पे जीरो भी चले जाए किसी पे हमें कोई मतलब नहीं बट अब सेकेंड सिनेरियो हो गया कि भाई एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू आर पर्सन सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट वन थिंग पहले वाला तरीका लगाएंगे कि भाई एन सिक्के हैं आर हैं तो पहले एक एक तो सबको दे के बैठ जाओ एक एक तो सबको दे लिया वो तो एक ही तरीका है अब सिक्के कितने बचे एन में से आर गए तो एन माइनस आर रियल कॉइन्स बचे और फेक कितने बचे फेक तो सर हमेशा बेगर से एक कम लाने हैं इतने फेक बचे इनकी अरेंजमेंट कर दो सर हो जाएगी एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इन दोनों को ऐड कर लिया टोटल सी आर माइनस वन आर आर कट गया यही बन गया तो आप इनको एज थ्योरम लर्न भी कर सकते हो बट मेरे हिसाब से तो क्विकली लगा लो एग्जाम में समझ के बस रटो मत बेगर मेथड क्योंकि है ही दो, दो स्टेप का तो मेथड है दो स्टेप का तो मेथड है तो इसमें क्या याद करोगे बस सम, समझ लो अब इसी चीज को देखो बेगर्स मेथड को ही हम एक और तरीके से लगा सकते हैं इन केस ऑफ नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस देखो अब पांच वेरिएबल है सच दैट सम ऑफ इज 25 नंबर ऑफ इंटीग्रल सोलूशन ऑफ द फॉलोइंग नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए यहां पर नॉन-नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्या ये बैगर प्रॉब्लम नहीं हो गया सोच के देखो आपको पांच बैगर्स ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बैगर्स हैं पांच बैगर्स में पच्चीस असली सिक्के बांटने हैं यही तो क्वेश्चन बन गया यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ट्वेंटी फाइव आइडेंटिकल कॉइन्स टू फाइव बैगर सच दैट इसे जीरो भी मिल जाए जीरो क्योंकि नॉन नेगेटिव चाहिए हमें नेगेटिव तो चाहिए नहीं जीरो अलाउड है और इंटीजर अलाउड है तो इसको जीरो 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 ट्वेंटी फाइव या वन 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 ट्वेंटी ऐसे कुछ भी हो सकता है राइट सो देर फोर आपके पास क्या हो जाएगा बेगर्स प्रॉब्लम बन गया है पच्चीस असली सिक्के पांच बैगर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव असली सिक्के और पांच बैगर्स हैं यानी ट्वेंटी फाइव तो असली चार फेक सिक्के ऐड किए सी फोर सो ट्वेंटी नाइन सी फोर ट्वेंटी नाइन सी फोर हो गया आंसर राइट right? अब जल्दी से सेकेंड वाला करते हैं बिल्कुल ऐसे ही पचास सिक्के बांटने तीन बैगर्स में तो फिफ्टी और दो नकली सी टू नीचे वही आता है जितना नकली क्वाइंस है तो 52 C2 हो गया आंसर ऐसे करना है अब आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मेथड आपको क्लियर है बताइए 51 C2 लिख रहे हैं विधि चैट पे बेटा 51 नहीं 52 होगा 52 होगा क्योंकि दो नकली क्वाइंस लेके आए हम 50 तो असली थे तीन बैगर्स है ना यहां पे तीन बैगर्स दो सिक्के लेके आए यही बैगर्स मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगा दिया नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के अंदर चलिए अगले पे आते हैं अब इन सबके हमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं अब थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं बट बत हर एक के इंडिविजुअली भी कुछ वैल्यूज हैं x1 ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तो अब आप इसको ऐसे ट्रीट कर लो कि भाई आपके पास चार बैगर्स में बीस सिक्के बांटने हैं पहला बैगर कह रहा है कि भाई मुझे जीरो भी दे दोगे तो चल जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है दूसरा बेगर कह रहा है कि मुझे तो यार कम से कम एक चाहिए ही चाहिए दिस दिस बेगर इज इज आई आई एटलीस्ट एटलीस्ट टू एंड फोर तो अब वही चीज करो जो आप पहले करते थे कि भाई कम से कम एक देना होता तो एक देके पहले से बैठ जाते थे अभी भी वही कर लो भाई जो जिसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले से फुलफिल कर दो मतलब ये तो कुछ नहीं चाहता बेचारा कह रहा है मैं जीरो में भी काम चला लूंगा ये कह रहा है मुझे एक दे दो ये कह रहा है दो चार, चार दो छे एक सात तो सात सिक्के तो पहले ही गए हमारे क्योंकि हमने दे दिए यार। हम बहुत दयालु हैं। जितना जो मांग रहा है उसे पहले से जा रहे थर्टीन रियल कॉइन्स बांटने बचे हुए तेरह कॉइन जैसे मर्जी बांट देते हैं थर्टीन कॉइंस को जैसे मर्जी बांट दें चार बैगर हैं यानी तीन फेक कॉइन्स तो सिक्सटीन सी थ्री हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का सी थ्री हो जाएगा बात समझे भाई गुड सिक्स काफी लोग लिख रहे हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स X3 18 दिया हुआ है पहला बेगर कह रहा है मुझे छे दो कम से कम तो उसको छे दे दो अब ये कह रहा है आई एम ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री तो उसे पहले से माइनस थ्री रख लो मतलब उससे तीन ले लो बैगर को देने की जगह सिक्के ले रहे हैं हम क्या ज़माना आ गया है तो हमने इसको दे दिए इससे तीन ले लिए ताकि वो पहले ही -3 रहे इससे चार ले लिए तो अब सोचो दिए और चार तीन सात ले लिए तो अब एक सिक्का एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास असली यानी अट्ठारह की जगह कितने हो गए उन्नीस सिक्के अब असली हो गए समझे बात को उन्नीस सिक्के असली हो गए और तीन बैगर हैं तो दो फेक कॉइन्स ट्वेंटी वन सी टू हो गया आंसर ट्वेंटी वन सी टू हो गया आंसर देख लीजिए ट्वेंटी वन सी टू राइट थर्ड में देखिए x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर लेस देन इक्वल टू थर्टीन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जब लेस देन इक्वल टू आ जाए तो आप क्या करिए मतलब हम चाहते हैं अपने बैगर्स को उन्नीस थर्टीन या थर्टीन 13 से कम कॉइन्स लोग लो लो, 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 राइट हम क्या करेंगे इसका एक स्मार्ट मेथड है बेटा कि हम एक फेक बैगर लेके आ जाएंगे इसके अंदर क्या बोल रहा हूं आप क्या करिए आप x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर तो रख लीजिए एक x5 फाइव फेक बैगर ले आइए और लेस देन की जगह इक्वल टू थर्टीन लगा दीजिए एक्स फाइव जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फेक बैगर ले आइए सोचो तो काम चल जाएगा ना फेक बैगर से क्योंकि अगर हमारे फेक बैगर को जीरो मिला इसका क्या मतलब है कि असली बैगर्स को तेरह मिल गए असली बैगर्स को थर्टीन मिल गए अगर एक्स फाइव की वैल्यू वन हो गई तो क्या हो जाएगा बेटा असली बैगर्स को तो फिर बारह ही मिले होंगे ना तो इंश्योर हो जाएगा कि लेस देन इक्वल टू थर्टीन आ गया तो क्योंकि फेक बैगर बैठा दिया उसको हाथ कुछ भी लग गया तो असली बैगर को तो तेरह या तेरह से कम ही मिलेंगे लेस देन इक्वल टू में ये करना है तुम्हें कि एक बेटा फेक बैगर बैठा दीजिए अपनी तरफ से राइट तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए थर्टीन असली सिक्के तो एक दो तीन चार नकली लाएंगे थर्टीन प्लस फोर सी फोर यानी सेवनटीन सी फोर हो गया आंसर सेवनटीन सी फोर हो गया आंसर और इंडिविजुअली तो सारे किसी की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे सॉल्व हो गया राइट right? जल्दी से फोर्थ वाला पार्ट करिए बेटा फोर्थ वाला पार्ट करिए खुद से अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब फोर्थ आप कर सकते हैं चलिए तो मैं कर रहा हूं काफी लोग चैट पे दे रहे हैं आंसर पहली बात तो यहां लेस देन नाइनटीन लिख दिया है तो आप उसको सीधे इंटीजर पे जंप कर दो क्योंकि इंटीजर है तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन नाइनटीन मतलब लेस देन इक्वल टू एटीन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एटीन हो जाएगा राइट और अब लेस देन में मैंने क्या बताया था कि आप एक फेक बैगर ले आओ और इक्वल टू एटीन कर दो x4 को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो नाउ x1 कह रहा है जीरो x2 कह रहा है मुझे दो चाहिए x3 कह रहा माइनस वन चाहिए तो इसको दो दे दो से एक ले लो तो 18 में से दो गए सोलह और एक आ गया सिक्के हो गए हमारे पास असली सत्रह और फेक लाएंगे तीन ट्वेंटी सी थ्री हो गया आंसर ट्वेंटी सी थ्री हो गया क्योंकि लेस देन नाइनटीन था राइट right? ध्यान रखना इस बात का लेस देन नाइनटीन था लेस देन इक्वल टू नहीं है ट्वेंटी सी थ्री हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं एक ये करेंगे बढ़िया क्वेश्चन है अब बेगर्स मेथड के ना इसके जो हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इसके इनडायरेक्ट एप्लीकेशन भी होते हैं जैसे इस क्वेश्चन में देखने में कहीं नहीं लिखा बट कई बार क्वेश्चन सोल्व करते वक्त बेटा लग जाता है ऐसे मैथड्स हमारे इन क्वेश्चन में तो देखो मेथड क्वेश्चन क्या है एक मैं आपको करके दिखा देता हूं एक मैं आपको करके दिखा देता हूं फिर एक पीवाई क्यू आपको दूंगा आप खुद से करना राइट क्वेश्चन क्या है यूनिक क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दे डिसाइड टू प्ले ऑन टिल अ टीम विंस फाइव मैचेस अच्छा क्या बोल रहे हैं कि भाई एक सीरीज हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच और वो तब तक चलती रहेगी जब तक पांच कोई एक टीम नहीं जीत जाती राइट right? एक टीम को पांच जीतने अगर इंडिया शुरू के पांचों जीत गई लगातार तो वही सीरीज खत्म बट अल्टीमेटली आपको फाइव तो टोटल जीतने ही जीतने हैं ठीक है सर मतलब इंडिया को अब हमें देखना इन हाउ मेनी वेज सीरीज कैन बी वन बाय इंडिया मतलब इंडिया को पांच तो मैच जीतने अब देखो कैसे सोच रहा हूं पांच विंस तो इंडिया को चाहिए इंडिया को फाइव विंस तो चाहिए लॉसेस कितनी है लॉसेस तो कितनी भी हो सकती है बट चार या चार से कम ही होंगी चार या चार से कम लॉसेस होंगी क्योंकि पांच लॉस हो गई तो फिर तो पाकिस्तान जीत जाएगी ना फाइव लॉस फॉर इंडिया मींस फाइव विंस फॉर पाकिस्तान इंडिया इंडिया विल लूज द सीरीज बट वी वांट जीते मतलब नंबर ऑफ लॉसेस उसकी लेस देन इक्वल टू फोर होंगी तो एक काम करते हैं हम फर्स्ट विन से पहले एक्स मान लेते एक्स वन इज द नंबर ऑफ लॉसेज बिफोर द फर्स्ट विन क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पहला मैच जीता ही हो एक्स क्या माना है मैंने बिफोर फर्स्ट विन सिमिलरली इसको एक्स टू मान लो एक्स टू क्या है पहले और दूसरी जीत के बीच में कितनी लॉस है एक्स थ्री हो गया वेरिएबल लेके आ रहा हूं भाई एक्स फोर इज द नंबर ऑफ लॉसेज बिटवीन दीज टू एक्स फाइव इज दिस और यहां तो कुछ होगा ही नहीं यार क्योंकि पांचवी विन पांचवा डब्ल्यू आता ही सीरीज तो खत्म हो गई लास्ट में तो मैं कुछ नहीं लूंगा बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली जीरो तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा अब जितनी तरह से चार लॉसेस या उससे कम लॉसेज आ सकती है उतनी तरह से इंडिया जीत सकती है तो नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इन इक्वालिटी क्योंकि नंबर ऑफ लॉसेस कितनी हो सकती है मैक्सिमम चार हो सकती है लेस देन इक्वल टू फोर तो पांच विंस के बीच में जितनी तरह से लॉसेस अरेंज हो सकती है उतने तरीके से इंडिया ये सीरीज जीत सकती है कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया देखो मैंने पांच तो डब्ल्यू चाहिए ही चाहिए जितनी लॉसेज है बस वो कहां कितनी लॉस आ रही है क्या हो रहा है उतनी तरीके से मैच जीत जाएगी सीरीज जीत जाएगी तो नंबर ऑफ लॉसेज मान ली मैंने एक्स वन इज नंबर ऑफ लॉसेज बिफोर द फर्स्ट विन एक्स टू इज नंबर ऑफ लॉसेज बिटवीन फर्स्ट टू विन एक्स थ्री इज नंबर ऑफ लॉसेज सेकेंड और थर्ड विन के बीच में एंड सो ऑन ये भी और ये भी और इनकी सम लेस देन इक्वल टू फोर होगा समझ गए ना लेस देन इक्वल टू क्यों क्योंकि चार जरूरी थोड़ी चारों हार जाए हो सकता है एक भी ना हारे राइट अब इसका आंसर निकाल दीजिए बस और एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो लेस देन इक्वल टू मतलब एक फेक बैगर लेके आओगे इक्वल टू फोर कर दिया बस अब तो हो गया खेल खत्म पांच नकली कॉइंस चार असली कॉइंस सी पांच नाइन सी फाइव हो गया इसका आंसर 9c5 सी फाइव हो गया बेटा इसका नंबर ऑफ वेज जिसमें सीरीज इंडिया जीत सकती है नाइन हो जाएगा मैंने क्या किया बेटा मैंने क्या किया देखो दोबारा समझ लो कि पांच तो मैच जीतने हैं इंडिया को क्योंकि इंडिया को फाइव मैच जीतेगी तभी सीरीज जीतेगी अब जितनी तरह उन पांच मैच के अराउंड लॉसेज अरेंज हो गई उतनी तरह से वो सीरीज जीत सकती है क्योंकि हो सकता है पांचों डब्ल्यू आ गए सारे जीरो 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 हो गए हो सकता है ये वन हो गया हो मतलब पहले एल आया हो फिर ये जीरो, ये जीरो 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 मतलब एल डब्ल्यू 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 हो गया हो तो जितनी तरह से लॉसेज बीच में अरेंज हो जाए उतनी सीरीज जीतने के तरीके हैं और लॉसेज मैक्सिमम चार हो सकती है तो ये क्वालिटी बना ली और मैंने इसको सॉल्व कर दी इस तरह के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है एक ऐसा ही जल्दी से पी क्यू कर लेते हैं नंबर ऑफ वे सिक्सटीन आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ विच इलेवन आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड ठीक है, ग्यारह ब्लू है बाकी रेड है पांच कैन बी प्लेस्ड इन आरो सो दैट बिटवीन एनी टू रेड क्यूब देयर शुड बी एटलीस्ट टू ब्लू क्यूब बिल्कुल सेम सवाल है रेड 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 इस बार पांच रेड क्यूब्स रखनी है पिछली बार पांच विंस रखनी थी इस बार बेटा पांच रेड क्यूब्स रखनी है अपने को और उनके गैप्स में उनके गैप्स में नंबर ऑफ हम ब्लू क्यूब्स को x1, x2, x3 मान लेते हैं कि x1, x2, x6 तक क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ब्लू क्यूब्स हो जाएगा ठीक है सर तो अब x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री हमें कितनी ब्लू क्यूब्स रखनी है टोटल टोटल तो सर हमें इस बार 11 की 11 ही रखनी है तो इक्वल टू 11 होगा पिछली बार ऐसा नहीं था पिछली बार लॉसेस मैक्सिमम चार थे तो लेस देन इक्वल टू फोर रखा था अब क्या होगा जल्दी से बताइए हाँ अब एक और बात हम चाहते हैं सो दैट बिटवीन टू रेड क्यूब रेड के बीच में कम से कम दो आए मतलब ये जो बीच वाली वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू x2, x3, x4, x5 की वैल्यूज कम से कम दो होनी चाहिए बीच वालों की साइड वालों में कोई दिक्कत नहीं है शुरू में यहां पे जीरो भी आ जाए चलेगा बट रेड के बीच में जो आ रही है उनमें कम से कम दो एक्स वन ग्रेटर टू जीरो हो सकता है एक्स सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लास्ट वाला भी हो सकता है बट बीच के कम से कम दो वैल्यू लेंगे तो बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा जल्दी से निकालो अब आंसर फाइंड आउट करिए और मैच करिए आंसर को तो हर एक को दो दो देने हैं दे दीजिए इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट दो दो चार छः आठ तो गए ग्यारह में से आठ गए तीन बचे तीन असली सिक्के और नकली सिक्के छः बैगर्स हैं पांच सी, तो सी फाइव तो एट सी फाइव होना चाहिए आंसर जल्दी से एट सी फाइव को ओपन कर लेते हैं एट सेवन सिक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल सिक्स कट गया एट सेवनजा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स।, सिक्स हो गया आंसर इस क्वेश्चन का फिफ्टी सिक्स हो गया आंसर राइट ट सी फाइव गुड काफी लोगों ने चैट पे निकाल लिया है जल्दी से बताएं चैट पे लिख के बेटा जिन जिनका आंसर आ गया है जिन्हें बेगज मेथड का ये फंडा क्लियर हो गया है जल्दी से चैट पे लिख के बता दें ग्रेट काफी लोगों ने लिख दिया है क्लियर है सर भव्या ने अक्षरन ने वेंकटेश अनिल प्रिया साहिल ग्रेट बेटा चलो वेरी नाइस आई थिंक आप लोग इंजॉय कर रहे हैं सेशन को पीएनसी जो है चैप्टर देखो उतना टफ नहीं है काफी बच्चों को ये बहुत टफ लगता है क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगाते या डर दर जाते हैं डरना नहीं है कॉन्सेप्ट लगाइए लॉजिक लगाइए केसेस बनाइए तुम्हारे आंसर्स आएंगे थोड़ी प्रैक्टिस करने की बस जरूरत है चलो भाई तो अब एक क्वेश्चन इसमें इसका तरह का होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं राइट right? बिल्कुल ऐसे ही करना है अब ये एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट ट्वेंटी फोर है थोड़ा हिंट दे देता हूं तो ट्वेंटी फोर को पहले लिख लिया टू क्यूब इंटू एट ओ सॉरी टू क्यूब इंटू थ्री तो अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि तीन नंबर्स हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन में चाहिए टू क्यूब अब टू क्यूब तीन है, की पावर कितनी है तो आप यह मान सकते हो कि तीन coins, आपको तीन इन तीन में तो कि भाई टू की पावर थ्री तीनों में बांटनी है हो सकता है एक के पास जीरो जीरो एक के पास तीन गई हो तो तीनों के पास एक, एक एक गई हो तो बिल्कुल बैगर मेथड बन गया कि आपको इसका अल्फा तो प्लस बीटा प्लस गामा है तीन पावर्स का सम तीन तो आपको फर्स्ट केस क्या लिखना है कि जो टू की पावर्स हैं तीन आइडेंटिकल पावर को मान लो कॉइन्स उनको बांटना है और दूसरा सिनेरियो तीन की एक पावर बांटनी है इन तीन बेगर्स को एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वन सच दैट किसी को जीरो भी मिल जाए तो वन प्लस टू थ्री सी टू हो गया थ्री और ये हो गया दिस इंटू दिस आंसर क्योंकि नंबर ऑफ वेज साइमल्टेनियसली बांटना है साइमल्टेनियसली बांटना है तो टेन इंटू थ्री थर्टी हो जाएगा आंसर पहले हमने टू की पावर्स बांट दी वेगर मेथड लगा के फिर हमने थ्री की पावर्स बांट दी और उसके बाद दोनों को साइमल्टेनियसली क्योंकि बांटना है तो मल्टीप्लाई कर दिया और थर्टी हो गया आंसर थर्टी हो जाएगा आंसर राइट right? चलिए तो ये हो गया बेगर मेथड इसके बाद देखो सर्कुलर परम्यूटेशन भी होता है एक सर्कल में अरेंजमेंट कई बार क्या। अभी तक हमने क्या किया लाइन में किया पांच चीजें लाइन में करी तो करीब फैक्टोरियल हो जाता है बट अगर सर्कल में करना है है तो चीजों का एन वन फैक्टोरियल होता है। और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग है तो और आधा हो जाता है तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए जैसे लाइन में अरेंजमेंट करते हैं बिल्कुल सेम सवाल सर्कल में भी बन सकते हैं जैसे लीनियर अरेंजमेंट के हमने करे ही थे सर्कुलर में भी सेम बस फॉर्मूले बदल जाएंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा राइट सर्कुलर परमिटेशन हो जाएगा अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे बेटा डी अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट छोटा सा पार्ट बचा है ज्यादा कुछ नहीं है इसमें

लेटर होते हैं ना एनवेलप होते हैं अभी वैलेंटाइन डे आया था तुम लोगों को तो पता ही है देते हैं उसमें राइट right? तो वैसा ही कुछ है कि दो लेटर और उनके एनवेलप्स हैं हमें इस तरह से एक लेटर एक एनवेलप में डालना है सच दैट कोई भी लेटर सही एनवेलप में ना जाए मतलब आपको एक लेटर एक एनवेलप में डालना है तो क्लियरली सर एल को ई में डाल दो एल को ई में डाल दो एल को ई में डाल दो ताकि गलत चले जाए मिसमैच हो जाए डी अरेन्ज हो जाए एंड एल को ई में डाल दीजिए तो में तो बड़ा आसान था सर तीन में बात करते हैं अब तीन लेटर्स और तीन एनवेलप्स होते हैं। अब डी अरेंजमेंट करना है अब अगर डी अरेंजमेंट करना है सर मतलब आप किसी को भी लेटर को सही एनवेलप में नहीं डालना और यह भी नहीं करना कि यार तीनों लेटर एक ही एनवेलप में डाल दिया आपने वो भी नहीं करना एक लेटर एक एनवेलप में ही जाएगा बट सब गलत जाने चाहिए बस हम चाहते हैं सब गड़बड़ हो जाए गलत हो जाए इसमें क्या होगा सर एल वन में जाएगा एक पॉसिबिलिटी तो यह है और अफसर एल टू ईवन में नहीं जा सकता नहीं तो एल थ्री सही जाना पड़ जाएगा राइट क्योंकि अगर एल वन ई टू में गया और एल टू ईन में चले गया तो एल थ्री बेचारा कोई ऑप्शन ही नहीं उसको सही लेना पड़ेगा हम तो गलत चाहते हैं एल टू को ई थ्री दे देते हैं एल थ्री को ई वन तो ये एक तरीका हो गया ये एक तरीका है तीन नहीं है एक है क्योंकि बेटा ये सारे क्या है एक साथ करने हमें तो, तो दिस इज वन वे टू डी अरेंज और भी कोई तरीका है क्या डी अरेंज करने का सोचो भाई अभी मैंने क्या किया एल वन को ई टू में दिया L1 को ई थ्री में दे दो L1 को ई थ्री में दे दो ठीक है सर एल टू को ई वन में दे दो एल टू को ई वन और एल थ्री को ई टू में दे दो तो ये भी एक तरीका हो गया सो टू वेज हो गए अब इसके तीन ऑब्जेक्ट्स को डी करने के डी थ्री बोल देता हूं उसको डी थ्री मतलब तीन लेटर्स तीन एनवलप्स को डी करने के दो तरीके हो गए दो तरीके हो गए तीन लेटर्स को डी करने के दो लेटर्स को डी अरेंज करने का वन वे था यह एक ही तरीका है दो नहीं है भाई क्योंकि एक साथ करना है डी तो टू की वैल्यू वन थी डी टू की वैल्यू वन थी डी थ्री की वैल्यू टू थी डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन इन टू वेज अब आ जाते हैं चार पे क्योंकि तो जितना ज्यादा लेटर लेता जाऊंगा उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी जैसे मान लीजिए डी वन सॉरी एल वन एल टू एल थ्री एल फोर E1, E2, E3, E4 अब तुम मैनुअली गिनने जाओगे तो पागल हो जाओगे भाई क्योंकि इसमें इतने ज्यादा केस बन जाएंगे क्योंकि L1, E2 में गया हो फिर L2 टू किस में गया L3 थ्री किस में गया बहुत केसेस देखने पड़ेंगे तो ऐसे नहीं करना जब भी डी अरेंजमेंट आए तो ये तो भाई बेसिक देसी तरीका बता दिया मैंने तुम्हें समझाने के लिए डी अरेंजमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है वो भी बताऊंगा आपको ट्रिक बट बेटा बेसिक फंडा तो समझना है ना सिर्फ ट्रिक समझ के तो हम जाएंगे नहीं जेई में अब चार लेटर्स चार एनवलप में देखो कैसे करेंगे मान लीजिए हमारे पास ये है तो मैं डी फोर निकालना चाहता हूं मतलब इस तरह से ये चार लेटर्स डालें सच दैट चारों गलत सलत चले जाए डी फोर निकालना है तो अब पहले एक बात सुनो अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे सब में एक एक अगर डालता तो फोर फैक्टोरियल वेज होते क्योंकि फर्स्ट लेटर चार में गया होता फिर तीन फिर तो उसमें सही गलत सब हो गए होते बट फोर फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फोर लेटर्स कैन बी सेंट टू फोर एनवलप्स फैक्टोरियल तो टोटल होता टोटल अब टोटल में क्या क्या है ये देख लेते हैं सर टोटल में है कि आपके पास ऑल ऐसे कर लेता हूं देखो फाइव करेक्ट गए हो एंड जीरो एंड जीरो रॉन्ग सारे के सारे करेक्ट गए होंगे जीरो रॉन्ग या फिर फोर करेक्ट एंड वन रॉन्ग गया हो या फिर थ्री करेक्ट गए हो एंड टू रॉन्ग गए हो या फिर फोर कर सॉरी टू करेक्ट थ्री रॉन्ग गए हो या फिर सॉरी तो पांच थोड़ी ना थे चार थे ना मेरे पास ये क्या कर दिया <coughs> पांच का क्यों ले रहा हूं मैं फोर लेटर्स हैं तो फोर को मैं कर लेता हूं फोर करेक्ट एंड जीरो रॉन्ग पहला केस या फिर आपके पास थ्री करेक्ट वन रॉन्ग या फिर टू करेक्ट टू रॉन्ग या फिर वन करेक्ट थ्री रॉन्ग या फिर ऑल फोर रॉन्ग ये मुझे निकालना है ये मुझे निकालना है बेसिकली मैंने क्या किया फोर फैक्टोरियल में सब होगा सब होगा क्या क्या होगा सब में चारों करेक्ट तीन करेक्ट दो करेक्ट एक करेक्ट या जीरो करेक्ट ये मुझे फाइंड आउट करना है इसको मान लेता हूं क्योंकि यही है ऑल ऑल रॉन्ग रॉन्ग वाला all wrong वाला मुझे निकालना है अब क्या होगा सर भाई अब बाकी सब कैलकुलेट करके चार फैक्टोरियल में से माइनस करूंगा अब ये सोचता हूं फोर करेक्ट तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट ऑल फोर टू करेक्ट ये लेटर है एनवलप है चारों सही चले जाए कितनी तरह से डाल सकते हो एक ही तो तरीका है भाई सबको अपना अपना एनवलप दे दो सबको अपना अपना एनवलप दे दो तो इसका एक तरीका थ्री करेक्ट एंड वन रॉन्ग तो भाई थ्री करेक्ट अगर गए कॉमन सेंस लगाओ सर थ्री करेक्ट कर दिया आपने ये करेक्ट कर दिया ये करेक्ट ये करेक्ट तो रॉन्ग कैसे हो सकता है चौथा चौथा रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि चौथे के पास एक ही ऑप्शन बचा हो तो फिर करेक्ट में ही जाएगा अगर तीन करेक्ट हो गए ये करेक्ट हो गया ये करेक्ट और ये करेक्ट हो गया सर चौथा तो ऑब्वियसली करेक्ट ही होगा ना तो इसका मतलब ये वाला तो बेकार का केस है तो जीरो हो जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा सर टू करेक्ट टू रॉन्ग टू करेक्ट पहले तो मैं फोर सी टू तरह से वो सेलेक्ट कर लेता हूं कौन से दो सही डालने हैं मान लो ये दोनों सही डाल दिए अब ये रॉन्ग करने तो ये तो दो रॉन्ग तो डी टू की वैल्यू हो जाएगी दो एनवेलप दो लेटर रॉन्ग डाल लें तो D2 हो जाएगा D2 अभी निकाला था हमने डी अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स D2 की वैल्यू आई थी वन तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं D2 की वैल्यू विच इज एक्चुअली वन और अगला वाला तुम समझ गए वन करेक्ट थ्री रॉन्ग तो पहले तो फोर सी वन तरह से वन करेक्ट और थ्री रॉन्ग मतलब डी हो जाएगा और डी भी अभी सर आपने निकाला था डी थ्री वॉज तो डी की वैल्यू है सर टू और फाइनली ये वाला तो एक्स है ऑल करेक्ट ऑल रॉन्ग जो है एक्स वो हमें निकालना है बस अब तो आप सॉल्व करिए तो फोर फैक्टोरियल इक्वल टू वन प्लस फोर सी टू इंटू वन फोर सी टू इंटू वन प्लस फोर सी वन इंटू टू प्लस एक्स एक्स सॉल्व कर लो यहां से फोर फैक्टोरियल होता है ट्वेंटी फोर वन प्लस फोर सी टू होता है सिक्स फोर टू द एट एक्स हो गया चौबीस माइनस पंद्रह नौ सो डी फोर की वैल्यू बेटा नाइन आ गई डी फोर की वैल्यू नाइन आ गई इस तरह से हमने निकाला ये हो गया लॉजिकल अप्रोच इसको फाइंड आउट करने का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अब सेम चीज अब d5 भी कोई पूछ सकता है d6 भी अब तुम कब तक निकालोगे तरीका तो यही है देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है फाइव भी तुम निकाल सकते हो फोर्टी फोर आ जाता है डी फाइव सिमिलरली बट मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं जो डी अरेंजमेंट का बेटा फॉर्मूला होता है आप सीधे एन की वैल्यू डाल के ये फॉर्मूला लगा देते हैं अब उसमें कहां से आया कहां से नहीं आया उसमें रहने दो अभी उसमें बड़ा समय लग जाएगा प्रूफ में जरूरत भी नहीं है तुम्हें तुम बस इतना याद रख लीजिए याद रख लो बस इसको कि डी एन डी फाइव डी सिक्स कुछ भी पूछेंगे इस फॉर्मुले में वैल्यू फिट कर देंगे हमें डी अरेंजमेंट ऑफ दो मेनी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई सब कुछ उल्टा उल्टा चले जाए सब गलत हो जाए राइट डी थ्री डी तक याद ही कर लो क्योंकि एग्जाम में आए तो खट से डाल लोगे कोई जाएगा वैसे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे डी 9, नाइन 44 होता है चलो एक सवाल इस पे कर लेते हैं डी अरेंजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो अभी हमने लेटर एनवेलप वाला किया वो तो हो ही सकता है उसके अलावा ही आपका एक क्वेश्चन बन सकता है इस पे देखिए क्या है सिक्स स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर आई आई टी एग्जाम इन सेंटर तुम्हारी कहानी लग रही है कुछ जो तुम लोगों को फेस करना है अगर ऑफलाइन सेंटर पे जाओगे टू लीव देयर बैग आउटसाइड द एग्जाम हॉल ठीक है ये तो बच्चे हैं उनको बोला कि भाई एग्जाम तो देना है तुम्हें तो चीटिंग कर लोगे इसलिए बैग बाहर रख के जाओ अंदर लेके मत जाओ म वापस जा रहे थे भाई घर तो क्या हुआ इन हाउ मेनी वेज कैन दे पिकअप वन बैग ईच रैंडमली अब वापसी में इतने ज्यादा खोए हुए थे बहुत बढ़िया पेपर हो गया या बहुत खराब जो भी समझ लो कि अपनी धुन में थे देख ही नहीं रहे हैं कौन सा बैग उठा रहे हैं कोई भी बैग उठा के चल दिए बस एक बैग उठा लिया रैंडमली टच दैट नो स्टूडेंट एंडज अप पिकिंग देयर ओन बैग क्या ये डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं हो गया सोचो छह बच्चे हैं छह बैग पड़े हैं कोई किसी ने अपना सही नहीं उठाया सबने गलत सलत उठा लिए छह लेटर छे एनवेलप वाला ही सिचुएशन हो गई कि आपने छह चीजों को क्या करना है डी अरेंज करना है सर डी अरेंज करना है अरेंजमेंट ऑफ यानी D6 हो जाएगा जिसको तुम फॉर्मूला डाल के निकाल लोगे डी सिक्स आंसर हो जाएगा डी सिक्स आंसर हो जाएगा अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे एग्जैक्टली टू स्टूडेंट पिक अप देर करेक्ट बैग दो ने सही उठाया दो बड़े होशियार थे उनका दिमाग इतना खराब नहीं हुआ था वो सही बैग उठा के गए मतलब दो ने सही उठाया मतलब चार ने गलत उठाया एग्जैक्टली exactly दो, मतलब दो ने सही चार ने गलत अब क्या होगा सोचो दो सही तो किन कौन से दो ने सही तो पहले तो सेलेक्ट कर लो भाई सिक्स टू तरह से आपने वो दो बच्चे सेलेक्ट कर लिए जिन्होंने सही उठा लिया सही उठाने का तो एक ही तरीका पर ले जाओ अपना अपना बैग और बचे हुए चार जो शैतान है, है तो उनमें डी फोर लगा दो D4, क्योंकि आप चाहते हो बचे हुए चार सारे गलत उठाए सारे गलत मतलब चार गलत लेटर चारों गलत एनवलप में जाए चार स... बच्चे चारों गलत बैग उठाए डी फोर हो गया तो सिक्स टू इंटू डी फोर सिक्स टू होता है पंद्रह फोर अभी निकाला था नाइन वन थर्टी फाइव हो जाएगा आंसर वन थर्टी फाइव हो जाएगा आंसर सिक्सू इंटू डी फोर गुड काफी सारे लोग लिख रहे हैं चैट पे कुछ लोग डी फोर लिख रहे हैं बस बट ये गलती कर रहे हैं वो कि भाई चार ने गलत तो कर रहे हैं बट दो सही कौन से सही ये भी तो तुम डिसाइड करोगे ना भाई छह बच्चे हैं दो ने सही उठाया बस हमें पता है कौन से दो तो सिक्स सी टू तरह से उन्हें सेलेक्ट भी करना होगा सिक्स तरह से सेलेक्ट भी करना होगा बेटा अब थर्ड पार्ट है मजेदार एटलीस्ट दो रॉन्ग बैग उठा लें एटलीस्ट दो बच्चे रॉन्ग उठाए देखो जहां भी एटलीस्ट आ जाता है ना मेरे दिमाग में चलता है यार सीधा निकालू या टोटल में से माइनस करूं जो मुझे छोटा लगता है मैं उसमें करता हूं एटलीस्ट वर्ड देखते ही तो मैं देख रहा हूं यार अगर मैं सीधा करना चाहूंगा इसे एटलीस्ट दो गलत का मतलब टू रॉन्ग फोर करेक्ट थ्री रॉन्ग थ्री करेक्ट फोर रॉन्ग टू करेक्ट फाइव रॉन्ग वन करेक्ट सिक्स रॉन्ग बहुत केसेस बन जाएंगे सर साफ दिख रहा है बहुत सारे केसेस बन जाएंगे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे अगर मैं एटलीस्ट दो लेने की कोशिश करूंगा कर सकते हो कोई बुराई नहीं है इन सबके आंसर एड करोगे आंसर आ जाएगा बट उल्टा सोचते हैं एक बार उल्टा सोचते हैं कि हम क्या करते हैं टोटल में से तो ये भी एक तरीका हो सकता है मेथड वन बेटर अप्रोच बेटर अप्रोच आपकी क्या रहेगी टोटल क्या है सर टोटल तो सिक्स फैक्टोरियल है क्योंकि छह बैग्स, छह बच्चों को उठाने एक एक को सिक्स फैक्टोरियल तरह से टोटल उठा सकते हैं टोटल में से अगर हम वो माइनस कर दें जब क्योंकि एटलीस्ट टू चाहते हो मतलब जीरो रॉन्ग यानी कि जीरो रॉन्ग एंड सिक्स करेक्ट प्लस वन रॉन्ग एंड फाइव करेक्ट ये दो केस मतलब जीरो रॉन्ग वन रॉन्ग वाले माइनस कर दें तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाले मिल जाएंगे हमको क्योंकि टोटल में क्या होगा या तो एक भी गलत नहीं होगा एक गलत या दो तीन चार पांच छह तो हमने इतना बड़ा केस सॉल्व करने की जगह उल्टा कर लेते हैं टोटल में से माइनस कर लेते हैं टोटल में से वो माइनस कर लेते हैं जब जीरो रॉन्ग या फिर बेटा वन रॉन्ग होगा जीरो रॉन्ग या वन रॉन्ग होगा देखो अब जल्दी से बहुत ही मजेदार हो गया के फैक्टोरियल तो 720 होता है जीरो रॉन्ग एंड सिक्स करेक्ट तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू पिक अप अ बैग ईच एक एक बच्चा एक एक बैग उठा ले सच दैट सारे करेक्ट हो जाए सारे करेक्ट तो सब करेक्ट तो सर एक ही तरीका है सारे अपने अपना बैग लेके चलते बने कोई इधर उधर की बात नहीं सारे के सारे अपना अपना बैग लेके गए फाइव करेक्ट एंड वन रॉन्ग फाइव करेक्ट एंड वन रॉन्ग हाँ, अब ये बेटा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर वही बात पांच ने सही उठ एक रॉन्ग कभी पॉसिबल नहीं है डी अरेंजमेंट में क्योंकि बेटा अगर पांच ने सही उठा लिया तो यार छठा तो बेचारा बैठा रह गया अपना ही बैग ही लेके जाएगा और किसका उसको शैतानी करने का मन भी हो तब भी नहीं कर सकता क्योंकि पांच तो सही लेके जा चुके हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है इसका आंसर जीरो होगा पहले भी हुआ था तो बेसिकली सात हो गया सीधे सीधे आंसर दिस इज अ मच बेटर अप्रोच मेथड वन लगाते बहुत लंबा हो जाता so, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेवन वन नाइन सिक्स फैक्टोरियल में से सिर्फ एक तरीका माइनस जब सबने सही उठाया होगा तो आपको मिल जाएगा जब कम से कम दो लोगों ने गलत उठाया होगा कम से कम दो लोगों ने गलत उठाया देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन हो गया है क्लियर फैक्टोरियल माइनस फोर फैक्टोरियल क्यों नकुल कह रहे हैं नकुल्स फैक्टोरियल माइनस डी फोर क्यों बेटा डी फोर क्यों कर रहे हो तुम चार ने गलत उठाया ये क्यों माइनस कर रहे हो आप ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं कि चार गलत नहीं उठा सकते चार गलत बिल्कुल उठा सकते हैं वो ये बोल रहे हैं सिक्स फैक्टोरियल में से वो माइनस करो जब एटलीस्ट टू चाहिए तुम्हें गलत तो कम से दो से कम जब गलत हो रहे हो यानी जीरो या वन वाले तो वो माइनस करने हैं तो सिक्स फैक्टोरियल माइनस डी फोर बेटा नहीं हो सकता वो गलत हो जाएगा चलिए तो ये हो गया हमारा डी अरेंजमेंट भी एक क्विक मैंने आपको एक तरह से कह लीजिए कि पूरी थ्योरी का मैंने आपको एक आइडिया दिया है अब ये बिल्कुल ऑब्वियसली देखो अब जो चीज रेगुलर बैचेस में दस घंटे बारह घंटे में होती है तो नेचुरली हमने कॉन्सेप्ट तो कवर कर ली है बट प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ा सा और आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से अगर जेई मेन और एडवांस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट मेन्स के लिए एटलीस्ट पचास साठ क्वेश्चन और लगा लो इस पर और बेटा एडवांस के लिए तो देखो जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया रहता है उतना बढ़िया रहता है तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो गया है थ्योरी में आपका इससे बाहर कुछ नहीं है सारी चीजें कवर कर ली हैं अगर इतना पढ़ लिया तो मेन्स एडवांस के लिए थ्योरी बहुत है चलिए तो अब एंड आ गया है बच्चों अपने लेक्चर का और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर था गले में भी दर्द हो गया क्योंकि इसमें बोलना बहुत पड़ता है बेटा इस चैप्टर में समझाने के लिए इट्स नॉट लाइक एनी अदर चैप्टर जहां फॉर्मुला बनाए लगाए और होता गया तो हर एक चीज में बेटा लॉजिक है तो अगर आप लॉजिक इसमें ढूंढेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा यह चैप्टर आपको समझ आएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर में फील करोगे इसलिए जब भी पीएनसी के क्वेश्चन आए दिमाग लगाइए थोड़े केसेस वगैरह बना के सोचिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर नहीं है इसलिए ऐसा होता है राइट चलिए तो बच्चों एंड आ गया अपने लेक्चर का इज दिस इनफ फॉर इलेवेंथ बिल्कुल बेटा इलेवंथ के लिए तो डेफिनेटली इनफ है इलेवेंथ के लिए तो कॉम्बिनेशन तक जहां मैंने करवाया था एनसीआर उतना भी इनफ था आपके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग बट देन हमने काफी सारी चीजें उसमें एक्स्ट्रा भी करी हैं जो एनसीआरटी में नहीं दी हुई हैं चलिए तो बच्चों आई होप मजा आया आप लोगों को सर हाउ टू सॉल्व हाउ टू इंक्रीज क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड एक ही तरीका है भाई कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी चलिए भाई तो खत्म करते हैं आज का सेशन बेटा मिलेंगे हम लोग इसी तरह के और सेशंस में 2023 के मैंने सवाल जान के नहीं करवाए हैं स्टार्टिंग में भी बोला था आप लोग खुद करिएगा अटेम्प्ट उन क्वेश्चंस को थ्योरी को पढ़ने के बाद देखिए कितने परसेंट आपसे हो रहे हैं चालीस पचास पचास साठ परसेंट भी अगर क्वेश्चन आपसे हो गए उसमें से बहुत बढ़िया है कमेंट करके बताइएगा सर कितने हुए हमसे क्या रहा कैसा रहा सो so दैट मैं रीड करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट राइट चलिए तो बेटा एंड आ गया है काफी सारे बच्चे थैंक यू लिख रहे हैं शायरी लिख रहे हैं तो विजय लिख रहे हैं सर शायरी बेटा शायरी तो मेरे को वैसे याद तो है नहीं कोई हाँ बट अगली बार चलो ठीक है पक्का या आपने अच्छी चीज़ याद दिलाई बढ़िया ट्राई करेंगे आईव नेवर ट्राइड इट बट आई विल ट्राई सर आप कब आओगे नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा कभी भी आ जाएंगे उसमें क्या है मंजिल एडवांस भी आएगा अभी काफी चीजें चल रही हैं वरुण एडवांस्ड आएगा उसमें भी क्लासेस लेंगे आपकी चलिए तो बच्चों थैंक यू सो मच आई होप आपने एन्जॉय किया सेशन मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर गुड बाय एंजॉय पढ़ते रहिए और लगे रहिए इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है आई आई टी फोड़ना है देखो टारगेट मैंने सामने लिखा हुआ है तुम सभी लोगों के लिए हैश टैग आई आई टी फोड़ना है मेन्स का सिर्फ टारगेट मत लेके चलो एडवांस भी कर सकते हो ट्रस्ट मी आप सभी लोग कर सकते हो मुझे पता है तुम्हें अंदर से फील हो रहा होगा कि यार हमारे लिए नहीं बोल रहे सर बट ट्रस्ट मी बेटा सभी के पास इक्वल चांस है इस समय सबका यही मोरल हाल होता है एट्टी नाइनटी परसेंट का यही हाल है तो गिव अप मत करो कर, लगे रहो यू नेवर नो लास्ट में क्या हो जाए बस अपने लगे रहो मेहनत करते रहो मेहनत करते रहोगे लास्ट में गिवअप करके बैठ जाओगे कुछ नहीं होगा जितनी मेहनत करते जाओगे लास्ट में जाके उसका एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिलेगा आपने को ठीक है भाई चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम टेक केयर गुड बाय